चेक करो आवा जा रहे हैं ओके सी ये अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है कंप्यूटेशन और टैक्स लाइबिलिटी मीन्स टैक्स कैलकुलेशन के लिए क्या रेट्स अप्लाई करने क्या रूल्स फॉलो करने वो अपने को पढ़ना है ओके okay? और ये टॉपिक क्या किधर भी काम आ सकता है एमसीक्यू वगैरह फुल फ्लेज क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉलेज काम आ सकता है तो सी पहले तो कभी भी किसी का टैक्स कंप्यूट करना है तो सबसे पहले तो फाइव हेड्स ऑफ इनकम को इकट्ठा करना पड़ेगा टोटल विल बी ग्रॉस टोटल इनकम फिर डिडक्शन द चैप्टर सिक्स से फिर आएगा नेट टैक्सेबल इनकम फिर ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है इसमें सब तरह की इनकम शामिल है लेकिन अपने को उसको स्प्लिट करना पड़ेगा जिन जिन इनकम का स्पेशल रेट है ना उसको अलग करके उसका अलग कॉलम बनाना पड़ेगा ओके तो सी कौन सी कौन सी इनकम के लिए स्पेशल टैक्स रेट है तो उसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिट अगेंस्ट अंडर सेक्शन त्रिपल वन ए इसको मैं बोलूँगा सटक जी अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए एंड वॉट डू मीन बा सटक जी अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए इक्विटी शेयर्स बेच के शॉर्ट टर्म हुआ होगा तो क्योंकि इक्विटी शेयर्स बेच के शॉर्ट टर्म होता है ना उसके ऊपर 15 परसेंट टैक्स आता है एंड बिकॉज इसका स्पेशल टैक्स रेट है तो इसका कॉलम ही अलग बना देना चाहिए ओके एंड फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए इसको मैं बोलूँगा लटक जी अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए ये भी इक्विटी शेयर्स बेचने का लॉन्ग टर्म है ओके और इसका भी अलग कॉलम क्यों बनाया क्योंकि इसके लिए भी स्पेशल टैक्स रेट है टेन फिर अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का भी कॉलम अलग बनाएंगे क्योंकि इसका भी रेट अलग है ट्वेंटी परसेंट ये सब टैक्स रेट है फिर विनिंग्स का अलग कॉलम बनेगा क्योंकि उसका थर्टी परसेंट टैक्स रेट है तो हमेशा है ये चार इनकम को अलग ही कर देना चाहिए क्योंकि बाकी सब इनकम के ऊपर रेगुलर टैक्स रेट आएगा और रेगुलर टैक्स रेट का मतलब ऐसे नहीं बोल देना चाहिए स्लैब रेट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एस तो सी यर डिपेंडिंग अपॉन एस एस सी का मतलब क्या है अगर कोई इंडिविजुअल अचीव हुआ तो स्लैब रेट से टैक्स आएगा पार्टनरशिप फॉर्म है तो थर्टी परसेंट एल एल पी है तो थर्टी परसेंट और कंपनीज में फॉरेन कंपनी है तो फोर्टी परसेंट लगेगा और इंडियन कंपनी है तो थर्टी परसेंट लगता है लेकिन इंडियन कंपनी को कभी कभी ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स लगता है कब ये देखो अगर किसी इंडियन कंपनी का लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्नओवर लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ या कम है तो उसको करंट ईयर में 25 परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा ओके और लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब अपनी एग्जाम में 23 24 ईयर है तो उसका लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब क्या हो गया 21 22 ईयर तो 21 22 फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर किसी कंपनी का 400 करोड या कम है तो ट्वेंटी टैक्स लगता है ओके और अगर 400 करोड़ से ज्यादा टर्न है तो 30% परसेंट और ये इंडियन कंपनी का रूल है फ़ॉरेन कंपनी का तो हमेशा 40% परसेंट टैक्स रेट ही होता है बट एनी वे सी इंटर के पेपर में इन लोग कंपनी का सम यूजुअली नहीं बनाते अपने एग्जाम में क्या इंडिविजुअल का सम आएगा और इंडिविजुअल लोग के लिए स्लैब रेट्स के हिसाब से जाना पड़ता है तो सी ये बात कहाँ से निकली थी ये देखो मैं ये बोल रहा था ये बैलेंस वाली जो इनकम है उस पर टैक्स कितना आएगा डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एस तो एक एक करके बताओ इंडिविजुअल एच का क्या है स्लैब रेट्स अब स्लैब रेट्स भी देख लो क्या है स्लैब रेट्स क्या जवानों का स्लैब रेट कैसा है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक जीरो परसेंट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लैक्स हुआ तो फाइव परसेंट फाइव लैक्स से दस लाख हुआ तो ट्वेंटी परसेंट और दस लाख के ऊपर गया तो थर्टी परसेंट और ये स्लैब वाइज करना पड़ता है ऐसे नहीं कि दस लाख के ऊपर गया तो पूरे पे थर्टी परसेंट और दस लाख के ऊपर की अमाउंट का थर्टी परसेंट है और इस बीच में जो अमाउंट है उसके ऊपर ट्वेंटी इस बीच में जो अमाउंट है उसका फाइव एंड सो ऑन लेकिन सी ए जवानों का स्लैब रेट है बुढ़े लोग होते हैं ना सीनियर सिटीजन बुढ़ा भी कैसा देसी बुढ़्ढा सिक्सटी ईयर्स एंड अबाव रेसीडेंट सिक्सटी ईयर्स एंड अबाव रेसीडेंट हुआ तो ये टू लैख फिफ्टी की जगह क्या हो जाएगा थ्री लैक्स मतलब थ्री लैक्स तक जीरो परसेंट एंड फिर थ्री लैक्स ,00 से फाइव लैक्स तक फाइव परसेंट एंड सो ऑन बाकी सब सेम है और अगर उसमें भी एकदम ही ज़्यादा सीनियर सिटीजन है ना वेरी सीनियर सिटीजन एटी ईयर्स एंड अबाव वाला तो उसमें तो पाँच लाख ,00 तक जीरो परसेंट टैक्स है ये देखो जीरो परसेंट अप टू फाइव लैक्स इट विल बी ज़ीरो परसेंट एंड फाइव लैक्स के बाद में फाइव लैक्स से टेन लैक्स तक ट्वेंटी परसेंट एंड अबाउट टेन लैक्स या तो थर्टी परसेंट ये देखो साइड में मैंने जो लिखा है ना ये एक इसके लिए ऐसा सीनियर सिटीज़न जो एटी ईयर्स एंड अबाव है उसमें तो पाँच लाख तक सीधा जीरो ही है फिर पाँच लाख के बाद सीधा ट्वेंटी परसेंट आता है वो भी पाँच लाख से दस लाख तक दस लाख के ऊपर तो थर्टी परसेंट है और अगर नॉर्मल बुड्ढा है तो सिक्सटी ईयर्स एंड अबाव वाला तो ये सेम ही है लेकिन जिधर मैंने टू लैख फिफ्टी लिखा उसके बदले थ्री लैक्स हो जाएगा ओके तो तीन स्लैब है जवानों का स्लैब ले जवानों का स्लैब रेट टू लैख फिफ्टी से आता है सीनियर सिटीजन का देसी बुड्ढे का सिक्सटी ईयरस एन अब होगा थ्री लैक्स के हिसाब से और एकदम सुपर बुड्डा है तो फाइव लैक्स से जीरो परसेंट बाद में ट्वेंटी और थर्टी लेकिन सी इस मामले में ना तुम लोग को इसका भी नॉलेज होना चाहिए सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी एक सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी में अनोखे स्लैब रेट्स से लेकिन वो अनोखे स्लैब रेट्स का नॉलेज मैं अभी नहीं दूंगा 115 वन का टॉपिक है ना जब तक इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं हो जाता ना तब तक सिखा नहीं सकते लेकिन इस वक्त तुम्हारे माइंड में अगर ये चल रहा होगा ना तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी मैं वन वन फाइव बी एस सी करके सेक्शन है उसमें स्पेशल स्लैब रेट्स है वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो टाइम आने पे करूँगा अभी मैं नॉर्मल जो स्लैब रेट से वो तुमको बता रहा हूं ओके तो इस वक्त वन वन फाइव बी एस सी का मत सोचो वो वक्त आने पर बताऊंगा तो ये स्लैब रेट वाला सिस्टम किसके लिए इंडिविजुअल एचू है एंड फिर पार्टनरशिप फॉर्म एल एल पी का खाली नॉलेज रखो लेकिन एग्जाम में सम इंडिविजुअल का ही आएगा फिर भी देख लो ना थर्टी परसेंट है और कंपनीज तो का फॉरेन कंपनी है तो फोर्टी परसेंट इंडियन कंपनी का थर्टी परसेंट होता है लेकिन ट्वेंटी फाइव परसेंट कब होगा इंडियन कंपनी का जब उसका गए से गए साल का टर्नओवर लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्नओवर ओवर इस फोर हंड्रेड क्रोर्स या कम हुआ तो ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स आएगा ओके तो ये टैक्स किधर लगाना होता है बैलेंस इनकम पे सी सबसे पहले ये चार को तो अलग ही कर दो क्योंकि ये चार इनकम का तो है ना इर ऑफ द टाइप ऑफ द एस एस सी टैक्स रेट स्टैंडर्ड है कैसा भी एस एस सी हो लेकिन इधर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एस एस सी ओके एंड फिर देखो इतने में खत्म नहीं हो जाता है इधर क्या मेरे पास पेज में जगह नहीं है ना तो यही चीज़ को मैंने नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड किया ये देखो दिख रहा है वो सेम चीज़ मैंने वापस कॉपी की है सटक जी लटक जी सादा लटक जी विनिंग्स और बैलेंस ओके okay? तो यहां तक तो अपना डिस्कशन हो चुका था फिर ये सब टैक्सेस को कैलकुलेट करने के बाद कम्बाइंड करना पड़ता है ये मेरा कंबाइंड टैक्स है एंड फिर इसके बाद रिबेट आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87 सेवन है रिबेट कब मिलता है अगर एस गरीब है तो गरीब मतलब क्या उसका ये नेट टैक्सेबल इनकम अप टू फाइव लैक्स होना चाहिए जिसकी इनकम फाइव लैक्स या कम है ना तो गवर्नमेंट बोलती है बेचारा गरीब है तो गरीब आदमी जब टैक्स भरता है तो गवर्नमेंट उसको थोड़ा डिस्काउंट देती है डिस्काउंट को बोलते हैं क्या रिबेट रिबेट मतलब डिस्काउंट ही होता है ना लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है नेट टैक्सेबल इनकम अप टू फाइव लैक्स होना चाहिए और वो भी देसी बॉय होना चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉम कंपनीज को तो मिलता ही नहीं है इंडिविजुअल को ही मिलता है एच को भी नहीं है इंडिविजुअल भी रेसिडेंट होना चाहिए बी केयरफुल इधर रेसिडेंट होना चाहिए हाँ और रिबेट कितना है बारह हजार पाँच सौ मैक्सिमम बारह हजार पाँच सौ मतलब उससे ज्यादा नहीं कम होगा तो कम ही मिलेगा जैसे मान लो ये वाला आंसर है ना ये वाला ये सारे टैक्सेस को इकट्ठा करके मेरा टोटल टैक्स ही खाली छः हजार आ रहा है तो रिबेट छः हजार का ही मिलेगा ना लेकिन अगर ये वाली आंसर पंद्रह हज़ार आ गई तो नहीं पंद्रह हज़ार जितना रिबेट तो नहीं मिल सकता फिर बारह हज़ार पाँच सौ का ही रिबेट मिलेगा मतलब तो मैक्सिमम ट्वेल्व थाउंड फाइव हंड्रेड ओके तो ये था रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए फिर ये लेस हो जाएगा लेस होने के बाद सरचार्ज आता है सी रिबेट गरीबों के लिए रखा है और सरचार्ज अमीरों के लिए रखा है क्योंकि सी अमीर लोग के ज़्यादा पैसा होता है ना तो गवर्नमेंट क्या बोलती है तू जितना टैक्स देता है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा दे देना मतलब जो भी तू टैक्स भर रहा है उसमें टेन परसेंट एक्स्ट्रा भर दे मींस अगर तू टैक्स सौ रुपया भरने वाला है तो सौ नहीं एक सौ दस दस परसेंट एक्स्ट्रा भर क्योंकि तू अमीर है तो सरचार्ज खोला ही किसके लिए अमीरों के लिए और सरचार्ज का मतलब ही क्या होता है टैक्स के ऊपर वापस से टैक्स आ रहा है टैक्स तो ठीक है वो तो हर कोई भरता है अमीर गरीब लेकिन अमीर है तो तू टैक्स के ऊपर और टैक्स भर उसको बोलते दे सर चार्ज लेकिन सी सरचार्ज के रूल्स तुमको मालूम है कितने कॉम्प्लिकेटेड है ये देखो सरचार्ज का रूल देखो ऐसा है अगर कोई इंडिविजुअल एचुएफ होता है ना तो उसके लिए सरचार्ज के लिए इतनी वेराइटीज है पहले तो सरचार्ज किसको आता अमीर लोग के लिए और अमीर का मतलब क्या ना ये देखो अमीर मतलब अपना नेट टैक्सेबल इनकम जो होता है ना ये ये 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए अगर ये वाली इनकम नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है दैट मीन्स बंदा अमीर है और अमीर है तो सरचार्ज भरो ओके तो सीयर इधर लिखा है मैंने नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है देन यू आर नॉट एन अमीर तो यूर मिडल क्लास बंदा, तो जीरो परसेंट सर चार्ज है लेकिन 50 लाख क्रॉस हो गया ना देन यू आर अमीर फिर अपने को टेन परसेंट सर चार्ज भरना पड़ता है और टेन परसेंट कैसे निकालते है? ये देखो टेन परसेंट ये जो अमाउंट आई ना ये इसके ऊपर लगाना पड़ता है अपने देखेंगे किसको मालूम है पचास लाख से ज्यादा है कि नहीं उसके लिए ये फिगर को देखेंगे कि ये पचास लाख के ऊपर है तो ये सरचार्ज आएगा लेकिन टेन परसेंट इस पर मत अप्लाई कर देना टेन परसेंट इस पर नहीं आता है टेन परसेंट तो सरचार्ज के जस्ट पहले जो आंसर आया होगा ना सरचार्ज के जस्ट पहले वाला आंसर उसका टेन परसेंट ओके लेकिन उसमें भी अगर एक करोड़ के ऊपर चला गया नेट टैक्सेबल इनकम तो फिफ्टीन परसेंट सी इधर स्लैब वाइज नहीं होता है कि थोड़ेगा टेन परसेंट ले लो थोड़ेगा फिफ्टीन परसेंट एक बार एक करोड़ क्रॉस हुआ ना तो अपने लिए टेन परसेंट वन परसेंट नहीं फिर फिफ्टीन परसेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा लेकिन एक करोड़ से ज़्यादा क्या होना चाहिए एक करोड़ से ज़्यादा नेट टैक्सेबल इनकम होना चाहिए लेकिन वो पंद्रह परसेंट में इसके ऊपर लग अप्लाई नहीं करूँगा पंद्रह परसेंट तो सरचार्ज के जस्ट पहले जो आंसर आया होगा ना उसके ऊपर सी कोई भी परसेंटेज लगाते ना यू टू तो अप्लाई ऑन द प्रिसडिंग फिगर प्रिडिंग फिगर का परसेंटेज होता है फिर एक करोड़ के ऊपर पंद्रह परसेंट तो आता है लेकिन दो करोड़ क्रॉस हो गया तो ट्वेंटी फाइव परसेंट पांच करोड़ क्रॉस हो गया तो थर्टी सेवन परसेंट तो ये सब में देखने का नेट टैक्सेबल इनकम को लेकिन परसेंटेज नेट टैक्सेबल इनकम में मत अप्लाई करना परसेंटेज जो टू तो अप्लाई ऑन सरचार्ज के जस्ट पहले वाला अमाउंट ओके okay? तो इधर क्या क्या याद रखना है पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ ओके okay, और 50 लाख के ऊपर 10 परसेंट फिर बाद में 15 परसेंट फिर बाद में 25 परसेंट बाद में 37 परसेंट आएगा तो ये सरचार्ज है लेकिन सी ये सरचार्ज किसका था इंडिविजुअल एच लोग का होता है पार्टनरशिप फॉर्म एल एल में तो क्या है एक करोड़ तक तो सरचार्ज आता ही नहीं है ओके okay, एक करोड़ तक सरचार्ज नहीं है एक करोड़ के ऊपर गया तो ट्वेल्व लेकिन सी यूजली इन लोग पार्टनरशिप फॉर्म का सम देंगे नहीं लेकिन क्या भरोसा कोई एम वगैरह में नॉलेज काम आ गया तो रखो तो एक करोड़ के ऊपर गया तो ही आएगा ट्वेल्व परसेंट ओके फिर इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज का देखो कैसा है एक करोड़ तक तो आता ही नहीं है और एक करोड़ के बाद आएगा लेकिन कितना सेवन परसेंट अगर इंडियन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी है तो टू परसेंट आएगा और उस पर भी दस करोड़ क्रॉस हो गया ना दस करोड़ तो इंडियन कंपनी का बारह परसेंट फॉरेन कंपनी का पांच परसेंट इधर दो लेवल है एक करोड़ दस करोड़ एक करोड़ दस करोड़ और परसेंटेज क्या था सात बारह दो पाँच सात बारह दो पाँच इसको याद ही ऐसे करो इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनी का सरचार्ज कैसे आता है सात बारह दो पाँच सात बारह दो पाँच सात बारह दो पाँच और लेवल क्या था एक करोड़ दस करोड़ एक करोड़ के बाद गया तो सात परसेंट दस करोड़ के बाद गया तो बारह परसेंट एंड फॉरेन कंपनी का वही चीज़ में दो परसेंट पाँच परसेंट तो ये कंपनीज लोग का सरचार्ज हो गया फिर सुनो हम लोग इधर थे गरीबों का रिबेट हो गया फिर अमीर लोग के लिए सरचार्ज होता है वो सरचार्ज भी बता दिया मैंने ओके एंड फिर इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को सेस क्यों बोलते हैं कभी भी गवर्नमेंट लोगों से पैसा मांगती है कोई डेफिनेट पर्पस के लिए तो उसको सेस बोलते हैं तो ये गवर्नमेंट किसके लिए मांग रही है हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए पर्पस डिफाइन करके मांग रही है अब जब गवर्नमेंट लोगों से पर्पस डिफाइन करके पैसा मांगती है तो उसको बोलते हैं सेस और इसका नाम क्या है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ये फिक्स फोर परसेंट आता है और फोर परसेंट किस पे प्रिसडिंग अमाउंट पे जितने भी परसेंटेज यू टू अप्लाई ऑन द जस्ट प्रिसडिंग अमाउंट तो ये जो अमाउंट है ना इसका फोर परसेंट और ये सेस सबको भरना पड़ता है इधर अमीर गरीब ऐसा हैं सबको बढ़ना है तो सी गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने रिबेट रखा है अमीरों के लिए गवर्नमेंट ने सरचार्ज रखा है और सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो सी इसका एक गाना है मैंने रेगुलर बैच, बैच बैच वालों को तो मालूम होगा इसको देखो कभी भी टैक्स कैलकुलेट करना है ना तो अपने दिमाग में एक आना घूमना चाहिए सटक लटक वेनिंग्स बैलेंस सटक लटक वेनिंग्स बैलेंस ये क्या हो गया सटक लटक वेनिंग्स बैलेंस मतलब सटक लटक वेनिंग्स बैलेंस फिर गरीबों के लिए रिबेट अमीरों के लिए सरचार्ज सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस गरीबों के लिए रिबेट अमीरों के लिए सरचार्ज सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो पहले दिमाग में यह ना सटक लटक विनिंग्स बैलेंस सटक लटक विनिंग्स बैलेंस गरीबों के, के लिए रिबेट अमीरों के लिए सरचार्ज सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेश ओके तो ये टैक्स के रूल्स हो गए तो ये रेट्स पता होने चाहिए अपने को रिबेट सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन का नियम पता होना चाहिए ओके अब सुनो ये जो सरचार्ज दिख रहा है सरचार्ज सरचार्ज के ठीक बाद एक चीज होती है मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज के ठीक बाद एक होता है मार्जिनल रिलीफ वो क्या होता है बता दो अभी मेरा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ ओके लुक मार्जिन रिलीफ का मतलब देखना क्या है ये वाला एग्जांपल ट्राई करोगे तो ही मैं समझा पाऊंगा मान लो एक कंपनी है और कंपनी की इनकम एक करोड़ पचास हजार है मैं कंपनी बोल के सिखा रहा हूं क्योंकि इंडिविजुअल का बोल के सिखाऊंगा रोड टफ हो जाएगा सीखना तुम्हारे लिए एक बार कंपनी समझ के सीखो है तो एक कंपनी की इनकम इतनी है तो टेल मी इन लोग को सरचार्ज आएगा क्या अभी सी सरचार्ज की बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि मार्जिनल रिलीफ का डायरेक्ट सरचार्ज के साथ कनेक्शन है तो पहले बताओ ये कंपनी को सरचार्ज आएगा क्या सरचार्ज कंपनीज को कब आता है इधर बताया था ना एक करोड़ के ऊपर गया तो सात परसेंट आता है फॉरेन हाँ, कंपनी का दो परसेंट है और दस करोड़ के ऊपर गया तो बारह परसेंट और पांच परसेंट लेकिन मेरे एग्जाम्पल में इनकम एक करोड़ फिफ्टी थाउजेंड है तो मतलब एक करोड़ के ऊपर ही गए ना और मान लो वो इंडियन कंपनी है तो सेवन परसेंट वाला सरचार्ज आएगा ना तो ये माइंड में रखना अब देखो सरचार्ज आएगा लेकिन सुनो अगर कंपनी की इनकम एग्जैक्ट एक करोड़ होती ना तो सरचार्ज नहीं आता एग्जैक्ट एक करोड़ पे सरचार्ज नहीं आता है लेकिन सरचार्ज के आने से एक तहलका मच गया है क्या तहलका मचा है तुमको बता दो ये देखो कंपनी क्या सोच रही है यार हम लोग एक करोड़ जब तक कमा रहे थे सुखी थे यार क्योंकि एक करोड़ तक सरचार्ज वगैरह कुछ मगजमारी नहीं होता है कंपनी लोग का एक करोड़ तक सरचार्ज नहीं है ना तो उनको सीधा थर्टी परसेंट टैक्स भरना पड़ रहा है थर्टी परसेंट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कंपनी अज्यूम करके सिखा रहा हूँ इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी होता तो फोर्टी परसेंट बोलता लेकिन इंडियन कंपनी अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ और उसमें भी वो कंपनी का लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्न ओवर करोड़ के ऊपर अज्यूम किया मैंने तो थर्टी टैक्स तो एक करोड़ का और थर्टी कितना होता है थर्टी लैक्स टैक्स और इधर इंक्लूडिंग सरचार्ज लिखा है लेकिन एक करोड़ तक सरचार्ज नहीं आता ना लेकिन ये तो एक करोड़ तक होता तो लेकिन कंपनी की एक्चुअल इनकम कितनी हो गई एक करोड़ फिफ्टी थाउजेंड अब एक करोड़ फिफ्टी थाउजेंड पे तो सरचार्ज भी आएगा अब सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ पहले तो एक करोड़ फिफ्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट टैक्स निकालना पड़ेगा है ना तो उसका थर्टी परसेंट टैक्स कितना हो गया थर्टी लैक्स फिफ्टीन थाउजेंड ओके एंड फिर इस पर सरचार्ज भी आएगा सेवन परसेंट का सरचार्ज किसपे निकालते जो टैक्स निकाला ना तीस लाख पंद्रह हज़ार उसी पे सात परसेंट सरचार्ज निकालना है तो उसका सात परसेंट निकाल के जोड़ोगे ना तो जोड़ने के बाद आएगा थर्टी टू लैक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड जीरो फाइव ज़ीरो ओके तो ये मैंने इधर वो कैलकुलेट करके रखा है कैसे आया था पहले एक करोड़ पचास हजार का थर्टी परसेंट निकाला कि तो जो भी आया उस पर सेवन परसेंट और जोड़ा सेवन परसेंट इज सरचार्ज और सरचार्ज क्यों आ रहा है क्यों कंपनी की इनकम एक करोड़ फिफ्टी थाउजेंड है ना अब देखो सरचार्ज के आने से तेहल का क्या मचा है ये देखो कंपनी की इनकम एक करोड़ से फिफ्टी थाउजेंड क्या बढ़ी टैक्स कितना बढ़ गया महसूस करो मतलब अपनी इनकम एक करोड़ से एक करोड़ फिफ्टी थाउजेंड हुई मतलब फिफ्टी थाउजेंड की इनकम क्या बढ़ गई कि मेरा टैक्स जो तीस लाख आता था थर्टी टू लैक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड समथिंग हो गया मतलब कितना बड़ा तो मतलब सोचो कितना खराब लगेगा पचास शेयर की इनकम बढ़ने के पीछे मेरा टैक्स इतना ज़्यादा शूटअप हो गया माना कि इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ती है टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन इधर तो उल्टा हो गया इतनी सी इनकम बढ़ी कितनी 50,000 उसके पीछे टैक्स कितना बढ़ गया टू लैक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी और ऐसा क्यों हुआ मालूम है कि कंपनी के जीवन में सडनली सरचार्ज आया और सरचार्ज का ऐसा ना एक बार आया ना तो पूरे पे आता है ऐसे नहीं कि एक करोड़ के ऊपर की जो अमाउंट है उसका आएगा हाँ ऐसा होता ना एक करोड़ के ऊपर ही फिफ्टी थाउजेंड है ना ऊपर ऊपर की अमाउंट का आएगा तो अलग बात है तो तकलीफ नहीं होती लेकिन इधर ऐसा नहीं है ना इधर क्या एक बार एक करोड़ के ऊपर गया एक करोड़ के ऊपर तेरी सौ रुपया भी इनकम गई ना तो सरचार्ज आएगा तो पूरे पे पूरे पे मतलब पूरी इनकम का थर्टी परसेंट निकालो एंड उस पूरे का सात परसेंट अब पूरे पे सडनली सर्च आ जाएगा तो अपना टैक्स शूटअप हो जाएगा ये। तो ये तकलीफ होती है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ गवर्नमेंट क्या बोलती है देखो तेरी इनकम कितने से बढ़ी है फिफ्टी थाउजेंड ना लेकिन तेरा टैक्स कितने से बढ़ गया टू लैक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ज़ीरो फाइव जीरो लेकिन एक काम कर चिंता मत कर तेरा टैक्स ऐसे तो दो लाख छब्बीस ऐर पचास से बढ़ा है लेकिन हम उतना नहीं बढ़ने को बोलेंगे तो फिफ्टी थाउजेंड जितना बढ़ दे क्योंकि फिफ्टी थाउजेंड जितनी तो तेरी इनकम भी बढ़ी है तो उतना एक्स्ट्रा टैक्स तो बढ़ दे उतना तो भर लेकिन जो एक्स्ट्रा तेरे सिर पर आ रहा था ना अरे उसका तो दो लाख छब्बीस शेयर से टैक्स बढ़ा था ना लेकिन गवर्नमेंट बोले चल दो लाख छब्बीस जाने दे तेरा हम टैक्स खाली पचास से बढ़वाएंगे तेरी इनकम भी 50 से बढ़ी है ना तो तेरा टैक्स भी 50 से बढ़वाएंगे और जो एक्चुअली तेरा दो लाख छब्बीस बढ़ा था ना उसमें 50 कट करके बैलेंस माफ़ बैलेंस कितना बचा है वन सेवन सिक्स जीरो फाइव ज़ीरो इतना गवर्नमेंट बोलेगी चल माफ़ किया माफ़ किया मतलब ये हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ ओके इन शॉर्ट सी रूल क्या मालूम है कभी भी हम लोग नया नया सरचार्ज की दुनिया में कदम रखते हैं ना तो अपनी इनकम तो क्या थोड़ी बहुत बढ़ती है लेकिन उसके पीछे टैक्स भयानक से शूटअप हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम रखा है मार्जिनल रिलीफ ओके ये देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया इधर देखना अपनी इनकम बढ़ी थी फिफ्टी थाउजेंड से लेकिन टैक्स इतने से बढ़ा लेकिन सी गवर्नमेंट ने क्या बोला चल तेरी इनकम फिफ्टी थाउजेंड से बढ़ी है ना तो तेरा टैक्स भी फिफ्टी से ही बढ़वाएंगे और ये वाले अमाउंट को माफ कर देंगे किसको वन सेवन सिक्स जीरो फाइव जीरो उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ और सी इसका एक फॉर्मूला ही बना दो ये देखो मैंने इसका फॉर्मूला बनाया मैंने कैसे निकाला वन सेवेंटी सिक्स जीरो फाइव जीरो दो लाख छब्बीस में से फिफ्टी थाउंड माइनस किया ना तो सी दो लाख छब्बीस को क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स मतलब एक करोड़ रुपए जो आता था उसके मुकाबले एक्चुअली क्या आ रहा है और एक करोड़ ही क्यों बगड़ा क्योंकि एक करोड़ बॉर्डर लाइन है तब तक सरचा नहीं था अभी आता है ना तो एक करोड़ तक जो टैक्स था उसके मुकाबले एक्चुअली कितना आ रहा है तो वह एक्स्ट्रा टैक्स निकालो मतलब दो लाख छब्बीस हजार उसमें से एक्स्ट्रा इनकम माइनस कर दो एक्स्ट्रा इनकम मतलब एक करोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा कितनी इनकम आई है ये देखो इसका ले बना के रखा है मैंने एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम वो हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ ओके okay, तो मेरा एक्स्ट्रा टैक्स दो लाख छब्बीस था माइनस एक्स्ट्रा इनकम फिफ्टी थाउजेंड तो हो गया मार्जिनल रिलीफ ओके okay? अब सुनो ये मार्जिनल रिलीफ का इफेक्ट किधर आता मैं ये देख सरचार्ज के ठीक बाद प्रेजेंटेशन देखो सी कभी भी हम लोग टैक्स कैलकुलेशन का स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहले तो अपना रूल है सटक लटक विनिंग्स बैलेंस ओके okay? तो ये देखो बैलेंस में अपनी इनकम एक करोड़ फिफ्टी थाउजेंड थी ना प्रेजेंटेशन देख लो उस पर एक्चुअली तो टैक्स तीस लाख पंद्रह हज़ार था फिर बाद में सेवन परसेंट का सरचार्ज प्रेजेंटेशन में अलग से दिखाना पड़ता है तो वो ऐड करके थर्टी टू लैक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ये थर्टी टू ट्वेंटी सिक्स मैंने निकाला ही था ना ये लेकिन इधर तो क्या डायरेक्ट निकाल दिया था लेकिन ये वाले में तो एकदम सिस्टमेटिकली दिखाना पड़ता है कि पहले थर्टी परसेंट के हिसाब से तीस लाख पंद्रह हज़ार फिर सरचार्ज को जोड़ा तो इतना आ गया एंड फिर बाद में अपना थर्टी टू लैक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड में से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट माफ कर देगी और ये अमाउंट कैसे निकालना चाहिए उसके लिए वर्किंग नोट बनानी पड़ती है और वो माइनस करके देखो अपना टैक्स कितना आ रहा है थर्टी लैक्स फिफ्टी थाउजेंड मींस अपनी इनकम भी पचास से बढ़ी है ना तो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स भी पचास से बढ़वाया ओके फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो सी ये सीन मैंने क्यों दिखाया है टू तो शो कि मार्जिनल रिलीफ का इफेक्ट किधर देना है सरचार्ज के ठीक बाद और उसके लिए वर्किंग नोट का फॉर्मेट भी रट लो वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या मालूम है पहले एक करोड़ नहीं ऐसा नहीं पहले दो कॉलम बनाने का ऐसा एक करोड़ के ऊपर टैक्स निकाल लो एक करोड़ मतलब वो बॉर्डर लाइन जिसके बाद सरचार चालू होता है तो पहले एक करोड़ का टैक्स निकालो फिर एक्चुअल जो इनकम है उसका निकाल इसे दो कॉलम बनाओ एक करोड़ का टैक्स और एक्चुअल इनकम का टैक्स फिर देखो एक्स्ट्रा इनकम माइनस एक्स्ट्रा टैक्स मतलब ये फिक्स वर्किंग नोट का ढांचा ही छाप लो दिमाग में ओके एंड फिर बाद में एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम लेकिन सी इतने में नहीं होता इसका एक और एग्जाम्पल ट्राई करो नहीं देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो ये वाले में ना कंपनी की इनकम एक करोड़ बीस लाख है एक करोड़ बीस लाख अब देखो इसमें मार्जिन रिलीफ का मैंने जो फॉर्मेट बताया वो हिसाब से करो मैंने क्या सिखाया पहले एक करोड़ जो बेस अमाउंट है उसका निकालो फिर एक्चुअल जो इनकम है उसका निकालो तो एक करोड़ का कॉलम तो अपना फिक्स ही हो गया है लेकिन ये मैं एक करोड़ एक करोड़ बोल रहा हूँ ना अज्यूमिंग कंपनी है कंपनी नहीं हुई तो क्या वो भी बताऊंगा तो सी एक करोड़ के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है थर्टी लैक्स बराबर है चेक किया ये एक करोड़ पर आएगा थर्टी लैक्स लेकिन अपनी एक्चुअल इनकम तो एक करोड़ कितनी एक करोड़ बीस लाख है तो एक करोड़ बीस लाख पे टैक्स निकालना है कैसे निकालोगे पहले एक करोड़ बीस लाख का थर्टी परसेंट निकाल लिया मैं इंडियन कंपनी अज्यूम कर रहा हूँ थर्टी परसेंट निकाल लिया दैट कम्स टू थर्टी सिक्स लैक्स फिर उसके ऊपर सात परसेंट का सर जोड़ो और सरचार्ज जोड़ के आंसर दे क्या आ रहा है थर्टी एट लैख्स फिफ्टी टू थाउजेंड अब देखो अपनी इनकम कितनी बढ़ी है और टैक्स कितना बढ़ा है इनकम एक करोड़ के मुकाबले एक करोड़ बीस लाख हुई ना तो कितने से बढ़ी बीस लाख से इनकम बढ़ी है और बीस लाख की इनकम बढ़ी सामने टैक्स कितना बढ़ा एट लाख फिफ्टी टू थाउजेंड तो इधर तकलीफ नहीं हो रही है बीस लाख की इनकम बढ़ी है इनकम मतलब पैसा है लेकिन टैक्स अपना खाली एट लाख फिफ्टी टू से बढ़ा है तो ये सिचुएशन में अपने को तकलीफ नहीं होगी इतनी ज़्यादा इनकम भी तो बढ़ी बीस लाख टैक्स तो खाली आठ लाख फिफ्टी टू तो बढ़ा है तो इधर एस एस सी को तकलीफ नहीं हो रही है तो इधर गवर्नमेंट रिलीफ भी नहीं देगी तुम लोग को है ना ये फार्मूला लगा के देखना तो देख लो क्या होगा ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना मैंने जो बनाया अभी एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम तो देखो फार्मूला में नेगेटिव आंसर आ जाएगा अपना एक्स्ट्रा टैक्स कितना है एट लाख फिफ्टी टू माइनस एक्स्ट्रा इनकम कितनी है बीस लाख तो एट लाख फिफ्टी टू माइनस बीस लाख देखोगे तो एक्चुअली नेगेटिव आंसर आ रहा है और नेगेटिव मतलब रिलीफ नहीं मिलेगा और रिलीफ चाहिए क्यों रिलीफ कब मिलती है जब इतनी सी इनकम बढ़ने के पीछे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो और वो कब होगा जब हम लोग ने सरचार्ज में नया नया कदम रखा है एक करोड़ के बस थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इनकम बढ़ी होगी अब थोड़ा बहुत मतलब कितनी बड़ी है वो उसका कोई रूल नहीं है वो पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ता है तुम तो लोग खाली ओवरऑल ऐसा फील लो कि जब नया नया सरचा चालू होता है ना मतलब एक करोड़ से थोड़ा बहुत ही ऊपर गए होते हैं ना तो इनकम तो थोड़ी बहुत बढ़ती है लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे केस में रिलीफ मिलती है लेकिन अगर एक करोड़ से हम लोग कहीं दूर चले गए मतलब एक करोड़ तो छोड़ मेरी इनकम चार करोड़ हो गई है फिर तो मैं एकदम ही अलग लेवल पर पहुँच चुका हूँ फिर तो मेरा इनकम जोरदार बढ़ा है टैक्स थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा जैसे इधर हुआ ना इधर तो अपना इनकम क्या एक करोड़ से एक करोड़ बीस लाख पहुंचा है तो अच्छा खासा इनकम बढ़ गया मतलब बीस लाख और टैक्स थोड़ा ही बढ़ा है इन शॉर्ट सी मैं बोलना ही ये चाहो एक करोड़ के करीब रहते तो ही तकलीफ़ आती है लेकिन सी इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाने का ये वर्किंग नोट बना के देखो अगर रिलीफ आने वाली होगी ना तो अपना ऐसा आंसर आएगा पॉजिटिव लेकिन रिलीफ नहीं आने वाली होगी ना तो ये फॉर्मूला में आंसर नेगेटिव आ जाएगा मतलब तुम लोग तो फॉर्मूला रट लो एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम अगर वो फॉर्मूला में नेगेटिव आंसर आया ना मतलब रिलीफ नहीं मिलेगी मतलब समझ जाना नेगेटिव आ रहा है मतलब इनकम जोरदार बढ़ी है टैक्स थोड़ा बहुत ही बढ़ा है ओके तो इसका फॉर्मेट कैसा हो गया पहले एक कॉलम बनाओ एक करोड़ को लेके फिर एक्चुअल इनकम को लेके फिर एक करोड़ का टैक्स निकालो एक्चुअल इनकम का टैक्स निकालो फिर देखो इनकम कितनी बड़ी टैक्स कितना बड़ा है फिर फॉर्मेट क्या था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स माइनस इनकम अगर नेगेटिव आ गया तो नो रिलीफ पॉजिटिव आया तो रिलीफ मिलेगा ओके okay? अब ये ये वाला केस ट्राई करो नहीं देखो वापस कंपनी अज्यूम करके देना कंपनी की इनकम दस करोड़ सेवनटी सिक्स थाउजेंड है दस करोड़ सेवेंटी सिक्स थाउजेंड और पता है कंपनियों का अगर दस करोड़ क्रॉस होता है नहीं देखो कंपनीज कंपनी का दस करोड़ क्रॉस होता है तो क्या होता है बारह परसेंट सरचा जाता है अगर इंडियन कंपनी है तो ना एक बार फॉरेन कंपनी जान दो हम लोग इंडियन लोग हैं इंडियन कंपनी सोच के करते हैं इंडियन कंपनी का दस करोड़ क्रॉस हुआ तो बारह परसेंट होता है लेकिन दस करोड़ के पहले सात परसेंट तो सी जब हम लोग दस करोड़ की नई नई मार्जिन क्रॉस करते तभी भी तकलीफ़ होगी अभी तकलीफ क्या होगी अच्छा खासा सात परसेंट सरचा जा रहा था अचानक बारह परसेंट है तो इधर भी टैक्स अपना सडनली शूटअप होता है ये देखो कैसे करना चाहिए ये देखो लुक अज्यूम किसी कंपनी की इनकम दस करोड़ सेवेंटी सिक्स थाउजेंड है तो पहले तो देखना चाहिए हम लोग एक करोड़ के नजदीक वाले अमाउंट में के दस करोड़ के नजदीक है दस करोड़ के तो इधर मुझे एक दस करोड़ का कॉलम बनाना पड़ेगा सी अगर एक करोड़ समथिंग होता है ना तो एक करोड़ और एक्चुअल दो कॉलम और अगर दस करोड़ के बाजू में तो दस करोड़ और एक्चुअल तो इधर देखो एक तो दस करोड़ का कॉलम फिक्स हो गया इधर एंड फिर मेरा एक्चुअल इनकम का कॉलम अलग है ऐसे दो कॉलम बना रहे रिवाज ही है तो सी पहले दस करोड़ पे टैक्स कितना आएगा थर्टी परसेंट पकड़ रहा हूँ इंडियन कंपनी है और दस करोड़ तक ऐसे नहीं कि सरचार्ज नहीं आता है। आता है सेवन परसेंट वाला आता है तो दस करोड़ रुपये टैक्स कितना आता है थर्टी परसेंट इज द टैक्स और सेवन परसेंट सरचार्ज तो मैंने कैसे निकाला होगा ये दस करोड़ का थर्टी परसेंट आ गया तीन करोड़ और उस पर सेवन परसेंट वाला सरचार्ज जोड़ा तो कितना आ गया तीन करोड़ इक्कीस लाख लेकिन ये तो दस करोड़ होता तो अपने एक्चुअली कितनी इनकम कमा ली है दस करोड़ सेवेंटी सिक्स थाउजेंड तो दस करोड़ सेवेंटी सिक्स हुआ तो तो सरचार्ज अभी बारह परसेंट हो जाएगा ना तो कैसे निकाला देखो दस करोड़ सेवेंटी सिक्स थाउजेंड का पहले थर्टी परसेंट टैक्स फिर तो उस पर ट्वेल्व परसेंट वाला सरचार्ज क्योंकि कभी भी टेन करोस क्रॉस होता है तो सरचार्ज ट्वेल्व होता है इंडियन कमनीज़ का ओके 12 परसेंट के हिसाब से कितना आ गया जो भी ये आंसर आ रहा है मतलब पहले टैक्स फिर इतनी सी तो इनकम बढ़ी है कितनी सी सेवेंटी सिक्स थाउजेंड उसके पीछे टैक्स कितना ज्यादा बढ़ गया पंद्रह लाख पच्चीस हजार फाइव थर्टी सिक्स और ये क्यों हुआ क्योंकि अपने अच्छे खासे सेवन परसेंट सर में जी रहे थे और अपनी इनकम दस करोड़ के ऊपर क्या पहुँची अभी अचानक बारह परसेंट आया और बारह परसेंट आता तो फिर पूरे पे आता है ना यार तो अपना टैक्स शूटअप हो गया तो इधर भी मार्जिन रिलीफ मिलेगा और रिलीफ कैसे निकालना चाहिए एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम तो देखो मैंने कैलकुलेट करके देखा है तो इधर मार्जिन रिलीफ होगी फोर्टीन लैक्स फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज ओके तो ये था लेकिन सी ये मैं कंपनीज का सम लेके कर करा था ना अपने एग्जाम में तो कंपनी का सम नहीं आता है लेकिन सी कंपनीज़ के थ्रू तुम लोग सीख लिए ना अब इंडिविजुअलों का फटाउट हो जाएगा ये देखो ये वाला ट्राई करो अब मान लो कोई इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल ने इनकम कमाई है दो करोड़ नाइन्टी सिक्स थाउजेंड मुझे आंसर में कम इंटरेस्ट है मुझे फॉर्मेट तरीके में इंटरेस्ट है तरीका मैंने क्या बताया था दो कॉलम बनाने का एक बेस कॉलम और एक एक्चुअल कॉलम बेस कौन सा लेना चाहिए बताओ इंडिविजुअल लोक में तो कितने सारे बेस है ये देखो इंडिविजुअल लोक का सरचार्ज का क्या सिस्टम था कभी 50 लैक्स के बेस पे आता है कभी एक करोड़ के बेस पे आता है कभी दो करोड़ के बेस पे आता है तो कभी पाँच करोड़ के बेस पे तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना एक बेस कॉलम बनाओ एक एक्चुअल कॉलम तो बेस कौन सा पकड़ना है वो देखो अपना एक्चुअल अमाउंट कहाँ है जैसे मेरा एक्चुअल इनकम इधर मैंने क्या लिया था किधर यहां मैंने दो करोड़ समथिंग लिया है तो ये अपने दो करोड़ के ऊपर गए तो दो करोड़ को बेच दूंगा और अगर मेरी इनकम पचास लाख समथिंग होती तो पचास लाख को बेच लेता बेस कौन से कौन से इंडिविजुअल है पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ तो इधर अपना आंसर दो करोड़ के करीब है तो दो करोड़ का एक कॉलम बनाओ उस पर टैक्स निकालो विथ सरचार्ज फिर एक्चुअल जो इनकम है उस पर टैक्स निकालो विथ सर चार्ज लेकिन अभी थोड़ी मगजमारी क्यों क्योंकि स्लैब रेट से निकालना पड़ेगा ना तभी तो मैंने पहले फटाफट सिखाने के लिए कंपनी का लिया कंपनी लोग का क्या सीधा थर्टी परसेंट हो गया ना लेकिन ठीक है ना अभी सी थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी क्योंकि स्लैब रेट से टैक्स निकालना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना लेकिन तरीका सेम है ये देखो पहले क्या करूँगा बताओ पहले टू करोड़ के ऊपर मैं टैक्स निकालूंगा ओके स्लैब रेट्स के हिसाब से और प्लस सरचार्ज भी आएगा इधर मी टू करोड़ तक कौन सा सरचार्ज आता है टू करोड़ टू करोड़ तक टू करोड़ तक फिफ्टीन परसेंट वाला सरचार्ज आता है तो पहले मैं दो करोड़ के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स निकालूंगा और उसमें पंद्रह परसेंट वाला सरचार्ज तो एक अमाउंट आ जाएगा ये है ना एंड फिर ये देखो एक्चुअल इनकम कितनी है दो करोड़ 96,000 इसके ऊपर भी स्लैब रेट से टैक्स निकालूंगा ओके निकालने में जो समझ लो तो भी चलेगा बाद में निकालते रहना फिर दो करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितना आता है ट्वेंटी फाइव परसेंट वाला सरचार्ज जुड़ेगा ये ऐसा क्या लिखा है स्लैब रेट मतलब स्लैब रेट से जो भी आंसर आया ना उससे प्लस पच्चीस परसेंट सरचार्ज तो एक अमाउंट आ जाएगी तो हो गया ना दो कॉलम फिर बाद में इनकम कितनी बड़ी है दो करोड़ से दो करोड़ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स ऑन से बढ़ी है और टैक्स कितना बढ़ा है वो तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा तो सी मैंने क्या किया है कैलकुलेट करके रखा है ताकि अपना इधर टाइम वेस्ट ना हो ये देखो मैंने क्या किया है पहले दो करोड़ पे टैक्स निकाला था एज पर क्या लिखा स्लैब रेट स्लैब रेट मतलब कौन सा वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फिर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लैक्स का टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो टैक्स आएगा ही नहीं टू लाख फिफ्टी से लेके फाइव लैख्स तक फाइव परसेंट मतलब वो बारह हजार पाँच सौ आता ना ढाई लाख से पाँच लाख के बीच में दो लाख पचास हजार है उस पर पाँच परसेंट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर पाँच लाख से दस लाख के बीच में जो है उसका ट्वेंटी और उसके ऊपर जो है थर्टी वो मैं निकाल नहीं रहा हूँ समझ जाओ ना मेरा भरोसा रखो मैं राइट आंसर निकाला है तो ये स्लैब रेट से टैक्स निकाला और लेकिन खाली टैक्स ही नहीं ये देखो क्या लिखा इंक्लूडिंग सरचार्ज तो सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट टिल टू करोड़ सरचार्ज चार्ज फिफ्टीन परसेंट है तो ये मेरा आंसर आ गया फिर एक्चुअली जो इनकम है उसका निकालो वही स्लैब रेट्स के हिसाब से लेकिन टू करोड़ के ऊपर सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट है फिर वही इनकम कितनी बढ़ी नाइन्टी सिक्स थाउजेंड टैक्स कितना बढ़ा छः लाख सत्रह हजार समथिंग तो टैक्स ज़्यादा ही बढ़िया ना फिर अपना फॉर्मूला क्या था बताओ एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम ये क्या हो गया अपना मार्जिनल रिलीफ तो ऐसे माँ रिलीफ निकाला ओके तो सी मैं जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना मैं एक ही चीज़ तो बोल रहा हूँ तो एक काम करो ना वेराइटी तो बहुत बन सकती है मेन फॉर्मेट रट लो फॉर्मेट क्या था कि पहले देखो अपनी इनकम कौन से बेस के बाजू में बेस मतलब सरचार्ज के क्या क्या बेसिस होते हैं कभी 50 लैक्स होता है कभी एक करोड़ कभी दो करोड़ कभी पाँच करोड़ तो देखो कि अपना जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया ना वो कौन से अमाउंट के नज़दीक है तो अगर फिफ्टी लैक्स के नज़दीक है तो एक 50 लैक्स का कॉलम बनाओ फिर एक्चुअल का और अगर 5 करोड़ के नज़दीक हुआ तो तो एक 5 करोड़ का कॉलम बनाना फिर एक्चुअल का फिर 5 करोड़ पे टैक्स निकाला विथ सरचार्ज ओके 5 करोड़ तक तो 25 फाइव परसेंट ही आता है ना और फिर एक्चुअल इनकम पे टैक्स निकालो विथ सरचार्ज थर्टी सेवन ओके तो ऐसे दो कॉलम बना देना चाहिए एक बेस कॉलम इसको मैं नाम देता हूँ बेस कॉलम और उसका टैक्स फिर एक्चुअल कॉलम और उसका टैक्स और विद सर फिर फॉर्मूला एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम ओके तो ये मार्जिन रिलीफ था फिर इसके बाद देखो मैंने तुमको है ना कैसे पढ़ा है देखो पहले मैंने तुमको ये बेसिक फॉर्मेट बता दिया ये पढ़ाने के बाद मैंने तुमको क्या पढ़ाया मार्जिन और रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना चाहिए सी मार्जिन रिलीफ है ना एमसीक्यू सी क्यू में किधर आएगा आएगा तो पता नहीं चलेगा अपने को थोड़ी बोल के मैं तो बोल बोल के सिखा रहा हूँ एग्जाम में थोड़ी बोल बोल के आएगा एग्जाम में तो अपने को जैसे ही सरचार्ज किया ना एक पल के लिए मार्जिन रिलीफ का थॉट आना चाहिए और तुमको डिसाइड करने को नहीं जम रहा है ना तो ऐसा वर्किंग नोट बना ही लो ना कैसा वाला ये दो कॉलम वाला एक बेस कॉलम पे टैक्स निकालने का और एक्चुअल इनकम पे टैक्स निकालने वर्किंग बना ही लो ना ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा तुम्हारा ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आया तो रिलीफ नहीं मिलेगा पर सी थोड़ा हिंट मिल ही जाता है कभी भी अपना जो सरचार्ज का जस्ट लेवल क्रॉस किया होता है ना तो आइडिया आ ही जाएगा ओके okay? तो ये मार्जिन रिलीफ था अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट एक कॉन्सेप्ट है अनएक्जॉस्टेड बेजिक एग्जामेशन का देर इज अ कॉन्सेप्ट अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन सी वो क्या होता है लुक क्लियर ये एग्जाम्पल देखो अपने आप समझ जाएगा क्या है मान लो मेरा फाइव एड्स ऑफ इनकम वगैरह सब मैंने कंप्यूट कर लिया फिर मैंने क्या सिखाया था जो अपना फाइनल कंप्यूटेशन होता है ना उसको पांच पार्ट में डिवाइड करो सटक लटक लटक वेनिंग्स बैलेंस तो पहले सटक जी अंडर सेक्शन ट्रिपल वन है मान लो वो क्वेश्चन में थ्री लाख एटी थाउजेंड है अपने मन से कुछ भी फिगर दिया ये क्वेश्चन में दिया होगा फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेंस्ट अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व है मान लो क्वेश्चन में है ही नहीं फिर सादा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में एक लाख है फिर विनिंग्स एक लाख है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं और बैलेंसिंग फिगर ये हमेशा बैलेंसी फिगर आता है मतलब अपना मेन टोटल तो ये है ना उसमें से ये सब को अलग कर दिया तो दिस विल बिकम योर बैलेंसिंग फिगर ओके अब बताओ इस पर टैक्स कैसे निकालेंगे नॉर्मली स्टूडेंट क्या करे में हाँ सिंपल है ना इसका फिफ्टीन परसेंट निकाल लो है ना और इसमें तो टेन परसेंट आता लेकिन है ही नहीं और इस पर ट्वेंटी परसेंट निकाल लो और विनिंग्स में कितना था थर्टी परसेंट और बाद में ये बैलेंस के लिए बच्चा क्या सोचेगा हाँ ये तो दो लाख पचास क्रॉस ही नहीं हुआ है अब दो लाख पचास तक तो टैक्स ज़ीरो ही है ना तो लोग इसका ज़ीरो टैक्स निकाल के आ जाएंगे लेकिन सी याद रहना कभी भी अपना ये लास्ट कॉलम वाला अमाउंट बेसिक एग्जैम्शन से कम है बेसिक एग्जैम्पन मतलब स्लैब रेट्स में जिसपे जीरो परसेंट आता है ना तो अपने स्लैब्स में टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक ज़ीरो परसेंट आता है yes, तो टू लैख फिफ्टी को बोलते हैं बेसिक एग्जाम्सन सीनियर सिटीजन लोग का बेसिक एग्जाम्शन थ्री लैख्स से एट्टी ईयर्स और मोर वाला है तो फाइव लैक्स उसको बोलते हैं बेसिक एग्जामेशन जीरो परसेंट रेट वाला तो कभी भी ये वाला अमाउंट बेसिक एग्जामेशन से कम होता है ना तो टैक्स तो ज़ीरो आएगा लेकिन जो अमाउंट इधर बच गया ना उसको बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बच गया मतलब टू लैख फिफ्टी को माइंड में रखो और एक्चुअल इनकम कितना है वन लैख ट्वेंटी तो टू लैख फिफ्टी में से वन लैख ट्वेंटी को बोलेंगे एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड मतलब यूज हो गया उतना एग्जेम्पन हमने इस्तेमाल कर लिया गवर्नमेंट अपने को दो लाख पचास का एग्जेपन दे रही है लेकिन उसमें से दो एक लाख बीस को मैंने इस्तेमाल कर दिया और कितना बचा वन लैख थर्टी थाउजेंड वो मैं इधर इधर और इधर यूज़ कर सकता हूँ विनिंग्स में नहीं मतलब जो बेसिक एग्जैम्पन बच जाता है ना और बचा बच गया मतलब एग्जेपन है और एग्जेम्पन को यूज़ करोगे तो अपना टैक्स बच जाएगा ये देखो इधर मैंने वर्किंग दिखाई है अपना बेसिक एग्जाम्शन है कितना टू लैख फिफ्टी लेकिन उसमें से वन लैख ट्वेंटी को मैंने क्या नाम दिया एग्जॉस्टेड उतना एग्जैम्पन मैंने यूज़ कर दिया लेकिन कितना एग्जेपन अभी भी यूज नहीं हुआ है वन लैख थर्टी था उनको क्या नाम दिया मैंने अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जैम्पन तो सी क्या करूंगा वन लैख थर्टी का मैं वन लैख थर्टी को मैं यूज़ कर सकता हूँ एग्जैम्पन है तो किधर यूज कर सकता विनिंग्स में तो अलाउड ही नहीं है इधर कर सकते ट्वेंटी परसेंट वाले में ये टेन परसेंट वाले में यूज कर सकते फिफ्टीन परसेंट वाले में तो अपने ट्वेंटी परसेंट वाले में पहले यूज़ करेंगे ना क्योंकि ट्वेंटी परसेंट थोड़ा भारी टैक्स है तो अपना देखो ये वन लाख का इनकम था ना ये पूरा माफ़ हो जाएगा अरे मैं तो एक लाख तीस तक और माफ़ करवा सकता हूं क्योंकि वन लाख थर्टी का अनएग्जॉस्टेड एग्जें्शन है तो वन लाख थर्टी में से वन लाख यूज़ हो गया तो मतलब इसका तो टैक्सी इधर हो गया अभी भी मेरे पास तीस हज़ार बचा है उसको मैं इधर यूज़ कर लेता हूं तो ये मेरा तीन लाख अस्सी था इसमें से तीस हज़ार माफ़ हो गया तो बचा तीन लाख पचास उस पर पंद्रह परसेंट ऐसे निकालना पड़ेगा ये देखो मैंने इधर लिख के रखा देख के समझ आएगा yes. पहले ये वर्किंग समझिए बेसिक एग्जाम्सन टू लैख फिफ्टी था वो भी बी केयरफुल है बुड्ढा आदमी हुआ तो थ्री लैक्स लेना चाहिए और एटी इयर्स वाला बुढ़्ढा है तो फाइव लैक्स वो बेसिक एग्जाम्शन है एंड फिर उसमें से लास्ट कॉलम में देखने का लास्ट कॉलम में अपना अमाउंट कमती होगा तो ही ये नॉलेज आएगा सी लास्ट कॉलम में अगर भरपूर अमाउंट होगा तो तो, तो अपना लास्ट कॉलम में ही पूरा एग्जॉस्ट हो गया ना इसका कंडीशन है कि अपना जो लास्ट कॉलम है ना बैलेंस वाला उसमें अमाउंट थोड़ा कमती होगा तब ये पॉइंट स्ट्राइक होना चाहिए तो अपना वन लैख ट्वेंटी था तो बचा हुआ कितना है वन थर्टी और उसको कैसे यूज़ करो विनिंग्स में कथा भी यूज़ मत करना क्योंकि विनिंग्स के अब की इनकम तो है तो गवर्नमेंट को पूरा टैक्स चाहिए तो यूज़ किसा करेंगे पहले ये जनरल लॉन्ग टर्म यूज़ करो क्योंकि ट्वेंटी है ना फिर ये शॉर्ट टर्म अंडर ट्रिपल वन एम यूज़ करो उधर फिफ्टीन है फिर बाद में कुछ बचा तो यहाँ पर यूज़ करना क्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए वाला लॉन्ग टर्म ओके तो सी मैंने इधर वर्किंग दिखाई है एक लाख था वो तो एक लाख पूरा लेस हो गया तो टैक्स नील हो गया सी मैंने ब्लैक कलर में हाईलाइट भी किया है इधर वन लाख यूज किया और इधर थर्टी थाउजेंड यूज किया और मेरे पास वन लाख थर्टी यूज करने के लिए था ओके okay? सी मैंने क्या नोटिस किया है अगर ये लास्ट वाले कॉलम में अमाउंट छोटी होती है ना तो सबको स्ट्राइक हो जाता है अरे अमाउंट छोटा है तो अनएग्जॉस्टेड कुछ रहेगा अनएग्जॉस्टेड अनएग्जॉस्टेड मतलब कुछ बेसिक एग्जैम्सन ऐसा है जो हम यूज़ नहीं कर पाए मतलब ये छोटा होता तो स्ट्राइक होता है लेकिन मैंने क्या एक्सपीरियंस किया अगर लास्ट कॉलम में अमाउंट जीरो होता है ना तो उन लोगों को स्ट्राइक ही नहीं होता अरे लास्ट कॉलम में अगर ज़ीरो होता सोच मेरा लास्ट कॉलम में वन लैख ट्वेंटी है ना इसकी जगह पर अगर ज़ीरो होता तो ज़ीरो मतलब तो पूरा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का अनयूज पड़ा है तो फुल टू लैख फिफ्टी यूज कर सकता हो फिर तो क्या हो जाता टू लैख फिफ्टी बचाए तो ये तो पूरा ही उड़ गया वन लैख फिर वन लैख उड़ गया तो और भी वन लैख फिफ्टी बचे वो इधर एडजस्ट कर दो मतलब ये भी स्ट्राइक होना चाहिए कि बैलेंस कॉलम में अगर अमाउंट ही जीरो है तो तो पूरा का पूरा टू लैख फिफ्टी बिकम्स अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन ओके और एक गड़बड़ क्या होती है उन्होंने ये बेनिफिट खाली रेसिडेंट लोग को ही गवर्नमेंट ने दिया है और एग्ज़ाम में कभी नॉन रेसिडेंट आया ना तो ये अनएग्जॉस्टेड वाला ज्ञान मत दिखाना मेरे को बताओ ये आदमी अगर नॉन रेसिडेंट होता तो पता है मैं क्या करता ये देख ये लास्ट कॉलम में तो टैक्स ज़ीरो आ गया था और ये जो मैंने एक लाख और तीस हज़ार का जो इस्तेमाल किया ना वो नहीं कर सकता हूँ अनएग्जॉस्टेड बेग्जी एग्जाम हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते अगर नॉन रेसिडेंट हुआ तो फिर तो क्या करूंगा इस पूरे का पंद्रह परसेंट इस पूरे का बीस परसेंट और इसका तो थर्टी परसेंट वैसे पूरा ही लेना है है ना बट वो अनएग्जॉस्टेड एग्जाम्शन को शिफ्ट नहीं कर सकते शिफ्ट करना भी है तो विनिंग्स में नहीं इन तीनों में होता है लेकिन वो भी रेसिडेंट हुआ तो इधर वो पढ़ो क्या लिखा है ओनली फॉर रेसिडेंट्स और इतना स्टार क्यों मार्क किया क्योंकि मैंने देखा लब लोगों की मिस्टेक इधर ही होती है तो सी वेन विल यू रियलाइज के अनएग्जॉस्टेड है तो पहले तो लास्ट कॉलम में अमाउंट छोटी होगी या जीरो होगी और आदमी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए सॉरी उल्टा बोल दिया आदमी रेसिडेंट होना चाहिए रेसिडेंट रेसिडेंट ओके तो हम लोग अनएस्टेड वेज यूज कर सकते हैं वो भी विनिंग्स में नहीं पहले जनरल लॉन्ग टर्म में फिर शॉर्ट टर्म अंडर ट्रिपल वन ए फिर लॉन्ग टर्म अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व में यूज करना चाहिए ओके तो ये अनएग्जॉस्टेड का पॉइंट हो गया सी ये पॉइंट सीखने में सिंपल लग रहा है लेकिन मौके पे स्ट्राइक होना चाहिए वो होता नहीं है फिर लुक नेक्स्ट पॉइंट देखो लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दी ना तो टैक्स कैलकुलेशन का एक अनोखा तरीका है अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दिया तो सी नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम देख के स्टूडेंट घबराता नहीं है क्योंकि क्या लगता है हाँ एग्रीकल्चर इनकम तो एक्जैम्ड है तो उसको फाइव एड्स ऑफ इनकम हम लोग डैश ही कर देते लेकिन मैं तो बोलता एग्रीकल्चर इनकम आवे ना घबरा जाना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जिस समय है ना उसमें टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और वो टेढ़ा मेढ़ा क्या होता है बताऊंगा इसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अब इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह क्या है बाद में सोचो तुम लोग खाली कैलकुलेशन कैसे करना है देखो तो एक काम करो मैं ये वाले एग्जाम्पल को देखो ना ये देख रहा है ये मैंने बॉक्स बना के रखा है ये देखो ये ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या दिया है शॉर्ट टर्म कैपिट अगेंस्ट नौ लाख है शॉर्ट टर्म कैपिट अगेंस्ट नौ लाख है और एग्रीकल्चर इनकम टू है ये सब में दिया है तो सी पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल अगेंस्ट नौ लाख मैंने लिख दिया सी सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिट अगेंस्ट दिया है ना तो इक्विटी शेयर्स का मत मानो क्योंकि इक्विटी शेयर्स का हुआ तो उसका हम लोग अलग कॉलम खड़ा करके फिफ्टीन लेते हैं ना लेकिन इक्विटी शेयर्स बोलेंगे तो खाली शॉर्ट टर्म लिखा मतलब जनरल शॉर्ट टर्म है और उसका कोई अलग कॉलम नहीं खड़ा होता वो लास्ट में बैलेंस कॉलम में जाता है तो ये जनरल शॉर्ट टर्म है फिर एग्रीकल्चर इनकम दी थी लेकिन दो लाख दिया था एग्रीकल्चर इनकम लेकिन अपने में उसको एग्जाम करते तो डैश करूंगा तो देखो मैंने डैश किया सही है और एग्जाम अंडर सेक्शन टेन वन फिर फाइव एड्स का टोटल कर लिया चैप्टर सिक्स से हो गया तो आंसर क्या आ गया नाइन लाख इसको नाम क्या था नेट टैक्सेबल इनकम फिर सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस ऐसे पांच कॉलम बनाने पड़ेंगे तो सी नौ लाख के अंदर ऐसा कोई शॉर्ट टर्म है नहीं अपने सब में शॉर्ट टर्म खाली शॉर्ट टर्म लिखा इक्विडी शेयर नहीं बोला है ना तो ये वाले कॉलम में नहीं आएगा फिर इक्विटी शेयर का कोई लॉन्ग टर्म है नहीं है जनरल लॉन्ग टर्म है नहीं है विनिंग्स है नहीं है नहीं है तो तभी मैंने नील लिखा है ना सब यार तो फिर पूरा नौ लाख किधर आ गया बैलेंस कॉलम में ओके और ये नौ लाख मतलब भरपूर अमाउंट है, है अगर ये छोटी सी अमाउंट होती तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्स स्ट्राइक होना चाहिए लेकिन ये नौ लाख तो भरपूर अमाउंट है और पता है नौ लाख पे हम लोग स्लैब रेट से टैक्स निकाल देंगे ना तो अपने को जीरो मिलेगा सी लोग क्या करेंगे नौ लाख आ गया तो उस पर स्लैब रेट लगा देंगे स्लैब रेट मतलब वो दो लाख पचास हजार तक जीरो परसेंट फिर दो लाख पचास से पांच लाख फाइव परसेंट ऐसे करोगे ना तो सी आंसर मेरा नाइनटी टू फाइव हंड्रेड आ रहा है लेकिन देखो मैंने इधर रॉन्ग भी किया है ये रॉन्ग है अगर एग्रीकल्चर इनकम सब में हुई ना इतना सीधी तरीके से टैक्स नहीं आएगा इधर टेढ़ा मेढ़ा कुछ करना पड़ता है ये देखो क्या करना पड़ता है लुक लुकियर सुनो ये नौ लाख दिख रहा है नौ लाख मैं जो पूछू उसका आंसर दो नौ लाख में एग्रीकल्चर इनकम शामिल है क्या नहीं है मैंने एग्रीकल्चर इनकम को देख ऊपर डैश मारा था एग्रीकल्चर इनकम को डैश मारा था ना यार एग्रीकल्चर इनकम है डैश किया था तो वापस सुनो ये नौ लाख के अंदर एग्रीकल्चर इनकम लिया हुआ है कि उसको डैश किया था डैश तो ठीक है बराबर है क्योंकि है तो कहाँ से आएगा है ना वो तो टैक्सेबल ही नहीं है लेकिन एक बार कह लेना नौ लाख में एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स निकालो एक क्यों हो रहा है अभी रिविजन लेक्चर में क्या क्यों बताने का टाइम नहीं है आंसर निकालने सीख लो बस खाली क्या करने का ये नौ लाख में माइंड में रखो ये एग्रीकल्चर इनकम इसमें नहीं लिया होगा क्योंकि उसको मैंने फाइव एड्स में डैश किया हुआ है तो ठीक है नहीं लिया ना तो एक बार के लिए ले ले एक बार के लिए ले ले और टैक्स निकाल तो ये देखो नौ लाख में एग्रीकल्चर इनकम को मिला हो कितना है दो लाख फिर इसके ऊपर टैक्स निकाल लो निकालने मत बैठो निकालना पड़ता स्लैब रेट से फिर बेसिक एक्सेंशन कितना होता है जवानों का बेसिक एग्जामेशन टू लैख फिफ्टी होता है ना yes, तो बेसिक एग्जामेशन के ऊपर भी एग्रीकल्चर इनकम को मिलाओ फिर उस पर भी टैक्स निकालो एंड फिर ये दो गोले दिख रहे हैं टैक्स वाले टैक्स माइनस टैक्स ये जो आंसर आएगा ना ये फाइनल आंसर है तरीका रट लो क्योंकि इसका रेगुलर लेक्चर में लॉजिक बताता हूं ना मतलब आधा घंटा चला जाता है अपने उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने का ओके तो कैसे करना चाहिए बताओ जो अपना लास्ट कॉलम में आंसर आया ना उसमें एक बार ऐसा माइंड मेरा रखो ये एग्रीकल्चर इनकम के बिगड़ता ना तो एक बार एग्रीकल्चर इनकम को मिला लो तो मिलाया मतलब 9 लाख में एग्रीकल्चर इनकम ऐड हो गया एंड तो फिर ऐड करके जो आया ना उस पर टैक्स निकालो ऐड करके तो 11 लाख आ रहा लेकिन मेरे को 11 लाख नहीं चाहिए उस पर टैक्स चाहिए तो उस पर टैक्स जो भी आएगा स्लैब रेट से फिर बेसिक एग्जामेशन जो भी होता है डिपेंड नहीं अपॉन जवान आदमी के बुढ़ा आदमी वो स्लैब रेट का जीरो परसेंट वाला टू लैख फिफ्टी वगैरह जो होता है ना वो उसमें एग्रीकल्चर इनकम मिला लो एग्रीकल्चर इनकम कितनी है टू लैक्स ला। फिर उसको भी उस पर भी टैक्स निकालो फिर ये टैक्स माइनस ये टैक्स आ जाएगा मेरा आंसर ओके और वो मेरा ये ये नाइनटी टू फाइव हंड्रेड तो क्या है मैंने तो सीधे सीधे स्लैब रेट लगा दिया था लेकिन गलत है ना ऐसे नहीं कर सकते ये देखो करना कैसे चाहिए मैंने अरे मैं कोई नई चीज नहीं सेम चीज दिखा रहा हूं मैंने क्या बताया पहले जो नौ लाख था वो एग्रीकल्चर इनकम के बिगड़ था तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम को डाल दे डाला तो कितना हो गया ग्यारह लाख ग्यारह लाख पे टैक्स कितना आया वन फोर्टी टू तो फाइव हंड्रेड ये मैंने स्लैब रेट से निकाला है फिर बेसिक एग्जाम्शन टू लाख फिफ्टी है फिक्स रूल है बेसिक एग्जाम्शन प्लस एग्रीकल्चर बेसिक एग्जाम्शन प्लस एग्रीकल्चर ऐसे याद रखो ना ऊपर भी एग्री नीचे भी एग्री ऊपर बैलेंस एंड दिया है, नीचे बेसिक एग्जाम्सन अरे ऊपर भी एग्री नीचे भी एग्री ऊपर बैलेंस एंड दिया है नीचे बेसिक एग्जामेशन ओके एंड फिर बाद में ये वाले का टैक्स और ये वाले का टैक्स फिर टैक्स माइनस टैक्स विल कम अ डिफरेंट अमाउंट ये अपना फाइनल आंसर होता है ओके एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक है लेकिन वो लॉजिक वगैरह अभी घुस नहीं सकते टाइम जाएगा ना अपना तुम लोग खाली इसको मैकेनिकली बाहर कर लो तो क्या आ गया वन थर्टी टू फाइव हंड्रेड तो ये वन थर्टी टू फाइव हंड्रेड राइट आंसर है मेरा सी ये बेसिक टैक्स निकला अब इसके बाद अरे ये सब होने के बाद क्या करते गरीबों के लिए रिबेट अमीरों के लिए सरचार्ज सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब इसके बाद गरीबों का रिबेट लेने का गरीब को गरीब मतलब ये पाँच लाख तक होता है तो लेकिन ये गरीब नहीं लग रहा है तो रिबेट नहीं आएगा फिर अमीरों के लिए सरचार्ज और अमीर मतलब ये पचास लाख के ऊपर होना चाहिए ये तो अमीर भी नहीं लग रहा है तो चलो गरीब नहीं अमीर नहीं है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आएगा ना फोर परसेंट वो ऐड करना पड़ेगा ओके तो याद रखो और इसको क्या बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनका अब ये नाम वगैरह ऐसा क्यों रखा है वो तो क्या है कॉन्सेप्चुअल डिटेल अंडरस्टैंडिंग में घुसेंगे तब समझ है अभी अपने को एग्जाम में आए तो सोल्व करने आना चाहिए तो रट लो कभी भी एग्जाम में एग्रीकल्चर इनकम दिखिए ना तो पहले फाइव एड्स में क्या करोगे उस वक्त डैश कर देना hmm. ओके एंड फिर सटक लटक विनिंग्स बैलेंस बैलेंस कॉलम में जो आंसर आएगा ना वो विदाउट एग्रीकल्चर इनकम हो क्योंकि हमने डैश किया था ना वो विदाउट तो उसमें पहले एक बार एग्रीकल्चर इनकम मिला लो फिर टैक्स निकालो एज पर स्लैब रेट्स फिर बेसिक एग्जामेशन में भी एग्रीकल्चर इनकम मिला लो उस उसपे टैक्स निकालो फिर दोनों को लेस कर देंगे ओके और मैं तो ऐसे ही याद करना सजेस्ट करता हूं ऊपर भी एग्री नीचे भी एग्री ऊपर बैलेंस एंट्रिया है नीचे बेसिक एग्जेस ओके और ये देखो नेट एग्रीकल्चर इनकम लिखा है मतलब क्वेश्चन में ना एग्रीकल्चर इनकम दिया एक लाख फिर उसका एक्सपेंडिचर दिया टेन थाउजेंड तो नाइन्टी थाउजेंड को लेके इधर खेलवाड़ होगा नाइन्टी थाउजेंड नेट करके इधर को नेट एग्रीकल्चर इनकम ऐसे करना पड़ता ओके लेकिन सी अगर किसी का एग्रीकल्चर इनकम क्वेश्चन है फाइव थाउजेंड या कम होता है ना तो ये मगजमारी नहीं करना है अगर एस एस सी का एग्रीकल्चर इनकम नेट है नेट खर्चा बिर्चा काट के नेट अगर फाइव थाउजेंड या फिर कम है तो ये इतना लंबा चकरी घुमाने का ज़रूरत नहीं है फिर तो क्या करेंगे ये देखो जो अपना नौ लगाया था ना इधर उसमें सीधा साधा स्लैब रेट से टैक्स निकालो बात ख़त्म ओके तो याद रखना कि एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए वो भी फाइव के ऊपर हुई तो वो लंबा चक्री घुमाएंगे ओके सी मैंने क्या किया ना टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी खास पॉइंट है सब बता दिए तुमको ओके अब है ना एक और चीज याद रखना सुनो लुक मेरे को बताओ अपना ये 25% परसेंट थर्टी परसेंट सरचार्ज भी होता अच्छा है ना इसको लेके अच्छा पॉइंट है लुक कि अगर अपनी इनकम दो करोड़ के ऊपर होती है तो 25% सरचार्ज परसेंट है और पाँच करोड़ के ऊपर गई तो 37% सेवन परसेंट है ना लेकिन सी एक रूल याद रखना चार इनकम ऐसी है ना उसको ये 25% परसेंट और 37 परसेंट वाला सरचार्ज नहीं लगता वो बोले तू सौ करोड़ भी कमा लेना तो भी हाईएस्ट सरचार्ज क्या होगा 15 अरे नहीं तो सरचार्ज तो क्या 37 परसेंट तक भी पहुंच जाता ना पागल की तरह लेकिन चार इनकम्स ऐसी है ना उसके लिए ये देखो 25 परसेंट और 37 परसेंट वाला सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है कौन सी चार इनकम देखो अगर किसी के पास डिविडेंड इनकम है जैसे मान लो मेरे पास डिविडेंड इनकम है है ना बीस करोड़ का डिविडेंड कमाया है एक बार अज्यूम करो मेरे पास कुछ भी नहीं है बीस करोड़ का डिविडेंड कमाया है तो बीस करोड़ का डिविडेंड है ना तो बीस करोड़ देखने तो तो पाँच करोड़ के ऊपर चला गया ना लेकिन मेरे को मैक्सिमम पंद्रह परसेंट ही सर्चा जाएगा तो ये डिविडेंड इनकम को ये वरदान दिया है क्योंकि शेयर मार्केट को गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करना चाहती है और वैसे भी डिविडेंड बेचारा दुखी है तो डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट से आता है और कंपनी को प्रॉफिट्स पे टैक्स भरना पड़ता है और वो प्रॉफिट से निकला हुआ डिविडेंड उस पर शेयर होल्डर वापस टैक्स भरता है तो वैसे ही डिविडेंड की गवर्नमेंट ने बैंड बजा के रखी है कि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट्स का है और कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स तो भर रही है ना उसके बावजूद भी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स भरना पड़ रहा है इससे गवर्नमेंट ने डिविडेंड के लिए थोड़ी रहम की है कि चल शेयर होल्डर तो डिविडेंड पे टैक्स तो भरना लेकिन उस पर सरचार्ज आएगा ऐसे नहीं कि नहीं आएगा लेकिन मैक्सिमम पंद्रह परसेंट ये वाला सरचार्ज नहीं आएगा ओके तो एक डिविडेंड हो गया ऐसे कितनी चीज है चार चीज़ें तो सी डिविडेंड इनकम फिर सटक जी अंडर ट्रिपल वन ए फिर लटक जी अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए और सादा लटक जी ओके स्पेशल रेट्स वाले विनिंग्स नहीं हा विनिंग्स की तो गवर्नमेंट वैसे ही बैंड बजाने के ऊपर तुले हुई ओके तो क्या क्या था डिविडेंड इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल कैपिटेंस अंडर सेक्शन ट्रिपल वन है लॉन्ग टर्म कैपिटल कैपिटेंस अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व है और सादा लॉन्ग टर्म गेन सादा मतलब कोई घर जमीन वगैरह सोना चांदी बेच के लॉन्ग टर्म गेन हुआ है तो ये चार चीज को गवर्नमेंट ने स्पेशल वरदान दिया है क्या वरदान है कि आप लोग को थर्टी फाइव सॉरी क्या गलती से निकला ट्वेंटी फाइव परसेंट और थर्टी सेवन परसेंट वाला सरचार्ज कभी भी नहीं छुएगा ओके okay? मतलब इन शॉर्ट से इतना नॉलेज रखोगे ना सम आएगा देख के समझ जाओगे तुम लोग ओके okay? अब इसका क्या है सम सॉल्व करवाने का टाइम नहीं ना अपने अपने लिमिटेड चीज़ें तुम लोग खाली नॉलेज रखना अपने आप तुम लोग इधर कोई आर टी पी वगैरह सॉल्व करोगे तो मेरा पढ़ाया हुआ पॉइंट याद आएगा ना तो तुम्हारे डाउट्स नहीं रहेंगे ओके okay? खाली तुम लोग ये पॉइंट याद रखना क्या डिविडेंड शॉर्ट टर्म अंडर ट्रिपल वन है मतलब इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व है मतलब इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म और सादा लॉन्ग टर्म ये चार इनकम को दस परसेंट पंद्रह परसेंट वाला सर चार्ज आएगा लेकिन ट्वेंटी फाइव परसेंट और थर्टी सेवन परसेंट वाला सरचार्ज नहीं आएगा ओके ये पॉइंट याद रखना ये इधर कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन माइंड में रखो ये पॉइंट वीडियो देखने वाले एक बार चाहिए तो कहीं पर लिख के रख दो कि ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग फोर इनकम्स डिविडेंड सटक जी अंडर ट्रिपल वन है लटक जी अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व है एंड सादा लटक जी ओके तो ये था तो ये टैक्स कैलकुलेशन का चैप्टर समाप्त टैक्स कैलकुलेशन हो गया अब अपने नया टॉपिक चालू कर रहे ये देखो तो अपना नया टॉपिक अभी देखो क्या है इनकम फ्रॉम बिजनेस अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनकम फ्राम बिजनेस ये देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस को लोग बोलते हैं पी जी पी 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 जी पी पी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मतलब चाहे तू बिज़नेस कर रहा हो कि प्रोफेशनल हो तेरे लिए गवर्नमेंट के रूल्स एक सरीके हैं एक जैसे रूल है ओके okay, चैप्टर एक ही है इनकम फ्राम बिजनेस अब देखो इस चैप्टर में अपने को है ना नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन सीखना है लेकिन नेट प्रॉफिट नॉट एज पर अकाउंट्स एज पर टैक्स एज पर इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट निकालना है सी अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं लेकिन इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ये देखना कैसा स्टेटमेंट होता है ऐसा ऐसा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा लेकिन सी इसको भले मैं नाम अलग दे दूँ स्टेटमेंट लेकिन एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है देखो तो सही ऊपर सब ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह लिखा है फिर बाद में सब खर्चे लिखे हुए एंड फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सब खर्चे करोगे तो नेट प्रॉफ़िट आ गया भले एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है लेकिन क्या अपने अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे ना टैक्सेशन पढ़ रहे तो ऐसा अकाउंट ही नहीं लिख सकते क्या लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस बट मन में क्या रखना चाहिए कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना रहा हूँ लेकिन इनकम टैक्स के नियमों से ओके अब है ना ये चैप्टर ब्रॉडली चार पार्ट में होता है मतलब पहले बच्चों को ये पढ़ाना पड़ता है डिडक्शंस फिर इसके बाद ये वाले सेक्शन दिख रहे है कुछ ये क्या बताऊंगा फिर ये पढ़ाना पड़ता है ओके और सी ये दोनों में ना अपने एक्सपेंडिचर के रूल्स पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के रूल्स बिजनेस में जो खर्चे होते हैं ना उसके रूल्स एंड फिर बाद में ये पढ़ना पड़ता है ये इनकम की थियोरी इनकम की एंड फिर बाद में लास्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजन्स है मतलब चैप्टर को चार हिस्से में देखो मतलब कभी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस को याद करो ना माइंड में चार खाचे बने हुए रहने चाहिए पहला खाचा डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी टू थर्टी सेवन फिर ये वाले सेक्शंस इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड इसके ऊपर बात करूंगा लेकिन क्या बोलते हैं एक्सपेंसिस एक्सप्रेसली डिसअलाउड ओके फिर बाद में इनकम की थियरी आती है ट्वेंटी एंड फोर्टी फिर इसके बाद 44 वाले सेक्शंस करने पड़ते हैं मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर यही तरीके से पढ़ना होता है ओके तो सी मैं ये चालू कर रहा हूँ पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी टू थर्टी सेवन अब सी जब हम लोग डिडक्शन करेंगे ना मन में ये रखो कि ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है क्योंकि सी तुम लोग को ट्वेंटी और फोर्टी का थियरी तो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ ना और जब तक ट्वेंटी एट ना पढ़ो ज़्यादा सोचो मत क्या है ऐसा सोचो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है और जो भी मैं सिखा रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने के रूल्स सिखा रहा हूँ अब देखो ये डिडक्शन्स में अपने को पढ़ना क्या मालूम है एक्सपेंडिचर के नियम और एक्सपेंडिचर के नियम मतलब वो एक्सपेंडिचर इधर माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है अगर गवर्नमेंट बोलती चल जा तेरे को खर्चा माइनस करने दिया तो उसको क्या बोलते हैं डिडक्शन इज अलाउड लेकिन गवर्नमेंट बोले कि नहीं 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 ये खर्चा तेरे को माइनस करने नहीं मिलेगा तो नॉट अलाउड मतलब पूरे डिडक्शंस के सफ़र में अपना पढ़ने का तरीका क्या होगा पहले खर्चे का नाम समझो फिर वो अलाउड है कि नॉट अलाउड वो समझो अलाउड मतलब मैं कभी भी अलाउड बोलूँगा मतलब इधर माइनस कर सकते गवर्नमेंट ने परमिशन दी है और नॉट अलाउड मतलब इधर माइनस करना अलाउड नहीं है तो सी इधर मैंने लिख के रखा है पार्ट वन क्यों लिखा है क्योंकि चैप्टर चार पार्ट में अपने पार्ट वन चालू किए पार्ट वन का नाम क्या है डिडक्शंस और डिडक्शन किसके लिए होता है एक्सपेंस और उसमें पढ़ना है अलाउड है कि नॉट अलाउड ओके तो सी पहला सेक्शन क्या दिख रहा है सेक्शन थर्टी सेक्शन थर्टी में कोई ना कोई खर्चा ही होगा तो पता है कौन सा खर्चा ये देखो रेंट रिपेयर्स टैक्सेस इंश्योरेंस और बिल्डिंग बिल्डिंग को लेके सेक्शन चालू कर कोई भी धंधा चालू करेगा तो पहले तो उसको जगह चाहिए जगह मतलब बिल्डिंग और गवर्नमेंट जब बिल्डिंग बोलती है ना मतलब हर चार दीवार छत को बिल्डिंग बोलने का कोई भी चार दीवार छत होता है उसको बिल्डिंग बोलते हैं अब आज अगर कोई धंधा करते तो मुझे एक चार दीवार छत चाहिए ना तो उसमें मेरे खर्चे क्या क्या होते हैं रेंट रेंट भरना पड़ता है फिर रिपेयरिंग का खर्चा होता है फिर और क्या है टैक्सेस टैक्सेस मतलब म्यूनसिपल टैक्सेस फिर इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब खर्चे अगर क्वेश्चन में दिए तो क्या बोलना चाहिए अलाउड लेकिन शर्त क्या है कि वो बिल्डिंग में बिजनेस होना चाहिए क्योंकि इसी चार दीवार छत में तो मैं अपने फैमिली के साथ रहता भी हूँ तो जिस घर में मैं रहता हूँ उसका खर्चा अलाउड नहीं होगा क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट किसका बना रहे इनकम फ्रॉम बिजनेस तो वो जो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ ना वो बिल्डिंग में धंधा होना चाहिए देखो क्या लिखा पढ़ो ये बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस तो ये चारों खर्चे अलाउड है एंड बिल्डिंग नॉट यूज फॉर बिजनेस तो ये चारों खर्चे नॉट अलाउड कौन से चार खर्चे थे रट लो सेक्शन के साथ रेंट रिपेयरस टैक्सेस मतलब म्यूनसिपल टैक्सेस और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग ओके और अगर बिजनेस में यूज हो रही तो अलाउड वरना नॉट अलाउड और अगर बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं दिया तो ऑलवेज अज्यूम पॉजिटिवली कि वो बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है तो ये सब खर्चा अलाउड है ओके अलाउड मतलब इधर हम लोग माइनस कर सकते ओके ये सेक्शन थर्टी था सेक्शन थर्टी वन सुनो क्या है सेक्शन थर्टी वन इज अबाउट प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का खर्चा पहले बिल्डिंग का था अभी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर सिर्फ बिल्डिंग तो जगह हो गई लेकिन खाली जगह में नाचूंगा थोड़ी जगह को भरना पड़ेगा अंदर मशीन्स चाहिए फर्नीचर चाहिए तब जाके धंधा होगा इससे अगला सेक्शन इज ऑन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इसमें क्या खर्चा होगा रिपेयरिंग इंश्योरेंस तो ठीक है ना ये सब खर्चे बिजनेस के ही है अलाउड है सी इस चैप्टर में कॉमन सेंस लगाना कोई भी खर्चा लगाना कि वो बिजनेस से रिलेटेड है अलाउड मतलब आधा चैप्टर तो कॉमन सेंस से ही चलता है ओके okay, खाली इतना लगना चाहिए हाँ ये खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है तो इट विल भी अलाउड तो ये मशीनरी फर्नीचर का खर्चा तो बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन भरोसा नहीं है फर्नीचर तो घर में भी होता है तो घर वाला फर्नीचर नहीं होना चाहिए देखो इधर क्या लिखा है फर्नीचर शुड बी फर्नीचर मतलब फर्नीचर और प्लांटेड मशीनरी शुड बी यूज फॉर बिजनेस तो अलाउड है और नॉट यूज फॉर बिजनेस तो चौकड़ी मारा मतलब इट विल बी नॉट अलाउड लेकिन खर्चा क्या था रिपेयरेंस ऊपर वाले सेक्शन में क्या था रेंट था रिपेयर था टैक्सेस था इंश्योरेंस था लेकिन नीचे क्या है खाली रिपेयर एंड इंश्योरेंस जैसे नीचे वाले सेक्शन में रेंट नहीं दिख रहे ऊपर कैसे बिल्डिंग का रेंट भी था रिपेयर्स भी था लेकिन नीचे वाले सेक्शन में तो खाली रिपेयर्स है रेंट तो नहीं दिख रहा है डैट मीन्स अगर किसी ने मशीनरी फर्नीचर का रेंट भरा है रेंट पे भी तो लेते हैं ना मशीनरी फर्नीचर तो उसका रेंट का जिक्र सेक्शन थर्टी वन में नहीं किया है लेकिन सी गवर्नमेंट क्या बोलती है अगर कोई ख़र्चे का हमने ज़िक्र नहीं किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अलाउड नहीं होगा अगर किसी भी खर्चे के लिए हमने कोई प्रोविज़न नहीं बनाया ना तो थर्टी सेवन वन में माइनस कर दो एक सेक्शन खोल के रखा देखो लास्ट में सेक्शन थर्टी सेवन वन ये एक जनरल सेक्शन है ये सेक्शन क्या बोलता है भूले चुके जाने अनजाने में अगर किसी खर्चे को हम लोग कोई सेक्शन में कवर करना भूल गए तो बुरा ना मानो आपको वो खर्चा माइनस करने मिलेगा हमको खाली इतना चाहिए कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए तो सी बात कहाँ से निकली थी क्योंकि बच्चा सोचेगा सर बिल्डिंग का रेंट तो सेक्शन थर्टी में कवर था लेकिन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का तो खाली रिपेयरिंग और इंश्योरेंस है इसका तो रेंट यहाँ पर नहीं है तो ठीक है ना सेक्शन थर्टी वन उसका बात नहीं कर रहा है थर्टी वन में अलाउड नहीं होगा लेकिन जिसका कोई नहीं उसका थर्टी सेवन वन मैं थर्टी सेवन वन का झंडा गाड़ के डिडक्शन ले सकता हूँ किस बेसिस पे वो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है ओके okay? तो आगे भी तुम लोग याद रखना कोई भी खर्चे का तुम लोग लगे ना कि यार ये खर्चे का बात ही क्यों हो रहा है और भी तो खर्चे हो सकते और भी तो खर्चे हो सकते हैं हाँ तो ठीक है ना धंधे में हज़ारों खर्चे होते हैं अब जिस खर्चे के बारे में गवर्नमेंट ने सेक्शन में जिक्र नहीं किया तो उसका डिडक्शन मिलेगा बट सेक्शन नंबर चेंज हो जाएगा थर्टी सेवन वन और सेक्शन से क्या फर्क पड़ता है ये सेक्शन के वो सेक्शन माइनस करने को चाहिए ओके okay. और बिजनेस का खर्चा है तो माइनस होके ही रहेगा अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं तो थर्टी सेवन वन में ओके okay. तो ये सेक्शन थर्टी थर्टी वन खत्म हो गए दो छोटे सेक्शन थे अगला सेक्शन देखो सेक्शन थर्टी टू दिस इज ऑन डेप्रीसीन ओके अपने डेप्रीसीशन इधर माइनस कर देना इधर देखो ये जैसे मान लो मशीनरी है उसका कॉस्ट पांच लाख है तो अपने मशीन की पूरी कॉस्ट थोड़ी ना माइनस करते अरे ये स्टेटमेंट में हम लोग मशीन की मशीन पूरी डाल देते कि उसका 10-15 परसेंट एप्रिसिएशन लेते दस पंद्रह परसेंट एप्रीशिएशन लेते हैं ना क्योंकि मशीन की लाइफ तो 10-12 साल होती है और अपना स्टेटमेंट तो हमने खाली एक ईयर का बनाया ये स्टेटमेंट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वन ईयर तो अपने दस साल की मशीन को एक झटके में इधर माइनस नहीं कर सकते उसका डेप्रिशिएशन लेते हैं ना इस मैंने इसका ही डायलॉग बनाया है कि जब भी डेप्रेशन माइनस करते हो ना ऐसा सोचो कॉस्ट का एक अंश माइनस हो रहा है अंश मतलब परसेंटेज कॉस्ट का टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट बट वो कॉस्ट से लेते हैं ना इससे सी मैंने डायलॉग बनाया है डेप्रीशिएशन तो बहाना है एसेट की कॉस्ट को घटाना है मतलब डेप्रिशिएशन के बहाने हम लोग क्या कर रहे हैं एसेट की जो कॉस्ट है जो पूरी एक झटके में नहीं माइनस हो सकती ना तो हम लोग उसका टेन फिफ्टीन परसेंट करके ले रहे लेकिन टेन फिफ्टीन परसेंट ऑफ वॉट ऑफ कॉस्ट तो जब भी डेप्रेशन भी माइनस कर रहे हैं ना मतलब समझो कि हमने कॉस्ट माइनस की है ये क्यों बोल रहा मालूम है क्योंकि आगे जाके तुम लोग कोई कोई सेक्शन में देखोगे जैसे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है रिसर्च विसर्च में तो क्या होता है मशीन की पूरी की पूरी कॉस्ट ही माइनस हो जाती है स्टेटमेंट में और जब पूरी की पूरी कॉस्ट माइनस होती है ना उसमें भी स्टूडेंट डाउट बोलता है सर इस मशीन के डेप्रीसी का क्या अरे यार मशीन का पूरा कॉस्ट माइनस कर दिया अब डेप्रीसिएशन क्यों चाहिए तब ये डायलॉग काम आता है भाई डेप्रीसिएशन तो बहाना है एसेट की कॉस्ट को घटाना है और अगर कोई सेक्शन अपने को एसेट की सारी कॉस्ट माइनस करने की इजाजत दे दिया तो डेप्रीसिएशन क्यों चाहिए लेकिन सी कितने स्टूडेंट एकदम मैकेनिकल हो जाते हैं नहीं नहीं मशीनरी वशीनरी का तो डेप्रेशियन होता ही है ना अरे होता है मतलब क्या अगर मशीन पूरी की पूरी तो स्टेटमेंट में माइनस कर चुका है फुल कॉस्ट के साथ तो फिर डेप्रीसीन क्यों तो चाहिए इसलिए ये बताना पड़ता है कि भाई डेप्रिसिएशन तुम लेते हो ना मतलब समझो हमने मशीन की कॉस्ट को ही माइनस किया है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट लेकिन कोई कोई सेक्शन आगे आएंगे उसमें तो फुल कॉस्ट ही माइनस हो जाता है फिर डेप्रेशिएशन का जरूरत नहीं है तो सी ये डायलॉग याद रखना डेप्रेशन तो बहाना है एसेट की कॉस्ट को घटाना है ओके लेकिन वो कॉस्ट थोड़ी थोड़ी करके एक परसेंटेज के फॉर्म में घट रही है तो डेप्रेशन की शुरुआत में ये थोड़ा बोलना पड़ता है अब देखो डेप्रेशन की थियोरी दस पार्ट में डेप्रेशन की थियोरी दस पार्ट में एक एक करके सुनते जाओ पहला क्या लिखा है क्लास ऑफ एसेट्स सी गवर्नमेंट ने क्या क्या है दुनिया में जितने भी एसेट्स होते हैं उसको चार कैटेगरी में बांट दिए है पहले डू एग्री दुनिया में लाखों टाइप के एसेट हो सकते हैं अब गवर्नमेंट क्या बोलती है अब लाखों तरह के एसेट्स के लिए हम लोग रूल बनाने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे गवर्नमेंट को रूल बनाना है ना डेप्रेशन का और डेप्रेशन का रूल बनाना मतलब एसेट के रूल बनाना अब एसेट लाखों टाइप के तो हर एसेट का रूल थोड़ी बनाएगी गवर्नमेंट इससे गवर्नमेंट ने बोला अरे दुनिया में करोड़ों एसेट भी होंगे ना हमारी नजरों में खाली चार ही एसेट है हम तो हर एसेट को या बिल्डिंग बोलेंगे या फर्नीचर बोलेंगे या इंटेंजिबल वरना उसको प्लांट एंड मशीनरी बोल देंगे मतलब बिल्डिंग फर्नीचर इंटेंजिबल के अलावा बाकी सब एंड मशीनरी कोई बोला नहीं ये तो कंप्यूटर है ये तो एयर कंडीशन है अरे जो बोलना है बोलना एसेट्स के नाम अनेक होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की आंखों के लिए बिल्डिंग बिल्डिंग है फर्नीचर फर्नीचर है इनटेंजिबल एसेट भी वही है लेकिन बाकी सब एसेट को तेरे को जो नाम देना दे गवर्नमेंट के लिए उसका नाम क्या है एंड मशीनरी वो चाहे वो एरोप्लेन हो गाड़ी हो कैमरा हो प्रोजेक्टर कुछ भी हो सब प्लांट एंड मशीनरी है इससे कभी भी प्लांट एंड मशीनरी बोला मतलब समझ जाना बिल्डिंग फर्नीचर इंटेंसिव वाला सब कुछ प्लांट एंड मशीनरी ओके तो ये देखो ये क्या हो गया क्लास ऑफ एसेट्स फिर आगे क्या लिखा है कंडीशंस कंडीशन्स मतलब डेप्रीशिएशन माइनस करने को चाहिए ना तो उसकी तीन कंडीशन है अरे माइनस करने को चाहिए कि नहीं अरे माइनस करते मज़ा आता है यार ये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट छोटा हो जाएगा छोटा होगा तो टैक्स कम आएगा लेकिन ये मजा चाहिए तो इसमें तीन कंडीशन है पहली कंडीशन एसेड बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए सीधी बात है ना घर में वो एसेड यूज करूंगा तो थोड़ी ना डिप्रेशन मिलेगा तो ऐसेड बिजनेस में यूज़ होना चाहिए फिर ऐसे ऐसी ओनर होना चाहिए क्योंकि सी अगर तू भाड़ उतरी है तो तो तू भाड़ा पे कर रहा है और भाड़े का तो अलग डिडक्शन मिलता है ना और वैसे भी डायलॉग क्या था डेपरेशन तो बहाना है एसेड की कॉस्ट को घटाना है और कॉस्ट कौन इंकर करता है ओनर लोग तो ओनर लोग को डेप्रेशन मिलता है फिर तीसरी कंडीशन देखो क्या है कि वन डेज और मोर यूज करना पड़ता है और अगर 180 एटी डेज और मोर यूज़ नहीं हुआ ना एसेट तो डेप्रिशिएशन आधा मिलेगा सी पहली दो कंडीशन ऐसी है ना कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डेप्रिशिएशन मिलेगा ही नहीं लेकिन तीसरी कंडीशन ऐसी है ना कि अगर ये फुलफिल हुई तो डेप्रेशिएशन पूरा मिलेगा नहीं हुई तो मिलेगा बट आधा मिलेगा अरे रूल है ना 180 डेज़ का अरे रेगुलर लेक्चर में तो 180 एटी डेज के ऊपर एकदम डीपली लॉजिक बताना पड़ता है लेकिन रिवीजन वाले बच्चे को मालूम है कि हाँ वन एटी डेज़ यूज़ करने का कुछ रिवाज होता है तो उसी अकाउंट्स में तो क्या करते हैं अपने जैसे 9 महीने का ऐसेड हुआ है मतलब एक जुलाई को एसेड लिया था और उसको खरीदे हुए सिर्फ नौ महीने हुए तो हम लोग नौ महीने का प्रपोज टेंट निकालते कैसे करते इन टू नाइन अपॉन ट्वेल्व करते ना लेकिन ये सब अकाउंट्स वाला पागलपंथी इधर मत लेके आना अकाउंट्स में तो आठ महीना छः महीना गिन गिन के करते हैं इनकम टैक्स में क्या है वन एटी डेज और मोर है तो फुल ईयर और वन एटी डेज से कम है तो हाफ़ ईयर मतलब इस बार या उस पार मिलेगा तो पूरे साल का नहीं तो आधे साल का पूरे साल का चाहिए तो 180 डेज और मोर यूज कर जैसे ये देखो ये नौ महीना है लेकिन नौ महीना देखोगे तो अंदाज से कितना हो गया एक महीना तीस दिन का पकड़ तो तीस दिन का महीना पकड़ा तो 270 डेज ऐसे अंदाज से गिन रहा हूँ एक्चुअल गिनती नहीं कर रहा हूं तो 270 डेज हो गया तो फिर गवर्नमेंट अभी गिनेगी नहीं कितना है 270 सेवेंटी 180 वन हो गया ना बस फुल ईयर का डिप्रेशन मिल जाएगा लेकिन 180 डेज से कम हुआ तो हाफ ईयर ओके तो अकाउंट्स में गिन गिन के डिप्रेशन लेते लेकिन टैक्स में गिनते लेकिन गिनने के बाद इस पार या उस पार मिलेगा तो फुल ईयर नहीं तो हाफ ईयर ओके लेकिन सी वन डेज की गिनती कहां से करते तो ये देखो ये एग्जाम्पल ट्राई करो वन एट डेज गेन क्यों रहा फुल ईयर के हाफ ईयर डिसाइड करने के लिए ना तो ये देखो मान लो मैंने एक एयर कंडीशन ख़रीदा है नाइन्टीन मे को मैंने ए सी परचेस किया था और ए सी जब परचेस किया था ना डब्बे में पेटी पैक पड़ा था पेटी पैक मतलब बॉक्स के अंदर पैक भी पड़ा था नाइन्टीन मे को मैंने ख़रीदा था एयर कंडीशन फिर सात सेप्टेम्बर को मैंने उसको पुट्टू यूज़ किया पुट्टू यूज़ किया मतलब मालूम है क्या है एसी जो डब्बे में पड़ा था ना उसका डब्बे का पैकिंग वैकिंग खोला फिर एसी को दीवार पे गाड़ दिया गाड़ दिया मतलब इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल किया मतलब उसको पुट टू यूज़ किया उसको पुट कर दिया पुट put. पुटने का मतलब पुटा ओके okay? अभी भी उसको यूज़ नहीं किया खाली दीवार पे उसको इंस्टॉल करके पुट कर दिया फिर 24 दिसंबर को मैंने एसी चालू किया मतलब सोच दीवार पे तो मैंने सात सितंबर को उसको लगा के रख दिया लेकिन बच्चे मेरे को बोल बोल के थक गए सर ए चालू करो ए सी मैं चालू ही नहीं किया ए कब चालू किया मैंने चौबीस दिसंबर को उसको बोलते हैं एक्चुअल यूज़ तो मेरे एग्जाम्पल में परचेस मतलब क्या इस दिन तो दुकान से ए खरीद के लाया डब्बे में पड़ा था लेकिन सात सितंबर को क्या हुआ डब्बा खोल खा के उसको इंस्टॉल कर दिया मतलब उसको पुट्टू यूज़ कर दिया एंड फिर एक्चुअल यूज 24 दिसंबर को हुआ और अपने अपने को पता भी कंफ्यूजन क्या है वन एटी डेज कहाँ से गिनूँ यहाँ से गिनूंगा तो आंसर अलग आएगा यहाँ से गिनूंगा तो आंसर अलग आएगा यहाँ से गिनूंगा तो आंसर अलग आएगा तो इसके लिए रूल क्या मानू में ना तो इसको देख ना इसको देख पुट टू यूज को देख एक रूल है क्या पुट टू यूज डेट को देखना पड़ता है क्यों उसका लॉजिक देखो लॉजिक दो मिनट में समझ जाएगा ये देख डेप्रिशिएशन की कंडीशन क्या है यू शुड बी ओनर एंड एसेट शुड बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज़ तो ये देखो जब मैं ए सी खरीद लिया था ना ओनर बन गया था देख मैंने टिक मार्क मारा है अरे ए सी खरीदते मालिक बन गया ना तो ओनर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लेकिन ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है क्या वो बिजनेस में यूज होगा क्या पता डब्बे में पड़ा ए सी डब्बा खोलने के बाद मेरे बेडरूम में किचन में हॉल में लगा दिया तो अरे मतलब मेरे घर में तो शायद वो पर्सनल भी बन सकता है और हो सकता है कि वो डब्बा खोलने के बाद कोचिंग क्लास में लग जावे तो बिजनेस का भी हो सकता है लेकिन जब खरीदा तब वो पता नहीं है ना क्योंकि उसको पुट टू यूज़ नहीं किया जब तक तुम उसको पुट नहीं करोगे पता कैसे चले तू घर में पुट रहा है कि धंधे में पुट रहा है इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई अभी तेरा बिजनेस का क्वेश्चन मार्क है इसलिए परचेज डेट को महत्व नहीं देंगे ओके लेकिन जिस दिन उसको मैंने पुट टू यूज़ किया तो ओनर तो बना हुआ ही था और उसको मैंने पूटा भी किधर पूटा मेरे कोचिंग क्लास में पुट किया तो गवर्नमेंट खुश होगी यस अब ये पक्की बात है कि एयर कंडीशन धंधे के लिए आया है बस उतना हो गया तो डेप्रिशिएशन के लिए मैं काबिल बन गया अब गवर्नमेंट मेरे सिर पे नाचेगी नहीं तूने एसी क्लासेस में लगा तो लिया चालू कर चालू नहीं चालू करने का मैं कंजूस हूँ मेरे को लाइट का बिल बचाना है मतलब ये गवर्नमेंट के लिए मायने नहीं रखता है ओके इन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर मल्टीपल डेट्स दी हो ना तो अपने को पुट टू यूज़ की डेट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए लेकिन मल्टीपल डेट्स दी हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या इन लोग एक ही डेट देते परचेज डेट तो खाली परचेज डेट दिया है तो अज्यूम कर लो उसी दिन सब हो गया मतलब परचेज डेट से काम चलाना पड़ेगा ना लेकिन परचेज का डेट अलग से दिया है पुट टू यूज़ का अलग से दिया है तो तो भाई अपने को पुट टू यूज़ को महत्व देना पड़ेगा अरे करना क्या इसका ये पुट टू यूज़ को महत्व दिया अभी अरे गिन इधर से है सात सेप्टेंबर को पुट टू यूज़ किया ना तो गिनो सात सेप्टेंबर आठ सेप्टेंबर नौ सेप्टेंबर ऐसा गिन गिन के देखने का अगर 180 डेज और मोर हो गया तो फुल ईयर और एटी डेज से कम है तो हाफ ईयर का डेप्रेशन मिले ओके okay? सी मैं क्या बता रहा हूं देखो, 180 से है न, बच्चों को तीन बातें सीखनी पड़ेगी तीन पॉइंट है सी कंडीशन तो तीन है लेकिन जो तीसरी कंडीशन है ना 180 एटी डेज उसके अंदर तीन खास पॉइंट है पहला खास पॉइंट मैंने बता दिया क्या इंपॉर्टेंस दो बच्चों पुट टू यूज डेट को ओके okay? फिर दूसरा कंडीशन देखो ये वन एटी डेज का नाटक है ना खाली फर्स्ट ईयर में ही होता है मीन्स अगर तू चाहता है ना कि एसेट को खरीदते ही तुरंत एप्रिसिएशन चाहिए देखो ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करो ये देखो इस एग्जाम्पल में क्या है मैंने ईयर वन में परचेज तो कर लिया लेकिन पुट टू यूज़ नहीं किया मतलब वही एयर कंडीशन का एग्जाम्पल ले लो ए सी मैंने ख़रीदा था डब्बे के अंदर पड़ा था और डब्बे के अंदर पड़ा है ख़रीद लिया लेकिन अभी तक उसको पुट टू यूज़ नहीं किया तो मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है अरे गवर्नमेंट के माइंड में क्या चल रहा है अरे डब्बे में पड़ा हुआ ए क्या पता डब्बा खोलने के बाद उसने अपने घर में लगा दिया तो ए और घर में लगाया तो पर्सल हो जाएगा ना एंड हो सकता है डब्बा खोल के ए बिजनेस में भी लग सकता है लेकिन पता नहीं ना जब तक तुम उसको पुट नहीं करोगे तो इससे गवर्नमेंट ने बोला दोस्त तेरे को डेप्रिशियन अभी तो नहीं मिलेगा माना कि तू ओनर है लेकिन बिजनेस में है कि घर में जाएगा ए पता नहीं वो तो मैंने बताया ना बिजनेस का क्वेश्चन मार्क है लेकिन सी सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया वही एयर कंडीशन जो खरीदा उसके डब्बे को खोल वोल के उसको अपने बिजनेस में पुट कर दिया लेकिन बहुत लेट किया उसको पुट करने के बाद खाली 40 दिन हुए और साल ख़त्म हो गया मतलब उस एसी को पुट टू यूज किए हुए खाली 40 ही दिन हुए और स्टूडेंट क्या करेगा वो 40 दिन यानी कि 180 डेज से कम है तो स्टूडेंट उसका हाफ ईयर ले लेगा लेकिन नहीं सेकेंड ईयर आ गया ना एक बार सेकेंड ईयर चालू हो जाता है ना हाफ़ ईयर फुल ईयर का मच मच खत्म फुल ईयर का ही डेप्रेशिएशन मिलेगा सी अगर अपने को एसेट खरीदते ही तुरंत डेप्रिशन मांगता है ना तुरंत तुरंत मांगता है तो ऐसे थोड़ी मिलेगा चल 180 डेज यूज कर तो ही मिलेगा और उस नहीं हुआ तो आधा मिलेगा मतलब तुमको तुरंत ताबड़तोप ताबड़ दो तो ताबड़ तो का मतलब क्या है खरीदा तुरंत डिप्रेशिएशन दे दो तो तुरंत मिलेगा तो शादी थोड़ी है तुरंत सही है तो एटलीस्ट वन एटी डेज और मोर यूज कर वरना तेरे को आधा ही देंगे लेकिन ये गवर्नमेंट की अकड़ फर्स्ट ईयर में मतलब कोई खरीदते ही तुरंत डिप्रेशन चाहता है लेकिन ये बंदा खरीदा बेचारा फर्स्ट ईयर में डेप्रेशन कब मांग रहा है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर तो मांग भी नहीं पाएगा काबिल ही नहीं था अब सेकेंड ईयर में जब डेपरेशन मिलता है ना तो गवर्नमेंट के नखरे ख़त्म हो जाते हैं सी गवर्नमेंट ने वन एटी डेज का नखरा किया ही किसके लिए जो लोग खरीदते ही उस साल में ईयर ऑफ परचेस में डेप्रेशन मांगते उन लोग के लिए और सी ये जो एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड भी है कि मैं खरीद के रख लिया उसको पुट टू यूज़ नेक्स्ट ईयर किया अरे नॉर्मली हम लोग खरीदते उसको तुरंत पुट टू तो यूज करते हैं ना अब तुरंत पुट टू तुर यूज किया तो वन एटी डेज़ की शर्त हो गई उतना है तो फुल ईयर नहीं है तो हाफ ईयर और पुट टू यूज़ ही नहीं है तो तो मिलेगा ही नहीं एंड फिर नेक्स्ट ईयर जब मिलेगा ना अब नेक्स्ट ईयर मतलब चाहे वो सेकेंड ईयर हो कि थर्ड ईयर के फोर्थ एक बार फर्स्ट ईयर निकल गया ना तो वन एटी डेज का टेंशन भी ख़त्म ये देखो मैंने एसेट की पूरी जिंदगी बताई है तुमको ये देखो एसेट जब परचेस करते हैं ना जब ताज़ा ताज़ा एसेड आया और उस ईयर में डेप्रिशियन चाहिए तो फुल हाफ कुछ भी हो सकता है 180 डेज और बोरे तो फुल ईयर वरना हाफ ईयर और बाद में सब्सिक्वेंट इयर्स में तो फुल ईयर ही होता है सब्सिक्वेंट मतलब परचेज वाले ईयर के बाद ले लो बाद में तो फुल ईयर का ही मिलता है और जब बेच देते हैं ना तब डेप्रिशिएशन ही नहीं मिलता है लोग क्या करते हैं उनमें जिस शेयर में एसेट बेचते हैं ना तभी भी गिनना चालू कर देते ओ बेचा तो 6 सितंबर को था ना मतलब 6 सितंबर तक तो था ना तो गिनते अप्रैल में अरे गिन मत यार ऑफ सेल में मत गिनना यार ऑफ सेल में नो एप्रीसिएशन सी बेस्ट ऐसे ये ये मैंने बहुत मस्त चीज बनाई है तुम लोगों को क्या मोल कैसे बनाया मस्त चीज है जब एसेट परचेज होता है ना तो गिनो 180 डेज और मोर है तो फुल ईयर नहीं तो हाफ ईयर और वो परचेज वाले ईयर में बाद में तो गिनती नहीं फुल ईयर ही मिलता है फुल ईयर फुल ईयर और ईयर ऑफ सेल में भी नहीं गिनने का इनफैक्ट ईयर ऑफ सेल में तो डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलता है गवर्नमेंट क्या बोलती है तूने एसेट को बेच दिया ना अब साल के बीच में बेचा के साल के एंड में बेचा मतलब ना रहा एसेट ना रहा डेप्रिसिएशन ओके okay? तो ये चीज याद रखना फिर देखो मैं तुमको है ना 180 एटी डेज से संबंधित तीन मज़ेदार पॉइंट्स बता रहा हूँ पहला मज़ेदार पॉइंट क्या था कि पुट टू यूज डेट का महत्व तो है दूसरा 180 डेज का मचमच -मच खाली फर्स्ट ईयर में ही होता है इट इज़ ओनली इन दी फर्स्ट ईयर जब परचेस करते तीसरा पॉइंट एक शॉर्टकट है देखो मैंने एक शॉर्टकट बनाया है कि अगर चार अक्टूबर तक एसेट का पुट टू यूज कर दिया ना तो 180 एटी डेज और मोर ही आएगा गिनने का ज़रूरत नहीं है प्री कैलकुलेट करके रखा है ताकि तुम लोग का एग्ज़ाम में वक्त बचे तो क्या याद करना है बताओ फर्स्ट अप्रैल से लेके कौन सा डेट फोर्थ अक्टूबर तक मतलब फोर्थ अक्टूबर को भी गिन लिया इस पीरियड में पुट टू यूज़ किया ना तो फिर गिनना मत बी कॉन्फिडेंट के 180 डेज और मोर ही आएगा लेकिन फोर्थ अक्टूबर के बाद ये जो लाल वाला कलर दिखे ना लाल वाला पैच फोर्थ नहीं है फोर्थ के बाद फोर्थ के बाद क्या पाँच अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो फोर्थ के बाद थर्टी फर्स्ट मार्च तक अगर तुमने क्या किया पुट टू यूज़ पुट टू यूज ही देखने का होता है तो लेस देन वन एटी डेज आएगा तो हाफ ईयर तो ये फोर्थ अक्टूबर को रट लो हाँ मेरा जो पुराना बेस्ट था ना उसमें बच्चों को थर्ड अक्टूबर हटाता था नवंबर ट्वेंटी थ्री के बच्चों को थर्ड अक्टूबर लेकिन मे 24 के बच्चों के लिए ना अपना प्रीवियस ईयर 23 24 है उसमें फरवरी का महीना 29 डेज का आ गया ना लीप ईयर आ गया इसलिए मैं स्टूडेंट्स लोग को फोर्थ अक्टूबर बाहर करवा रहा हूँ हाँ जो एग्ज़ाम में लीप ईयर नहीं होता ना तो मैं स्टूडेंट को बोलता तीन अक्टूबर याद कर ले। लेकिन अपने तो अभी मे ट्वेंटी में पास हो रहे हैं ना तो नवंबर 24 फोर मई ट्वेंटी में, में लीप ईयर है तो फोर्थ अक्टूबर याद करना ओके फोर्थ भी है तो भी चलेगा वन एटी डेज और मोर फोर्थ अक्टूबर के बाद पुट टू यूज किया तो फिर तो बहुत लेट हो गया ना फिर तो बाद में यूज करने का टाइम ही कम मिला है तो लेस देन एटी डेज हुआ तो हाफ ईयर इशिएशन मिले ओके okay? मैं ना इधर कंडीशंस पे था देखो जल्दी कंडीशन में पहली कंडीशन बिजनेस थी ये ओनर था फिर वन एटी डेज पे बात हो रही थी लुक हियर डेप्रेशियन की पूरी समरी कैसी है पहले क्लास ऑफ एसेट्स फिर कंडीशंस कंडीशन हो गया फिर बाद में मेथड और डिप्रिशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना है डब्ल्यू डीवी मैथड यूज करना है डब्ल्यू डीवी मेथड ही यूज करना पड़ेगा चॉइस नहीं है लेकिन पावर यूनिट्स होता है ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उनको चॉइस है तुम चाहे तो डब्ल्यू डी वी मेथड यूज करो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो जो पसंद है करो लेकिन ये चॉइस किसको है पावर यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ओके okay, उनको चॉइस है लेकिन बाकी सब धंधे में डब्ल्यू डी वी मैथड ही फॉलो करना पड़ता है तो मेथड की थियरी होगी बाद में क्या रेट्स डेप्रेशन के रेट्स अपने को मुंह पे बाहर होने चाहिए ये देखो डेप्रेशन के रेट्स के लिए देखो मैंने इधर क्या बना के रखा है लुक यार दुनिया में चार कैटेगरी ऑफ एसेट्स होते हैं ना तो चारों का रेट्स और एप्रीशिएशन सी वन बाय वन देखना पहले बिल्डिंग में रेट कितना होता है ना मैं कुछ नहीं बोला तो टेन परसेंट ही लेना बिल्डिंग सब में दिया होना टेन परसेंट ही लेना लेकिन बी केयरफुल अगर क्वेश्चन में बोला है ना रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो फाइव परसेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब ऐसे नहीं कि मैं उसमें रह रहा हूँ मैं नहीं रह रहा हूँ लोग बाग रह रहे हैं मैंने तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अपना धंधा चालू कर दिया है अरे कोई कोई बिल्डिंग में होता है लोग बाग रहते हैं लेकिन मैंने उस बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेके अपनी ऑफिस बना दी तो अगर तुम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर अपनी ऑफिस खोल दोगे धंधा खोल दोगे तो पाँच परसेंट मिलेगा क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग की लाइफ थोड़ी अच्छी होती है ना और लाइफ अच्छी होती तो रेट कम होता है फाइव परसेंट अप्रिशियन ही आएगा लेकिन कॉमर्शियल बिल्डिंग में तू ऑफिस खोल के बैठ गया तो कॉमर्शियल बिल्डिंग की तो ऐसी घिस घिस के पिटाई होती है ना कि उसकी लाइफ कम होती है और लाइफ कम रेट ज़्यादा डेप्रेशन में यही लॉजिक होता है लॉन्गर द लाइफ स्मॉलर द रेट और शॉर्टर द लाइफ बिगर द रेट और कॉमर्शियल बिल्डिंग क्या उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होता है ना उसका लाइफ कम इसलिए टेन परसेंट और प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया ना तो कॉमर्शियल बिल्डिंग ही अज्यूम करना क्यों अक्सर लोग धंधा करते तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में धंधा करते हैं ना ओके फिर वुडन स्ट्रक्चर्स टेम्पररी इरेक्शन दिया तो 40 परसेंट जैसे फिल्म की शूटिंग होती है ना पिक्चर सिंगम विंगम पिक्चर अजय देवगन रोहित शेट्टी तो उन लोग क्या नकली पुलिस स्टेशन बनाते अब नकली पुलिस स्टेशन दिखने में तो चार दीवार छत है ना और एक बार चार दीवार छत है तो बोलना तो बिल्डिंग ही पड़ेगा लेकिन वो पुलिस स्टेशन जो बना है ना वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है थोड़े टाइम में डिमोलिश कर देंगे तो उसकी लाइफ कम है लाइफ कम तो रेट ज़्यादा कितना रेट है फोर्टी परसेंट मिलेगा तो ये टेम्पररी इरेक्शंस मतलब बेस्ट एग्जाम्पल फिर शूटिंग्स के हो गए वुडन स्ट्रक्चर्स मतलब कोई लकड़े का कैबिन बना दिया चार दीवार छत वाला तो ये सब क्या छोटी लाइफ वाले होते हैं ना इसे रेट फोर्टी परसेंट लेकिन कुछ नहीं बोला तो टेन परसेंट जो मैंने बॉक्स में डाला है ना ये बाय डिफॉल्ट अपने को टेन परसेंट ही लेना है फर्नीचर में ज़्यादा मचमच नहीं टेन परसेंट ही है इन एसेस एसेट्स पे 25 परसेंट लेकिन गुडविल पे डेप्रिशिएशन नहीं मिलता है ओके okay? क्यों गुडविल तो धंधे की रेप्यूटेशन है और रेप्यूटेशन तो क्या धीरे धीरे इंप्रूव ही इंप्रूव होती है ना यार हाँ कोई किसी की रेप्यूटेशन डाउन होती है वो नेगेटिव मत सोचो ना यूजअली गुडविल इज ओ रेप्यूटेशन विच कीप्स ऑन अप्रिशिएटिंग तो अप्रिशिएट होता है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आना चाहिए तो लॉ ने बोला गुडविल को छोड़ दे बाकी सब इंटेंजिबल में मिलेगा लाइक पेटेंट कॉपी वगैरह वगैरह ट्रेडमार्क ब्रांड नेम ये सब इंटेंजिबल एसेट पे 25 फाइव परसेंट एप्रेशन मिलता है ओके याद रखना पड़ता है खाली सुनो मत याद करते हो फिर प्लांट एंड मशीनरी में क्या आता है सब आ गया बिल्डिंग फर्नीचर इंटेंजिबल के अलावा सब प्लांट एंड मशीनरी है अब प्लांट एंड मशीनरी भी देखो क्या है अगर गाड़ी है तो पंद्रह परसेंट आएगा लेकिन वो गाड़ी हायरिंग बिजनेस में यूज होती है मतलब मैं गाड़ी रेंट पे देता हूँ तो गाड़ी रेंट पे दूंगा तो गाड़ी का वारंटेड ज़्यादा होगा मतलब मेरी गाड़ी सब लोग यूज़ करेंगे तो गाड़ी की तो लाइफ कम और लाइफ कम रेट ज़्यादा कितना थर्टी परसेंट मतलब अगर मैं गाड़ी खुद यूज़ करता हूँ धंधे में तो फिफ्टीन परसेंट लेकिन गाड़ी को रेंट पे देने का धंधा चालू कर दिया ना तो तो मेरी गाड़ी की लाइफ ही कम हो जाएगी लाइफ कम तो रेट ज़्यादा कितना थर्टी फिर शिप्स और एयरक्राफ्ट में ना शिप लोग की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है शिप मजबूत होती है ना और लाइफ बड़ी तो रेट कम है ट्वेंटी लेकिन एरोप्लेन बेचारा कमज़ोर होता है उड़ना पड़ता है ना कभी उड़ते उड़ते टपक गया तो भरोसा नहीं है क्या टपकने देते नहीं इन लोग टाइम तो टू तो टाइम एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करते रहते हैं लेकिन एयरक्राफ्ट थोड़ा सेंसिटिव होता है कमजोर छोटी लाइफ है इसलिए फोर्टी परसेंट रेट है तो शिप का शिप स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग है सी दिमाग बैठा लॉन्गर द लाइफ छोटा रेट और जिसकी लाइफ कम है रेट बढ़ा तो एयरक्राफ्ट की लाइफ थोड़ी कम होती तो फोर्टी परसेंट फिर कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स का भी फोर्टी परसेंट क्योंकि कंप्यूटर का क्या है टेक्नोलॉजी फटफट चेंज होता है ना तो लाइफ कम है तो फोर्टी परसेंट बुक्स बुक्स को भी हम लोग एसेट मानते हैं सिर्फ बुक्स भले हजार रुपए की होगी लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट वकील जो प्रोफेशनल होते हैं उन लोगों के लिए तो बुक्स तो पैसा छापने का मशीन है बुक है तो नॉलेज है नॉलेज है तो पैसा मिलता है और प्रोफेशनल्स लोग के लिए बुक को क्या बोलना चाहिए पैसा छापने का मशीन है और मशीन को तो एसेट बोलते हैं ना लेकिन ये ऐसी मशीन इससे नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए बुक्स को भी हम लोग तो फिक्स्ड एसेट गिनते हैं लेकिन बुक्स की लाइफ कितनी होती है बुक्स पट फुट आ जाती है इसे लाइफ कम तो रेट ज्यादा कितना फोर्टी परसेंट फिर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट फैक्ट्री में लगे हुए रहते हैं ना सी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को क्या करना है बाहर पॉल्यूशन ना जाए इससे बेचारा खुद ऑब्जॉर्ब करता है तो इक्विपमेंट अगर खुद पॉल्यूशन अब्जॉर्व करेगा तो खुद मर जाएगा बेचारा तो उसकी भी लाइफ कम है फोर्टी परसेंट फिर जनरल रेट फिफ्टीन परसेंट मतलब अगर बिजनेस का कोई भी एसेट है जो अपनी इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो उसको पंद्रह परसेंट ले लो जैसे क्वेश्चन में दे दिया एयर कंडीशनर फिफ्टीन परसेंट मोबाइल फोन फिफ्टीन परसेंट अरे ऐसा कोई भी दे दिया ना जिसका मैंने रेट नहीं बताया तो फिफ्टीन परसेंट लेंगे ओके तो ये सब रेट्स अपने को याद रखना है तो डिप्रेशियन के रेट्स हो गए फिर रेट्स के बाद ये देख फटफ -फट देखना बहुत बड़ा चैप्टर है रेट्स हो गया फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ डेप्रेशन सिस्टम अब देखो सिस्टम है ना क्या होता है दो सिस्टम होते हैं डेप्रेशन के एक होता है इंडिविजुअल एसेट सिस्टम एक होता है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम इंडिविजुअल एसेट सिस्टम मतलब क्या होता है ना मैं हर एक एसेट पे अलग अलग डेप्रिशन कैलकुलेट करने का लेकिन वो सिस्टम में इनकम टैक्स वाले बिलीव नहीं करते क्यों गवर्नमेंट क्या बोलती है यार हमने जो रेट्स दिए ना वो रेट्स ऐसे ना कितने सारे एसेट्स के रेट से सेम है कितने सारे एसेट्स के रेट से सेम है और जब सेम रेट वाले बहुत सारे एसेट है तो सबका अलग अलग निकालने में टाइम वेस्ट होता है ये देखो इधर जैसे मान लो मेरे पास तीन एसेट है तीनों का रेट टेन परसेंट है अब जब तीनों का रेट टेन परसेंट है तो सोच मैं अलग अलग निकालूंगा तो मेरा टाइम नहीं लग रहा ज़्यादा एक लाख पे टेन परसेंट निकाला फिर एक लाख पे टेन परसेंट निकाला फिर एक लाख पे टेन परसेंट निकाला ये तो मैंने तीन ही एसेट लिए असली ज़िंदगी में तो अपने पास है ना सौ सौ एसेट्स होते हैं ऐसे ना कि जब का रेट ही सेम है अरे अपने रेट्स नहीं देखे तुमको लग रहा है कि रेट्स में ज़्यादा वेराइटी के बहुत सारे सेम ही है बहुत सारे से जैसे फोर्टी को देख लो एरोप्लेन का भी फोर्टी कंप्यूटर का भी फोर्टी बुक का भी फोर्टी कितने सारे फोर्टी वाले फिफ्टीन वाले देखो गाड़ी है और जनरल रेट में तो कितने सारे तो सेम रेट वाले तो 100-200 एसेट्स हो सकते अब सब पे ये देखो अलग अलग, अलग डेप्रेशन निकालना टाइम कंज्यूमिंग होता है इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला ये एसेट वाइज डेप्रेशन मत निकालो ब्लॉक्स बनाओ ब्लॉक्स मतलब जिन जिन एसेट्स का परसेंटेज सेम है ना उसका ग्रुप बना के इकट्ठा डिप्रेशन निकालो शॉर्टकट हो जाता है तो ये देखो इधर मैंने शॉर्टकट कैसे बनाया ये तीनों का टेन परसेंट है ना तो तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक ट्रीट करो ऐसे गिनो ही मत की तीन चीजें वो ऐसे मान लो वो एक ही चीज है और पूरे का इकट्ठा डिप्रेशन निकालो देखो एक बार में आंसर आ जाता है ओके इसलिए अपने को गवर्नमेंट ने क्या बोला है देखो इनकम टैक्स में हम ये सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे इनकम टैक्स में ब्लॉक हो ऐसे सिस्टम ही चलेगा मतलब ब्लॉक्स बनाओ और पूरे ब्लॉक का एक साथ इकट्ठा डिप्रेशन निकालो लेकिन ब्लॉक कैसे बनाते हैं जिन जिन एसेट्स का परसेंटेज सेम है उसको ग्रुप करते हैं ना लेकिन सी इधर थोड़ा केयरफुल है ना मान लो मेरे पास तीन बिल्डिंग है ओके और तीन फर्नीचर है रेट्स बताओ क्या है? रेट्स बिल्डिंग का रेट टेन परसेंट फर्नीचर का भी रेट टेन परसेंट तो ये सब टेन परसेंट वाले लोग हैं ना ये लेकिन इसका मैं झुंड नहीं बना सकता क्योंकि ब्लॉक बनाने का रूल है रेट के साथ साथ क्लास भी सेम होना चाहिए क्लास लेकिन इधर बिल्डिंग और फर्नीचर दो अलग कैटेगरी है तो ये इसका मिलन नहीं हो सकता ये इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा ओके बिल्डिंग फर्नीचर क्या वो हमारी फीलिंग्स तो मैच हो रही है ना हम लोग के पीछे प्यार तो है ना मैं भी टेन वो भी टेन लेकिन फीलिंग मैच होने से नहीं होता इधर इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है ऐसे सोचो ओके okay? मतलब इधर ब्लॉक कैसे बनता है रेट्स रेट्स फीलिंग्स भी सेम मतलब और क्लास भी सेम होना चाहिए लेकिन बिल्डिंग और फर्नीचर तो दोनों अलग क्या क्लास मतलब क्या एक दो तीन चार चार कैटेगरी है तो चार कैटेगरी को मर्ज नहीं कर सकते कभी भी हाँ विद इन द कैटेगरी ब्लॉक बनता है जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी में मेरे पास एरोप्लेन है तीन और चार बुक्स है तो एरोप्लेन और बुक्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है लेकिन दोनों का रेट सेम है और दोनों क्लास भी सेम है तो उसका ब्लॉक बन जाता है तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं रेट भी सेम क्लास मतलब कैटेगरी भी सेम होने चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन का रेट क्या है 15 परसेंट देखो जनरल रेट में आता है ना फैक्ट्री मशीन्स का रेट क्या है 15 परसेंट गाड़ी का रेट क्या है 15 परसेंट ये जितने भी 15 परसेंट वाले सब ब्लॉक बन सकते हैं और सब प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वाले ही है एयर कंडीशन भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है फैक्ट्री मशीन्स भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है मोटरकार भी प्लांट एंड मशीनरी रेट भी सेम होना चाहिए क्लास भी सेम होना चाहिए तब जाके ब्लॉक बनता है ओके फिर ब्लॉक बनाने के बाद क्या करना है उसको पूरा ग्रुप बना के उस पर एक साथ कंबाइंड डेप्रिशिएशन निकालना पड़ता है ओके okay. तो ये सिस्टम था इन शॉर्ट ये सिस्टम मत फॉलो करो ये सिस्टम फॉलो करो फिर अगली थियर है देखो पांचवी चीज़ थी हाँ पहले मैंने क्लास ऑफ एसेट्स पढ़ाया था चार कैटेगरी फिर कंडीशंस पढ़ाई मैंने फिर मेथड्स पढ़ा दिया रेट्स पढ़ा दिया फिर बाद में सिस्टम पढ़ाया मैंने अब मैं पढ़ा रहा हूँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेन तो ये है ना कि अपने सम सॉल्व करते टाइम डेप्रीशियेशन के अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया ये देखो पहले बताओ डेप्रेशन का अमाउंट अपने एक एक एसेट का एसेट वाइज निकाल दिया गया ब्लॉक वाइज ब्लॉक वाइज तो ये देखो मैंने एक ब्लॉक का डिटेल दिया तुमको मान लो एक ब्लॉक है उसमें पांच मशीन्स है मशीनरी अज्यूम कर लो मशीनरी पांच मशीन्स है लेकिन उसमें दिख रहा है ये देखो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ये देखो उसमें ये तीन है ना पुरानी मशीन से और रेड वाली जो मशीन है वो नई मशीन है ओके और इन तीन पुरानी मशीन में से एक मशीन को मैंने बेच भी दिया और ये जो दो नई मशीन है ना मैंने खरीदी ड्यूरिंग दर ये एक मशीन को खरीदे हुए वन हंड्रेड डेज ही हुए खाली और उसका कॉस्ट टू लैक्स है और दूसरी मशीन को खरीदे हुए तीन सौ दिन हो गए और उसका कॉस्ट चार लाख है डेटा देख लो बराबर पांच मशीन्स का ब्लॉक है तीन तो पहले से थी उसमें से एक बेच भी दी, दो और नई मशीन खरीदी उसमें एक सौ दिन के लिए पुट टू यूज़ किया है दूसरा थ्री हंड्रेड डेज के लिए पुट टू यूज़ किया है अब बताओ इसको तुम लोग ऐसा करोगे पांच अलग एसेट है पांचों का हिसाब अलग लगाओ मत करना सिर्फ भले पांच एसेट है एक बार ब्लॉक बन गया ना उसको ऐसे समझना चाहिए एक ही चीज है इसका एक सिंगल कैलकुलेशन होगा आज जगह ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम नहीं होता ना तो पांच चीज का मैं पांच अलग अलग वर्किंग करता लेकिन ब्लॉक है ना तो पांचों का एक कॉमन वर्किंग होगा और पता कैसे वर्किंग होगा ये देखो इसका एक फॉर्मेट है सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यू डी लिख दो किसका जो पुरानी पुरानी मशीन है वो तो मान लो ओपनिंग डब्ल्यू डी सात लाख है और ये तीन क्या लिखा है ना तीन तीन इज़ द नंबर ऑफ मशीन्स मेरे पास स्टार्टिंग में तीन मशीन थी ना ब्लॉक में तो जो तीन मशीन तीन नंबर है और उसका वैल्यू क्या है सेवन लैक्स फिर ड्यूरिंग द ईयर मैंने दो रेड वाली मशीन परचेज की है एक की कॉस्ट क्या है दो लाख दूसरे की कॉस्ट क्या है चार लाख और दो लाख और चार लाख कितना हो गया छः लाख तो देखो मैंने छः लाख सही लिखा है कि नहीं सी माना कि वो अलग ही मशीन है लेकिन एक बार ब्लॉक बनता है ना तो हम साथ साथ है ओके okay, साथ ही रहेंगे तो वो तीन पुरानी मशीन में नई मशीन को भी घुसेड़ दो और उसमें कोई बोले नहीं एक वन एटी डेज से कम है दूसरा वन एटी डेज से अरे होने दो ना एक बार पूरा सब इकट्ठा कर लो तो ओपनिंग डब्ल्यू डी में पुराने एसेट्स आ गए परचेज में नए एसेट आ गए चाहे वन एटी डेज से कम हो के ज़्यादा हो सब एक साथ जमा कर लो और ये मैंने इधर दो क्या लिखा है दो दो इज द नंबर ऑफ मशीन दो मशीन मैंने खरीदी है ना फिर कमॉन हिम्मत रहो कम फिर उसके बाद टोटल क्या हो गया तेरह लाख एंड फिर मैंने एक मशीन को बेचा भी था देख तो जो मशीन को बेचा ना उसका सेलिंग प्राइस माइनस करना है ये देखो मैंने सेलिंग प्राइस को डबल अंडरलाइन किया ना क्योंकि इन लोग क्या लल्लू बनाने के लिए क्या बोलते हैं जिस मशीन को बेचा उसका डब्ल्यू ये था उसका ओरिजिनल कॉस्ट ये था ये सब फालतू डेटा देंगे लेकिन अपने को स्ट्रिक्टली सेलिंग प्राइस लेस करना है क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस माइनस करके फाइंड करना है कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है ब्लॉक पे सी मैं डिडक्शंस पढ़ा रहा हूँ और डिडक्शन का ताल्लुक एक्सपेंस के साथ है और एक्सपेंस अगर मुझे मेजर करना है तो आई वॉन्ट टू सी कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है जा रहा है मतलब ख़रीदने में कितना जा रहा है और बेचेंगे तो कितना आ रहा है तो अगर कुछ बेचा है ना तो अपने को देखना कितना पैसा मिला वो तो कितने का मशीन गया भाड़ में बेच के मिला कितना तो जो पैसा मिला उससे मेरी कॉस्ट कम होगी ना और कॉस्ट कम हुई तो मेरा एक्सपेंडिचर कम ओके इन शॉर्ट सेल में ना प्योर सेलिंग प्राइस का इफेक्ट देना और कुछ अमाउंट इन लोग देंगे ध्यान मत देना और अज्यूम करो एक लाख उसकी सेलिंग प्राइस है तो एक लाख सेलिंग प्राइस है तो मतलब अपना जो ब्लॉक तेरह लाख का था एक लाख वापस आ गए ना बेच के तो अपने को बारह लाख एक्सपेंडिचर समझना चाहिए लेकिन सी ये तो एक्सपेंडिचर पूरे मशीन का है ना इसका डेप्रेशन निकालना पड़ेगा और डेप्रेशन निकालते टाइम क्या करेंगे इस ब्लॉक में कोई लेस देन 180 डेज वाला घुस के बैठा है ना तो उसको कोने में लेके चमाट मारना पड़ेगा किस बात की चमाट लेस देन 180 डेज वाले आधे साल का मिलेगा लेकिन उसको किसको कोने में लेंगे ये देखो मेरे एग्जाम्पल में किसको कोने में लेंगे ये हंड्रेड डेज वाला जो मशीन था ना इसका अमाउंट क्या था टू लैक्स तो मैं इसको इसमें से अलग कर दूंगा टू लैक्स को सी 300 दिन पे नजर मत डाल सी 300 दिन तो 180 एटी डेज और मोर है और 180 एटी डेज और मोर का तो फुल है ना और फुल ईयर का डेप्रिशन तो पूरे ब्लॉक पे ही है अनोखा कौन है लेस देन वन डेज तो उसको स्प्लिट कर दो मतलब ये वाले को ये लेस देन वन डेज है तो इसको मैं कोने में लूंगा तो कोने में आ इधर और इसको चमाट मारूंगा चमाट मतलब आधा ही डेप्रिसिएशन दूंगा इदो इदो ये दो मैंने इधर वर्किंग करके रखी है यार बारह लाख में से दो लाख ,00 को अलग कर दिया मैं दिख रहा है दो लाख ,00 और दो लाख ,00 पे डेप्रेशियन कितना ले रहा हूं मैं फिफ्टीन परसेंट क्योंकि मैं कब से मशीन मशीन बोल के सिखा रहा हूं ना और सिर्फ मशीनरी क्वेश्चन में दिया हो तो फिफ्टीन ही होता है और फिर हाफ मतलब हाफ ईयर का डिप्रेशियशन हाफ ईयर हो गया ना एंड फिर ये टेन लैक्स को सर्कल किया मतलब बैलेंस बैलेंसी फिगर है अपना आंसर बारह लाख आया था उसमें दो लाख को हटा के बैलेंस से फिगर दस लाख उस उसमें फुल फिफ्टीन परसेंट एप्रेशन आएगा इन शोडे फॉर्मेट दिमाग में बिठा लो पहले ओपनिंग डब्ल्यू डी में पुराने एसेट्स फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेस किया वो ऐड कर दो और परचेस है ना बेहतर होगा कि दो पार्ट में दिखाओ वन एटी डेज और मोर वाला अलग दिखाओ लेस देन वन एट डेज वाला अलग दिखाओ परचेस में डालना सब है लेकिन प्रेजेंटेशन में अलग अलग दिखाओगे तो अपने लिए ईजी रहेगा फिर बाद में लेस सेल्स सेल्स में सेलिंग प्राइस माइनस करना है फिर जो भी आंसर आया ना उसमें से तो उसको कोने में लेके चमाट मार दो किसको लेस देन वन एटी डेज वाले को अलग कर देना उस पर हाफ ईयर और बचे हुए अमाउंट पे ईयर ओके okay? तो ये है फिर देखो मेरा आंसर क्या आया था पंद्रह हजार प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड टोटल कितना आ गया वन लाख सिक्सटी फाइव वो इधर माइनस होता है अरे मेहनत से निकाले हुए आंसर का करना क्या है इसका डिडक्शन मिलेगा अंडर विच सेक्शन सेक्शन थर्टी टू पढ़ा रहा हूँ मालूम है कि नहीं मैंने थर्टी पढ़ाया था फिर थर्टी वन फिर थर्टी टू चल रहा है तो सेक्शन थर्टी टू में वन लैख सिक्सटी फाइव थाउंस का डिडक्शन मिलेगा ओके तो ये अमाउंट और डिप्रेशन की थियरी थी फिर लुक क्लियर मैं लाइन से जा रहा हूँ ना ये देखो ये अपने क्लास ऑफ एसेट्स पढ़े फिर कंडीशन फिर मेथड डब्लू डी भी होता है फिर रेट्स सिस्टम में ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम होना चाहिए सेम रेट वाले सेम क्लास वाले इकट्ठे कर दो फिर उसका इकट्ठा वर्किंग करके अमाउंट और डेप्रेशन निकालना है वो मैंने सिखाया ओके okay? अगली थियरी क्या है सेल ऑफ एसेट्स सेल ऑफ एसेट पे थियरी है asset, ये देखो सेल ऑफ एसेट मतलब ये देखना लो केयर ये देखो अभी भी मैंने तुमको वर्किंग बताया ना ये ओपनिंग डब्ल्यू डी वी एड परचेज लेस सेल्स एंड फिर हम लोग डेप्रेशन निकाले अब है ना इसमें जो लेस सेल्स होता है ना इसकी एक थियरी है अब बताओ हम लोग कभी भी कोई एसेट को बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालते ना अकाउंट्स में प्रॉफ़िट हुआ तो पी एन एल क्रेडिट साइड लॉस हुआ तो पी एन एल डेबिट साइड लेकिन ये परंपरा है कि जब कभी भी एसेट बेचा तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालो लेकिन सी इनकम टैक्स में थोड़ा अलग है ब्लॉक बन जाता है ना अब ब्लॉक बन जाता है ना तो उसमें अगर 100 एसेट्स भी होंगे ना तो उसको हम लोग पूरा एक ही चीज़ मानते हैं तो अगर ब्लॉक में से अगर कोई एक दो एसेट बिका ना तो उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने मत बैठो कि ब्लॉक में मान ले सौ एसेट्स है मेरे पास हो सकता है ना क्योंकि सौ एसेट्स का रेट सेम है क्लास सेम है तो अगर एक सौ एसेट्स का एक ब्लॉक है तो ये भूल जाओ कि सौ चीज़ है ऐसे मान लो एक ही चीज़ है अब वो ब्लॉक में से तीन चार एसेट बिक भी, भी गए ना तो अपने को प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करने नहीं बैठना चाहिए क्योंकि तीन चार एसेट चले भी गए तो क्या हो गया ब्लॉक तो पहले भी था अभी भी है और जो चीज पहले भी थी अभी भी है तो उसको सेल जैसा गिनो ही मत और उस पर प्रॉफिट और लॉस मत निकालना और इनकम टैक्स में प्रॉफिट और लॉस मतलब कैपिटल गेन्स अकाउंट्स में तो क्या होते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बट इनकम टैक्स में क्या होता है कैपिटल गेन्स होता है वो चीज़ ओके लेकिन इतने बड़े ब्लॉक में से दो चार एसेट गए ना तो उस बेचने को बेचना ही मत गिनो क्योंकि दो चार एसेट चले भी गए तो क्या हो गया ब्लॉक पहले भी था अभी भी है और जो चीज पहले भी थी अभी भी है उसको सेल ही मत गिनो और उस पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा हाँ अगर ब्लॉक में सौ एसेट्स है सब बिक गए सबके सब बिक सब गए तब तो ऐसा बोलना चाहो हाय राम एक ब्लॉक हुआ करता था पूरा बिक गया मतलब ब्लॉक खत्म तब कैपिटल गेन निकालते तो सही अकाउंट्स में क्या किया है बताओ तुम लोग ने बचपन से हर एसेट की सेल पे प्रॉफिट लॉस चालू हो जाता है एसेट बेचा नहीं कि अपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन चालू कर देते लेकिन वो अकाउंट है इनकम टैक्स में क्या ब्लॉक्स बनाते हैं ना और एक बार ब्लॉक बनता है ना तो ब्लॉक में अगर दो चार पांच एसेट बिके ना तो उस बेचने को बेचना ही मत गिनो इट्स मेयर रिकवरी ऑफ कॉस्ट मियर रिकवरी मतलब ये देखो जिस ब्लॉक पे जैसे ये वाले एग्जाम्पल में तेरह लाख डाला था उसमें से एक लाख वसूल हो गया जैसे इधर भी देखो पांच एसेट्स का ब्लॉक था ना एक को ही बेचा है तो एक को बेचा मतलब उसको बेचना ही नहीं गिनते ठीक है ना एक को बेच के पैसा आया तो अपनी कॉस्ट रिकवर हो गए लेकिन उसको सेल जैसा नहीं ट्रीट करेंगे नहीं तो क्या सेल का हुआ मचा देवे तो कैपिटल गेन भी निकालना पड़ता है ना मत मत निकालना इधर लेकिन ओके गे? तो इन शॉर्ट सिर्फ ब्लॉक में ना एकाद एसेट के बेचने को बेचना मत गिनो उसमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन मत करना तो टेल मी अगर सब कुछ बिक गया तो सब बिक गया तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा मतलब ये देखो एक्चुअली है ना ब्लॉक ऑफ एसेट में टोटल है ना चार पॉसिबिलिटी बनती है लुक हियर एक से ना ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ना या तो सब एसेट्स बिक जाएंगे या फिर कुछ कुछ एसेट बिकेंगे फिर एंड में पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है नेगेटिव भी मतलब ये देखो पॉजिटिव मतलब ये देखो ये, 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 ये आंसर क्या है बारह लाख पॉजिटिव है ना तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आंसर लेकिन ये आंसर अगर माइनस में आ गया तो नेगेटिव आंसर बोलते हैं और ये क्या है ऑल सोल्ड मतलब ब्लॉक में जितने सब बेच दिए सम सोल्ड मतलब कुछ कुछ ही बेचा और ये चारों केस को हैंडल करने आ गया मतलब अपने को आता है बराबर से ओके okay? तो सी एक एक करके बताऊंगा पहले मैं ऑल सोल्ड बताऊंगा फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव फिर सम सोल्ड बताऊंगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये देखो ऑल सोल्ड में क्या होता है ये देखो ऑल सोल्ड ये देखे ना ऑल सोल्ड फील हुआ की ना ऑल सोल्ड तो देखो ऑल सोल्ड लग रहा है इधर देखो तीन मशीन थी दो खरीदी पांच हो गई और ये देख ब्लैक कलर में क्या लिखा है पांचों बेच दी पांचों बेच दी मतलब सब कुछ बेच दिया और सब बेच दिया तो ये दे, देखो ये नंबर दे, कॉलम है नंबर कॉलम नंबर कॉलम में क्या हो गया जीरो तो जीरो को देख के क्या बोलना चाहिए ओ जीरो तो नो एसेट्स नो डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन मत निकाल लेना कितने लोग तो क्या करते नहीं भाई ये तो डेप्रेशिएशन का फॉर्मेट है तो डेप्रेशन तो निकालेंगे ना अरे डेप्रेशियन किस बात का जब ब्लॉक के सारे एसेट्स ही बिक चुके तो नो एसेट्स नो डेप्रिशिएशन फिर ऐसे में तो अपने को कैपिटल गेन का माहौल बनाना चाहिए क्या बोल के एक ब्लॉक हुआ करता था अब वो चल बसा पूरा ब्लॉक ही बिक गया तो उस पर कैपिटल गेन निकालेंगे और निकालना कुछ नहीं है ये निकला हुआ ही है देखो ये तीन लाख को मैं लॉस बोलूंगा लॉस क्यों बोलूंगा मैं ये देखो तेरह लाख ब्लॉक की वैल्यू थी और बेच के दस लाख ही मिला पैसे कमती मिले मतलब नुकसान हो गया घाटा हो गया तो तीन लाख को बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है कि ब्लॉक में क्या इतने सारे एसेट का खिचड़ी हो जाता है ना कुछ दस साल पुराना होता है कोई दो चार महीने पुराना होता है तो उसको हमेशा शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करते हैं लेकिन सी तुम लोग बोलोगे नहीं हम लोग कैपिटल अगेंस्ट से पढ़ते हैं ना के तीन साल से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म होता है लेकिन वो किसके लिए होता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए ये सब एसेट्स पर डेप्रिशिएशन आता है ना से जिन एसेट्स पर डेप्रिशिएशन आता है ना उसका ब्लॉक बन जाता है और ब्लॉक बनता है ना तो इतने सारे एसेट का खिचड़ी हो जाता है तो शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करते हैं लेकिन डेप्रिशिएशन वाले एसेट्स का जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर पे गोल्ड पड़ा है अब गोल्ड थोड़ी बिजनेस का एसेट है उस पर थोड़ी डेप्रिशिएशन आता है तो उसमें गिनो अगर गोल्ड तीन साल तक है तो शॉर्ट टर्म तीन साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म मेरे पास शेयर्स पड़े शेयर्स में वन ईयर होता है वन ईयर तक गोल्ड किया तो शॉर्ट टर्म वन ईयर के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म मतलब वो शॉर्ट लॉन्ग गिनती करके करते ना वो किस में करते नॉन डेप्रिशियबल एसेट्स एक रूल ही बना दो डेप्रिशियबल एसेट्स की दुनिया ऐसी होती है हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है ओके okay. लेकिन नॉन डेप्रिशियेबल होता है उसमें गिनो अगर विद इन थ्री ईयर्स बेच दिया तो शॉर्ट टर्म और थ्री ईयर्स से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म कभी कभी वन ईयर भी होता है कैपिटल गेंस से मालूम है और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना कैपिटल गेंस में तो टू ईयर्स होता है लेकिन वो गिन के डिसाइड करना ये नॉन डेप्रिशियेबल एसेट में होता है ओके okay? तो एनी इधर तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करना चाहिए और ये लॉस है लेकिन टेल मी ये तो पॉजिटिव आंसर आया था लास्ट में देखना तीन लाख पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव आंसर आया तो ये दो नेगेटिव आ गया माइनस वन लैक है ना नेगेटिव तो उसी सब कुछ सेम है नंबर कॉलम में जीरो है तो नो एसेट नोड एप्रिसिएशन और इसको अभी शॉर्ट टर्म गेन बोलूंगा क्यों क्योंकि तेरह लाख ब्लॉक की वैल्यू थी और बेच के चौदह लाख मिला वाह ज़्यादा पैसे मिले मतलब फायदा हो गया तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे और ऑलवेज शॉर्ट टर्म ओके तो ये ऑल सोल्ड हो गया फिर अब देखो सम सोल्ड ये देख रहे हैं मैंने सब कुछ बेचा है कि ये चार ही बेचा है अरे पांच मशीन का ब्लॉक है ना लेकिन चार ही बेचा है तो इसको ऑल सोल्ड बोलेंगे सम सोल्ड सम सोल्ड तो ये देखो अपने पास तीन मशीन थी दो खरीदी थी पांच हो गई थी लेकिन उसमें से चार ही बेचा है मतलब अभी भी एक मशीन बची है तो अगर एक मशीन बची होती है ना तो अपने बोलेंगे यस एस एस एक एसेट को देख के एक्साइड हो जाता हूं मैं और एक्साइड होके क्या बोलेंगे यस एसेट यस डेप्रिशिएशन तुम लोग को पता है नंबर कॉलम बनाना बहुत जरूरी है कि नंबर में लास्ट में जीरो दिखा तो क्या बोलते हैं नो एसेट नो डेप्रिशिएशन फिर कैपिटल गेन कैपिटल लॉस आएगा लेकिन नंबर कॉलम में एक एसेट भी दिखा ना एक दो तीन चार कुछ एसेट्स पड़े हैं ना तो यस एसेट यस डेप्रिशिएशन एंड फिर डेप्रिशन कैसे निकालेंगे ये तीन लाख का सर्टन परसेंटेज तीन लाख का सर्टन परसेंटेज वो तो डेप्रेशन के रेट पे डिपेंड करता है और तीन लाख में अगर कोई लेस देन वन एटी डेज वाला घुसा हुआ है ना तो उसको स्प्लिट करके उसका आधा बैलेंस का फुल ईयर बट इस पर डेप्रिसिएशन आएगा एंड कोई पूछे कैपिटल गेन का क्या कैपिटल गेन नहीं आएगा जो ब्लॉक तो पहले भी था अभी भी है ठीक है पहले ब्लॉक में पांच लोग थे अभी चार लोग थे लेकिन पांच चार से सॉरी अभी एक है पहले ब्लॉक में पांच एसेट थे अभी एक ही बचा है लेकिन है ना ब्लॉक और जो ब्लॉक पहले भी था अभी भी है उसमें कैपिटल गेन नहीं आता है अब देखो ये तो पॉजिटिव आंसर था ना नेगेटिव आ गया देखो ये लास्ट में नेगेटिव आंसर आया इससे बोलते नेगेटिव बैलेंस तो इसमें क्या करेंगे पहले तो एक एसेट को देख के मन में एक्साइटमेंट होती है एक एसेट है मेरे पास यस एसेट यस डेप्रीशिएशन लेकिन देखो क्या लिखा है मैंने यस एसेट बट नो डेप्रिशिएशन क्योंकि डेप्रेशन तो बहाना है एसेट की कॉस्ट को घटाना है लेकिन जरा देखिए गौर से एसेट की कॉस्ट तेरह लाख थी और अपने को चौदह लाख मिल गया मतलब एसेट की सारी कॉस्ट ही रिकवर हो गई और जब कॉस्ट ही रिकवर हो गई तो डेप्रेशन किस बात का कोई बोलेगा नहीं एक एसेट पड़ा है ना अरे एसेट के होने से थोड़ी होता है मैंने क्या डायलॉग मारा था डेप्रेशन तो बहाना है एसेट की कॉस्ट को घटाना है कॉस्ट होती है ना तो उसका डेप्रेशिएशन आता है लेकिन इधर मेरी जो कॉस्ट थी ना तेरह लाख उसके सामने तो बेच के चौदह लाख मिल गया भले मैंने सब एसेट को नहीं पाँच में से चार को ही बेचा लेकिन जो भी है तेरह लाख की तो कॉस्ट पूरी रिकवर हो गई उल्टे का एक लाख ज़्यादा मिला है एक लाख ज्यादा मिला ठीक है लेकिन कॉस्ट तो रिकवर हो गया ना तो न रही कॉस्ट न रहा डेप्रीसिएशन तो इधर क्या बोलना चाहिए यस एसेट बट नो डेप्रिशिएशन और मैंने क्या बोला अपनी कॉस्ट रिकवर हो गई ना उल्टे का एक्स्ट्रा रिकवरी हुआ है एक लाख से एक्सेस रिकवरी और ये एक्सेस रिकवरी को बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अरे मतलब कभी कभी ब्लॉक में ना एक दो एसेट ही बेचा होता है लेकिन एक दो एसेट बेच के इतना ज्यादा पैसा आ गया ना अरे एक दो एसेट ही बेचा है लेकिन एक दो एसेट बेच के इतना पैसा आ गया कि अपने कॉस्ट तो रिकवर हो गई और एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो एक्स्ट्रा रिकवरी शॉर्ट टर्म गेन होता है अरे हम कर क्या रहे मालूम है ये जो सेल होता है ना इसमें वेराइटीज पढ़ रहे हैं एग्जाम में कोई भी वेराइटी आ सकती है ना तो बताओ ब्रॉडली क्या क्या वेराइटी है या तो सब कुछ बेच दिया होगा और सब कुछ बेच दिया तो नो एसेट नो डेप्रिसिएशन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आएगा और डेप्रेशियन का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि सब कुछ बेच दिया लेकिन सम एसेट सोल्ड हुआ तो मन में क्या होता है सब ने कुछ कुछ ही बेचा है, तो यस एसेट यस डेप्रेशिएशन तो ऐसे यस यस करके डेप्रेशन निकाल लो लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आ गया ना ये कौन सा आंसर है मालूम अंत में जो आंसर है ना वो वो आंसर अगर नेगेटिव में आ गया तो एसेट्स होते हुए भी डेप्रेशियन नहीं आएगा इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल अगेंस इन शॉर्ट ये चारों केस में से कोई भी एग्जाम में केस आ गया ना अपना बुद्धि चलाना पड़ेगा लेकिन बुद्धि कब चलेगी जब तुम लोग ये नंबर कॉलम बनाओगे तो नंबर से डिसीजन लेते हैं नंबर कॉलम में जीरो हो गया तो ऑल सोल्ड फिर नो एसेट नो डेप्रेशिएशन नंबर कॉलम में एक आध एसेट बचा है तो सम सोल्ड और सम सोल्ड में डेप्रिशिएशन आता है ना और नेगेटिव आ गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस ओके तो इसका तो क्या है मैं रेगुलर लेक्चर में गाना गा के बताता हूँ और गाना बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे रेगुलर लेक्चर वाले भी रिविजन देख रहे हैं ना तो सी इसका गाना मैंने कुछ ऐसा बनाया था ऑल सोल्ड सम सोल्ड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सटक लॉस सटक जी डेप्रिशिएशन सटक जी अरे चार्ट को मैं ट्यून में गा रहा हूँ ऑल सोल्ड सम सोल्ड फिर क्या था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सटक लॉस सटक जी डेप्रिशिएशन सटक जी ओके ये ज्ञान अपने कब लड़ाना पड़ेगा क्वेश्चन में ये सेल ऑफ एसेट दिया होगा ओके फिर सुनो ये सातवीं पॉइंट थियरी थी डेप्रिशन की थियोरी दस पार्ट में डेप्रिशन की थियोरी दस पार्ट में ऐसा मत सोचो कि तुम लोग तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हो खुद को हिम्मत बढ़ा के ना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है तुम लोग ऐसे थोड़े थोड़े रहे में थक के ऐसे फीके पड़ जाओगे ना तो नहीं होगा सी ए की एग्जाम है यार सी ए में कोई ऐसे ही पास थोड़ी होता है आप देख इंटर का रिजल्ट देखो तो सौ जन बैठेंगे तो दस पंद्रह लोग मुश्किल से निकलेंगे मतलब बाकी सब उड़ गए हैं ना क्योंकि बाकी सब लोग का मीडियम कर एफर्ट डाल रहे हैं और अपने को इधर मीडियम एफर्ट नहीं डालना जोरदार एफर्ट मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स मतलब कोई सोच भी नहीं सके वैसी मेहनत करके दिखानी है तब जाके रिजल्ट आता है जितना कोई इमेजिन कर सकता है पढ़ने का उतना ही किया वो तो हर कोई करता है ना लेकिन हर कोई थोड़ी पास होता है मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन ऐसा पढ़ के दिखा दो मतलब कोई देखे ना मान जाओ क्या पढ़ाई किया मानना पड़ेगा वैसी जोरदार पढ़ाई करनी पड़ेगी हल्की पुल्की पढ़ाई में रिजल्ट आने लगा होता ना तो हर कोई पास हो जाता जैसे दसवीं बारहवीं में तो ऑलमोस्ट सब पास होते ही है ना लेकिन सीएमए नहीं होते क्योंकि इधर सादा पढ़ाई नहीं चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई चाहिए इसे कमो हिम्मत रखो मैं भी तो थक रहा हूं ना लेकिन लगातार बोले जा रहा हूं ओके okay? क्योंकि अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो तुमको लगेगा सर जब कर रहे हो तो हमको तो करना ही चाहिए सर की तो एग्जाम ही नहीं हम लोग की तो एग्जाम है कमऑन ऐसे मोटिवेट करो खुद को ये देखो डिप्रेशन की थियोरी दस पार्ट में पहले क्लास ऑफ एसेट्स पढ़ाया था फिर कंडीशन फिर रेट्स फिर मेथड था डब्ल्यू मेथड बोला ना फिर सिस्टम था ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम फॉलो करो फिर अमाउंट बताया था फॉर्मेट डेप्रिशियन का फॉर्मेट था ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एड पर लेस सेल्स फिर उसमें से लेस देन वन इंडेस वाले को करके हाफ ईयर करो वो फिर अभी सेल ऑफ एसेट की थियोरी चल रही थी कि अगर एसेट को बेचा है तो देखो सब बेचा है कि कुछ कुछ बेचा है वो सेल आठवीं थियोरी देखो इसके ऊपर है आठवीं थियोरी को बोलते एक्चुअल कॉस्ट बोले ये देखो ये डेप्रिशिएशन का फॉर्मेट है हा? इस फॉर्मेट में पहले तो हम लोग ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिखते हैं पुराने पुराने एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू एंड फिर ड्यूरिंग द ईयर जो परचेस करते वो अमाउंट आता है ना अब परचेस का अमाउंट क्या होना चाहिए उसके लिए सेक्शन है तो सी परचेस और ये परचेस का अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर तो अंत में जाके डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा ना तो ये परचेस की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए उसके लिए सेक्शन है फोर्टी थ्री वन ओके तो सी यर, कैसे कैलकुलेट करते पहले तो एसेट की कॉस्ट प्राइस ले लो ओके फिर अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस लगे इंसिडेंटल मतलब एसेट खरीदने से संबंधित जैसे एसेट खरीदने के लिए एक एजेंट को कमीशन देना पड़ा था उसने मुझे एसेट खरीदवाया खरीदने में हेल्प की तो उसको कमीशन देना पड़ा तो वो ऐड हो जाएगा फिर एसेट जिस ट्रक में आया मेरे पास तो ट्रक वालों का भाड़ा मतलब एसेट को खरीदने से संबंधित सारे खर्चे उसमें कैपिटलाइज होते हैं कैपिटलाइज मतलब ऐड टू द कॉस्ट इसको बोलते हैं इंसिडेंटल इंसिडेंटल मतलब कनेक्टेड टू द परचेस फिर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिल जावे एसेट खरीदने के लिए तो अपनी कॉस्ट कम हो जाती है ना तो लेस कर देना चाहिए और सी सब्सिडी नहीं तुम्हारा कोई दोस्त यार भी तुमको मदद कर देता है तुम्हारे कोई दोस्त ने बोल दिया यार एक करोड़ की मशीन कितनी महंगी है ना एक काम करो तो दस लाख मैं दे देता हूँ तो अच्छा है दोस्त ने अगर दस लाख दे दिया तो मेरी तो कॉस्ट कम होगी ना तो सी ऐसे कोई दोस्त वोस्त देते नहीं हैं लेकिन बाय चांस गवर्नमेंट के अलावा कोई और तुमको सपोर्ट कर रहा है अगर एसेट की खरीदी में कहीं से सपोर्ट मिला ना तो अपना कॉस्ट तो कम हो गया ना तो लेस करना चाहिए ये देखो कानून में कैसा लिखा है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट मेड बाय एनी अदर पर्सन मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई और भी तुझे मदद कर रहा है ना तो मदद मिली तो तेरा कॉस्ट कम हो गया तो लेस कर दो इन शॉर्ट ऐसा फॉर्मेट बना के फिर निकालना पड़ता है क्या इन लोग सब में ज़्यादा मगजमारी नहीं करते कुछ भी परचेस किया है तो डायरेक्टली परचेस प्राइस बता दो तो डाल दो लेकिन कभी कभी इन लोग सब में ना थोड़ा डिटेल्ड ज़्यादा देते हैं मतलब बोलते हैं खरीदा तो इतने में था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का ये खर्चा लग गया एक दलाल को दलाली देना पड़ा वो खर्चा लग गया ऐसे इंस्टॉलेशन का चार्जेस लग गया वो सब देंगे सब ऐड करते हो फिर सब्सिडी दी होगी तो लेस कर देना एंड फिर इस फॉर्मेट से जो आंसर आएगा ना वो इन बादलों में समा जाएगा फिर बादल बन जाएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट इसको गवर्नमेंट एक्चुअल क्यों बोलते हैं ना एक्चुअल मतलब तेरी जेब से एक्चुअली कितना गया बोल क्योंकि एक करोड़ की मशीन में अगर गवर्नमेंट ने को बीस लाख दे दी तो तेरी जेब से तो अस्सी लाख ही गया ना एक्चुअल मतलब एक्चुअली तेरे को कितने में पड़ा बोल बिल तो एक करोड़ का बना होगा लेकिन गवर्नमेंट अगर बीस लाख दे दी तो मेरे को तो एक्चुअली अस्सी लाख में पड़ा ना तो उस सेंस में गवर्नमेंट बोलती है एक्चुअल कॉस्ट तो इस तरह से परचेजेस का फिगर निकालना है फिर ये सब का अल्टीमेटली डेप्रीसीन निकालना है अपने को और डेप्रेशन का क्या करना है स्टेटमेंट के अंदर लेस करना है डिडक्शन की तरह ओके अब सुनो ये परचेस की थियोरी चल रही है परचेस की कभी कभी एसेट खरीदने के लिए हमने लोन लिया होता है कभी कभी एसेट खरीदने के लिए हमने लोन लिया होता है तो देखो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट है अगर मैंने लोन लिया था ये देखो ड्राइंग देखते जाओ और लोन लेके मशीनरी खरीदी थी अब लोन लिया है तो कभी ना कभी चुकाऊंगा अब लोन में टेंशन क्या होता है इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट अपने क्या है जब से लोन लिया तब से लेके इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया और कब तक बढ़ना पड़ेगा जब तक के रिपे नहीं होता है डू यू एग्री इंटरेस्ट कब तक लगता है लोन टेकन से लेके रिपेड तक ये दिख रहा है मैंने इधर बना के रखा है दिख रहा है ये ओके अब जितना भी मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली इंटरेस्ट तो साल टू साल का होता है ना लेकिन जो भी मेरा साल टू साल इंटरेस्ट का खर्चा होता है ना उसको बाइफेट करना पड़ता है कैसे जब तक मशीन को पुट टू यूज नहीं किया ना तब तक का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है कैपिटलाइज मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते यानी कि वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा और जुड़ा हुआ अमाउंट इधर आएगा देखो इधर इन बादलों में कौन सा इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड अप टू पुट टू यूज ओके और उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट करते क्योंकि सी इस पीरियड में मशीन को पुट टू यूज़ किया ही नहीं था ना और मशीन को जब पुट टू यूज़ ही नहीं किया तो मशीन ने अपना कमाल दिखाना चालू नहीं किया है सी कमाल दिखाना मतलब गुड्स का प्रोडक्शन होना सी मशीन को जब टू यूज करते हैं ना फिर बाद में रेवेन्यू जनरेट होना चालू होता है और रेवेन्यू जनरेट होगा तो ही तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे ना सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू वर्ड क्यों लगता है क्योंकि रेवेन्यू मतलब इनकम कमाना चालू होना और मशीन को पुट टू यूज करोगे बाद में ही तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना इसे बाद वाले को बोलते रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन इस पीरियड में तो मशीनरी सुस्त पड़ी थी और सुस्त पड़ी थी मतलब कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा था तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस मुँह से बोले इसलिए इसको कैपिटलाइज करना पड़ता है इसलिए कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया ना ये लोग किधर भी डालते ऐसा पॉइंट अचानक क्वेश्चन में दे देते कि हमने लोन से मशीन लिया था और एक डेट देंगे ऑन सो एंड सो डेट और पुट टू यूज का अलग डेट दे देंगे और कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लगा ना कि लोन टेकन और पुट टू यूज डेट में गैप है सी मेरे लिए लोन टेकन इम्पोर्टेंट क्योंकि इंटरेस्ट का मीटर कब चालू होता है लोन लेने से तो एक लोन टेकन की डेट और दूसरी पुट टू यूज की डेट इसमें अगर गैप दिखाना मतलब ध्यान आना चाहिए कि उस गैप का जो इंटरेस्ट है ना उस पीरियड में मशीनरी सुस्त पड़ी थी मतलब उसने अपना रेवेन्यू जनरेशन का कमाल दिखाया नहीं था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेड करेंगे द गैप बिटवीन लोन टेकन एंड पुट टू यूज डेट वो सब में ये दो डेट की चेक करना परचेज डेट मत देखना सिर्फ परचेज तो शायद ये डेट को किया हो मशीन का परचेज डेट परचेज से क्या करना है इंटरेस्ट तो लोन पे चढ़ता है ना तो एक लोन टेकन का डेट और पुट टू यूज का डेट इसके बीच में अगर क्वेश्चन में कभी भी गैप नजर आया ना तो वो इंटरेस्ट को मशीन की कॉस्ट में जोड़ दो हाँ और पुट टू यूज के बाद वाला है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये तो ट्रांसफर टू पी हो जाएगा ना मतलब वो डायरेक्टली स्टेटमेंट में माइनस कर दो और उसका तो एक सेक्शन भी है थर्टी सिक्स वन और थर्टी सिक्स वन आएगा तब देखेंगे अभी तुम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डायरेक्टली स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दो और अपना स्टेटमेंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली डायरेक्ट उधर इफेक्ट आ जाएगा लेकिन ये वाला एक्ट टू कॉस्ट ओके तो, तो यह ना एसेट परचेज से रिलेटेड कुछ थियोरी थी अब है ना नेक्स्ट थियरी एडिशनल एप्रीशियन अब है ना एडिशनल एप्रिशियन क्या होता है मैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए खास प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है बाकी एसेट नहीं प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स कौन से कौन से होते हैं बिल्डिंग फर्नीचर इंटेंजिबल ये जाने दो प्लांट एंड मशीनरी होता है ना उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही है प्लस एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट मिलता है प्लांट एंड मशीनरी के केस में नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट मिलता है ओके okay? और वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ तो ही करेगा तो देश आगे बढ़ेगा अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा ना तो अपने को बाहर से सब इंपोर्ट करना पड़ेगा और बाहर से इंपोर्ट करना मतलब गलत है अपने को हर चीज़ भारत में बनानी पड़ेगी हर चीज़ भारत में बनाओगे तो इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंट बनेगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत क्या आती है इतना सा प्रोडक्ट बनाने का जो मशीन है ना बहुत महंगा आता है और वो मशीन इतनी महंगी है ना तो मशीन की कॉस्ट सुन के ही लोगों की फट जाती है इससे लॉ ने बोला माना कि मशीन बहुत महंगी है लेकिन हम आपका साथ देंगे ना उस मशीन पे आपको नॉर्मल डिप्रिशिएशन के अलावा एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट देंगे और ज़्यादा डिप्रेशन मिलेगा तो आपका टैक्स कम हो जाएगा और टैक्स कम होगा तो आपके पैसे बचेंगे ना और हम आपका पैसा बचवाने का क्यों सोच रहे हैं क्योंकि तूने मशीन की इतनी बड़ी कॉस्ट का बर्डन बोल लिया है ना तो हम तेरा बर्डन दूर करने का सोच रहे हैं और इस तरह से गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है मतलब मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए और कोई मशीनरी खरीदता है तो उन लोगों के लिए नहीं इट इज़ ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो गवर्नमेंट चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन जो महंगी महंगी आती है ना वो महंगी मशीन एक अड़चन की तरह नहीं होना चाहिए महंगी हम समझते पैसों की चिंता ना करो पैसे हम नहीं देने वाले लेकिन तू मशीन खरीद उस पर तो डेप्रेशन ज़्यादा दे देंगे और डेप्रेशन ज्यादा मिला तो अपना टैक्स बच गया मतलब कहीं ना कहीं पैसों की बचत हो गई ना लेकिन सी कंडीशन क्या है देखो कंडीशन क्या है अपना मैन्युफैक्चरिंग धंधा होना चाहिए और एसेट बिल्डिंग नहीं होना चाहिए फर्नीचर नहीं होना चाहिए इंटेंजिबल नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए एंड मशीनरी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मशीनों से होता है बिल्डिंग से थोड़ी होता है फर्नीचर से थोड़ी होता है इंटेंजिबल थोड़ी होता है किससे होता है मशीन से इससे मैन्युफैक्चरिंग और प्लांट एंड मशीनरी पावर का धंधा हुआ तो भी चलेगा सी गवर्नमेंट है ना पावर सेक्टर को भी है ना मैन्युफैक्चरिंग वाले समझते हैं उन लोग भी एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी गवर्नमेंट के लिए एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग है इससे पावर बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो कोई भी होगा चलेगा लेकिन सी इसका वर्किंग कैसे करोगे ये देखो कभी भी क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी दिया है और मैन्युफैक्चरिंग दिया है तो अपना वर्किंग कुछ ऐसा होगा एक बार वर्किंग देख लो ना पहले तो अपने नॉर्मल वर्किंग करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू डी लिख देंगे एड परचेज लिख देंगे लेस सेल ये तो फॉर्मेट ही है डेप्रेशन का एंड फिर पहले ना एडिशनल डेप्रेशन का पहले नहीं सोचने का पहले चुपचाप फॉर्मेट बना के ना नॉर्मल डेप्रेशिएशन निकालो देखो मैंने कैसे किया है चुपचाप 16 लाख निकाल लिया फिर उस पर फिफ्टीन परसेंट नॉर्मल डेप्रेशियन निकाल दिया फिफ्टीन परसेंट क्यों क्योंकि मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ ना और प्लांट एंड मशीनरी मतलब कुछ नहीं बोला तो पंद्रह परसेंट ही लेंगे तो मैंने पंद्रह परसेंट डिप्रेशियन निकाल दिया अब सोलह लाख का पंद्रह परसेंट कितना होता है दो लाख चालीस फिर बाद में देखना चाहिए ओ ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सम है और प्लांट एंड मशीनरी है तो अपने जो ये नई मशीन परचेस की है ना उसके लिए एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट मिलेगा एडिशनल एप्रिशिएशन है ना खाली करंट ईयर में जो ताज़ी मशीन ली है उसी का मिलता है पुरानी मशीन के लिए नहीं मिलता इट इज़ ओनली फॉर फ्रेशली परचेज मशीन ड्यूरिंग द ईयर तो सी अपने ब्लॉक में तो बहुत कुछ होगा लेकिन करंट ईयर की जो ताज़ी ताज़ी मशीन है ना, उसी के लिए अपने को एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट एप्रिशिएशन मिलता है ओके सी नॉर्मल डेप्रिशिएशन नए मशीन्स पे मिला है कि सब पे नॉर्मल like नहीं नॉर्मल डेप्रिशिएशन तो सब पे मिला है लेकिन एडिशनल सब पे मिलता है कि खाली न्यू परचेजेस पे न्यू परचेजेस purchase. पे मिलता है ओके okay? एंड फिर देखो मेरा आंसर क्या आ गया पूरे 16 लाख का नॉर्मल डेप्रिशिएशन दो लाख चालीस और ताजी ताजी मशीन का एक्स्ट्रा डेप्रीसीशन 20 परसेंट सी एक तरह से देखने हैं तो 10 लाख के ऊपर डबल डेप्रिशिएशन आ गया ना ये दस लाख सोलह लाख में घुसा तो फिफ्टीन परसेंट आया फिर दस लाख का अलग से ये देखो दस लाख का अलग से ट्वेंटी परसेंट भी आया तो मतलब दस लाख के मशीन पे थर्टी फाइव परसेंट एप्रीसीशन ये जानबूझ के किया क्योंकि मशीन इतनी महंगी है ना तो गवर्नमेंट को तेरे पे दया आ रही है कितना ज़्यादा पैसा घुस गया ना तेरा लेकिन एक काम करते तेरा टैक्स बचा देंगे कैसे इस मशीन पे 15 परसेंट डेप्रेशियन भी मिल रहा है 20 परसेंट भी मिल रहा है देखने आए तो 35 फाइव परसेंट डेप्रेशियन मिल गया ये देखो इसमें आगे बढ़ने के पहले ये देखो अच्छा डिस्टिंक्शन ये देखो मस्ट डिस्टिंक्शन है डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल डेप्रिशिएशन एडिशनल डेप्रिशिएशन सी डिस्टिंक्शन पूछेंगे नहीं एग्जाम में लेकिन इससे अपना दिमाग क्लियर होगा देखो नॉर्मल डेप्रिशिएशन एडिशनल डेप्रेशियन क्या फर्क है नॉर्मल डेप्रेशियन हर धंधे में मिलता है कोचिंग क्लास का धंधा हो कपड़े का धंधा हो कोई भी धंधा हो लेकिन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग या पावर धंधे में ही मिलता है ओके okay? दूसरा फर्क नॉर्मल डेप्रिशिएशन इज फॉर ऑल एसेट्स बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह वगैरह सब ये खाली प्लांट एंड मशीनरी पे ही होता है ओके okay? फिर नॉर्मल डेप्रिशिएशन जूने पुराने सब एसेट्स में मिलता है पूरे ब्लॉक में मिलता है लेकिन ये करंट ईयर में जो नई ताज़ी ताज़ी मशीन ली है ना न्यू मशीन उसी पे मिलता है फिर नॉर्मल डेप्रिशिएशन हर साल मिलता है बार बार लगातार हर साल सालों साल मिलेगा लेकिन एडिशनल डेप्रेशिएशन फर्स्ट ईयर ही मिलता है जब नई नई मशीन आती है ना उस ईयर पहली बार फर्स्ट ईयर ही मिलेगा बस नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलता खाली फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा जबकि नॉर्मल डेप्रिशिएशन तो इस साल भी है नेक्स्ट ईयर हो तो ईयर टू ईयर चलता है ना लेकिन ईयर टू ईयर के फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फिर नॉर्मल डेप्रिशन में सबका अलग अलग रेट है एडिशनल तो फिक्सड ट्वेंटी परसेंट है अरे डिस्टिंक्शन से क्या माइंड पूरा क्लियर रहता क्या था बताओ नॉर्मल एडिशन नॉर्मल इज फॉर ऑल धंधा दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पावर धंधा नॉर्मल इज फॉर हर एसेट के लिए बिल्डिंग फर्नीचर सब ये प्लांटेन मशीनरी के लिए है फिर नॉर्मल डेपरेशन जूने पुराने पूरे ब्लॉक पे मिलता है पूरे ब्लॉक पे ये खाली करंट ईयर में नई ताज़ी ताज़ी मशीनों के लिए ही मिलता है ओके नॉर्मल डेपरेशन बार बार लगातार सालों साल मिलते रहता है एडिशनल डेपरेशन खाली फर्स्ट ईयर में मिलता है फर्स्ट ईयर जब नई नई मशीन ली ना उस ईयर में मिलता है हाँ नेक्स्ट ईयर चाहिए तो नेक्स्ट ईयर कोई और नई मशीन आनी चाहिए एक मशीन के लिए तो खाली एक ही बार पहले साल मिलेगा बार बार नहीं फिर नॉर्मल डेपरेशन में तो सबका अलग अलग रेट है कंप्यूटर है तो 40 परसेंट बुक्स है तो 40 परसेंट और सादा मोटर कार है तो 15 परसेंट जो भी रेट्स है लेकिन इसका तो फिक्स 20 परसेंट ही है और नॉर्मल डिप्रेशन में क्या होता है अगर लेस देन वन डेज होता है तो आधा साल मिलता है ना एडिशनल डिप्रेशन में भी वही है कि अगर लेस देन वन डेज हुआ ना तो आधा ही मिलेगा लेकिन बैलेंस आधा नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं ऐसा इधर नहीं था सी नॉर्मल डिप्रेशन तो वैसे ईयर टू ईयर मिल रहा है ना तो अगर फर्स्ट ईयर में हाफ़ मिला तो हाफ़ का काम नेक्स्ट ईयर नया बात करेंगे लेकिन एडिशनल डिप्रेशन तो खाली फर्स्ट ईयर में मिलता है उसमें भी अगर लेस देन वन एटी डेज हो गया तो आधा हो गया ना तो बैलेंस आधा नेक्स्ट ईयर ले लो क्योंकि ये ईयर टू ईयर मिलने वाली चीज़ नहीं है ना एक ही बार मिल रही है और उसमें भी बेचारे का लेस देन वन एटी डेज़ के कारण आधा हो गया तो बैलेंस आधा नेक्स्ट ईयर मिलता है और ये डिस्टिंक्शन जोरदार था ये डिस्टिंक्शन माइंड में बिठा दो के okay? लास्ट डिस्टिंक्शन क्या था नॉर्मल डिप्रेशन लेस देन वन एट डेज से तो हाफ मिलता है वो तो इधर भी है लेकिन इधर बैलेंस हाफ हम लोग नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं okay? ओके जैसे मान लो ये दस लाख की मशीनरी चार अक्टूबर के बाद पुट टू यूज़ की होती पता है मैंने शॉर्टकट बताया था फोर्थ अक्टूबर के बाद लेस देन वन एट डेज हो जाता है तो अगर ये दस लाख की मशीनरी चार अक्टूबर के बाद की है तो अपने को ये दो लाख पूरा नहीं फिर आधा ही मिलता अरे आधा कर दो ना कितना हो गया एक लाख तो एक लाख इस साल मिलेगा एक लाख नेक्स्ट ईयर मिलेगा ओके टेल मी ये वाले एग्जांपल में नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डब्ल्यू डीवी क्या आएगी सोलह लाख मेरा ब्लॉक का आंसर था उसमें से नॉर्मल डेप्रिशिएशन भी माइनस होगा एडिशनल भी माइनस होगा अरे अपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करते हैं ना तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यू के लिए 16 लाख में से दो लाख चालीस भी माइनस करो दो लाख भी माइनस करो ये दोनों ही माइनस हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का डब्ल्यू डी भी छोटा हो जाएगा फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डब्ल्यू डी भी एड पर चे लेस सेल वो सिलसिला तो हर साल जारी रहता है फिर देखो इसमें एक और पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी में भी है ना चार आइटम ऐसी है ना उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ओके कौन सी चार चीज़ें देखो शिप्स एयरक्राफ्ट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या लिखा है सेफ्स एयरक्राफ्ट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल इस पे एडिशनल पहले डू यू एग्री प्लांट एंड मशीनरी में आता है अरे प्लांट एंड मशीनरी का परिवार बहुत बड़ा है बिल्डिंग फर्नीचर इंटेनजी सब प्लांट एंड मशीनरी है लेकिन उसमें कुछ कुछ लोगों के लिए एडिशनल ऑपरेशन नहीं मिलता है तो शिप शहर करा रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया क्यों नहीं मिलता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आता ना गवर्नमेंट ने एडिशनल एप्लीसन क्यों खोला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए तो जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है उसकी मदद लेंगे ना शिप तो पानी में चलती है एयर का हवे में उड़ता है रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल रोड में और मैन्युफैक्चरिंग तो फैक्ट्री में होती है तो फैक्ट्री एसेट्स का मिलता है तो टेल मी अगर ये क्वेश्चन में ये मोटर कार का ब्लॉक होता मोटर कार का तो मोटर कार इज अ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो अगर ये कार का ब्लॉक होता ना तो मैं ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेता हाँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना और बाय द वे मोटर कार का 15 परसेंट ही है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेके बंद ओके तो किस पे नहीं मिलता शेप सैर करा रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेकिन सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब रोड पे चलने वाला अगर फैक्ट्री के कंपाउंड में एक ऐसा व्हीकल है जो गेट पे रॉ मटेरियल आता है वो मशीन तक लेके जाता है मतलब फैक्ट्री के कंपाउंड में घूमता है व्हीकल रोड पे फुल स्पीड पे चलने वाला नहीं है फैक्ट्री के अरे फैक्ट्री भी तो बहुत बड़ी होती है ना तो फैक्ट्री का गेट कहां पर और अंदर मशीन कोई दूसरी जगह काम कर रही है तो बहुत और एक ऐसा क्रेन जैसा होता है क्रेन उसको बोलते हैं फोक लिफ्ट क्या बोलते हैं फोक फोक मतलब कांटा होता है ना कांटा लिफ्ट तो क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया ना फोक लिफ्ट वेहीकल क्या बोलेंगे व्हीकल तो मतलब वो क्या क्रेन जैसी गाड़ी होती है वो फैक्ट्री के कंपाउंड में बिचारी घूमती रहती है उस पर मिलता है सी कानून में क्या बोला है ये पढ़ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलेगा मतलब जो गाड़ियां रोड्स पे चल रही है लेकिन फैक्ट्री के कंपाउंड में एक गाड़ी जैसा बना के रखा है वो क्रेन जैसा जो फैक्ट्री में बेचारी घूमती रहती है तो उसको एडिशनल एपिश मिलेगा तो क्वेश्चन में कभी ऐसा देवे ना स्पेशल व्हीकल जो फैक्ट्री कंपाउंड में घूमता है तो उस उसपे एडिशनल एपरेशन ले लेना ओके okay? लेना पड़ेगा नॉर्मल तो 15 परसेंट आएगा नॉर्मल तो किसी का कुछ नहीं तो 15 एडिशनल एपरेशन भी लेंगे लेकिन रोड पे चलने वाला व्हीकल व ट्रक हो गया बस हो गया गाड़ियां हो गई उस पर नहीं मिलता तो ये था एक शेब शहर का रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल फिर एनी प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस ऑफिस में कुछ इंस्टॉल किया ना तो भूल जा के तेरे को एडिशनल अप्रेशन मिलेगा क्योंकि ऑफिस में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रहा है सी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही है तो मैन्युफैक्चरिंग में काम आना चाहिए तो अगर ऑफिस वाली मशीन है तो उस पर नहीं मिलेगा जैसे कंप्यूटर एयर कंडीशन ऑफिस में है तो नहीं मिलेगा और वही कंप्यूटर एयर कंडीशन फैक्ट्री में तो मिलेगा फिर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे भी नहीं मिलेगा क्यों सेकेंड हैंड प्लांट हमें सस्ते में मिलती है ना और सस्ते में मिलेगा तो तेरा कॉस्ट का बर्डन ही नहीं है तो हम तेरा टैक्स क्यों बचावे तो अगर सेकेंड हैंड मशीनरी उस पर भी एडिशनल एप्रेशन नहीं मिलेगा फिर ऐसी मशीनरी जिसका फुल कॉस्ट डिडक्शन मिल जाता है कोई कोई मशीनरी तो क्या है पूरी कॉस्ट ही एक झटके में राइट ऑफ हो जाती है ना तो उसके लिए एडिशनल एप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो ये चार चीज़ दिमाग में बिठा लो इसके अलावा सबके ऊपर एडिशनल एप्रेशिएशन मिलेगा लेकिन शर्त यह कि तेरा मैन्युफैक्चरिंग या पावर बिजनेस होना चाहिए और हर साल ही फर्स्ट ईयर ही मिलता है वो भी लेस देन वन डेज हुआ तो हाफ मिलेगा बैलेंस हाफ इन नेक्स्ट ईयर ओके तो एडिशनल डिप्रेशन की थियोरी थी फिर लास्ट पॉइंट देख लो अदर पॉइंट्स इसमें एक ही पॉइंट है कि अगर हायर परचेज सिस्टम पे एसेट लिया ना तो उस पर भी डिप्रेशन मिलता है फर्क क्या है हायर परचेज पैसा हम लोग किस्तों में चुकाते हैं लेकिन किस्तों में चुका है उससे क्या होता है अगर मैंने एसेट खरीदा है ओनरशिप के बेसिस पे तो डेपरेशन तो मिलेगा ही लेकिन सी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो ना मशीनरी पाँच लाख का है और उस उसमें एक एक लाख करके हमने पाँच इंस्टॉलमेंट में चुकाया है और एक्चुअली हायर परचेज में तो क्या है जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाते ना अपने को ओनरशिप नहीं मिलता है लेकिन इनकम टैक्स वाले वो सब पे नहीं ध्यान देते हायर परचेज सिस्टम को हम लोग ये नॉर्मल परचेज ही मानते हैं और उसमें पांच लाख का मशीन है ना तो पूरा पांच लाख ब्लॉक में डाल दो डेप्रिशन आएगा और उसकी इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल पे ध्यान मत देना क्वेश्चन में लो भटकाएंगे लाख लाख का मशीन है उसको एक -एक करके चुकाना ये सब इग्नोर कर देना चुपचाप उसका जो फुल कॉस्ट है ना उसको ये ब्लॉक में शामिल करके डेप्रिसिएशन ले लेना ओके और उसमें जो इंटरेस्ट लगता है ना उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के स्टेटमेंट में डाल दो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अरे इंटरेस्ट वैसे भी पी अकाउंट में चार्ज करते हैं ना और इधर अपने लिए पी अकाउंट वाला स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस तो इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा और ये सब को इग्नोर कर दो और उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो ब्लॉक में आ जाएगा इन शॉर्ट हायर परचेज वाला एसेट हुआ ना तो उसका फुल प्राइस ब्लॉक में डाल के डेप्रिसिएशन ले लो ओके तो डेप्रिशिएशन में इतना सब याद रखना अपने को ये देखो मैंने तुमको डेप्रिशियन के टोटल दस पॉइंट पढ़ाए थे ये दस पॉइंट थे दस फिर डेप्रिशिएशन के बाद है ना ये देखो ये लाइन मत तोड़ना मैंने क्या बताया था चैप्टर चार पार्ट में कराने वाला हूँ अपने पार्ट वन ही चल रहा है अभी यही बड़ा पार्ट है फिर इसके बाद ये होने वाला है फिर उसके बाद ट्वेंटी एट फोर्टी वन होगा फिर फोर्टी फोर फोर्टी फोर होगा तो अपना थर्टी थर्टी वन थर्टी टू खत्म हो गया अगला सेक्शन क्या है सेक्शन थर्टी फाइव साइंटिफिक रिसर्च अब साइंटिफिक रिसर्च की थियोरी देखो कैसी है साइंटिफिक रिसर्च की थियोरी ऐसी है दो पार्ट में इन हाउस रिसर्च डोनेशन मीन्स इन हाउस मतलब मैं खुद ही रिसर्च कर रहा हूं अपने धंधे के लिए और डोनेशन मतलब मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूं कहीं रिसर्च हो रही है मैंने वहाँ पर दान दिया है ओके okay? तो सी अगर हम खुद रिसर्च करते हैं ना तो उसमें वापस दो बात है ड्यूरिंग बिफोर ड्यूरिंग का मतलब क्या है अपना धंधा चल रहा है साथ साथ रिसर्च हो, तो तो हो रही है तो इसको बोलते हैं रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे सिप्ला रेनबैक्स की जो दवाइयों की कंपनी है ना उनका धंधा तो चल रहा है अब धंधा चल रहा है साथ साथ रिसर्च भी हो रही है तो उसको बोलते हैं रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस तो बिफोर कमेंसमेंट क्या होता है बिफोर कमेंसमेंट मतलब क्या है धंधा तो अभी चालू किया है पहले तीन चार साल रिसर्च किया था अब रिसर्च मेरी सक्सेसफुली तब जाके धंधा चालू किया लेकिन धंधा अभी चालू हुआ रिसर्च पहले कर ली थी इसको बोलते रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस और ये दोनों की थियोरी थोड़ी अलग है तो सी पहले मैं ये पढ़ाऊंगा फिर ये पढ़ाऊंगा फिर ये पढ़ाऊंगा फिर, फिर थर्टी फाइव खत्म हो जाए ओके तो पहले रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब इधर क्या फील करना चाहिए अपना धंधा चल रहा है साथ में रिसर्च हो रही है तो इधर पता है रूल क्या है रिसर्च के सब खर्चे अलाउड रेवेन्यू खर्चे अलाउड कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड सब कुछ अलाउड फुल कॉस्ट पे मतलब रिसर्च के लिए बड़ी बड़ी मशीन भी लिए ना तो ऐसे नहीं कि मशीन को देख के डेप्रिसिएशन ही फुल कॉस्ट पूरा एक झटके में और पूरा एक झटके में माइनस होगा ना तो अपने स्टेटमेंट का आंसर एकदम छोटा आ जाएगा अपना टैक्स बचेगा तो बस गवर्नमेंट को अपना टैक्स बचवाना है और क्यों बचवाना है क्योंकि मैं रिसर्च करके देश का भला कर रहा हूँ सी गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करे कम ऑन सिप्ला रेनबैक्सी बड़ी बड़ी कंपनियों तुम तो तुम्हें रिसर्च करो रिसर्च में तुम्हारा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा ना उसकी चिंता मत करो तुमको पूरा डिडक्शन दे, दे देंगे और इतना भारी डिडक्शन मिलेगा ना कि अपना स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट है ना एकदम चोटूस आएगा शायद लॉस आ जाएगा और उस पर टैक्स ही नहीं आएगा और टैक्स बचा मतलब अपने को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ओके लेकिन सी रिसर्च में जो भी खर्चा हो रहा है सब माइनस करने मिलेगा चाहे वो रेवेन्यू हो के कैपिटल एक्सेप्ट लैंड अगर रिसर्च के लिए लैंड खरीदा है ना उसका डिरेक्शन नहीं मिलेगा लैंड जब बोलता ना मतलब खुली जमीन ऊपर खुला आसमान ओपन लैंड सी जब लैंड पे बिल्डिंग बन जाती है ना तो उसको लैंड नहीं बोलते लैंड अपना अस्तित्व खो बैठता है एक बार जमीन पे बिल्डिंग बन गया ना तो उसको बिल्डिंग बोल के बोलने का बिल्डिंग है बिल्डिंग है बिल्डिंग है लैंड को लैंड कब बोलते हैं जब एक खुली जमीन ऊपर खुला आसमान होता है तो अभी एक खुली जमीन इमेजिन करो रिसर्च के लिए खुली ज़मीन ली है पता है रिसर्च के लिए खुली जमीन क्यों लेते हैं क्यों तो कोई को एक्सपेरिमेंट क्या है बंद कमरे में करना खतरनाक होता है बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो इससे कोई को एक्सपेरिमेंट हम लोग खुली जमीन पे करते खुली जमीन पे एक्सपेरिमेंट करो ब्लास्ट हुआ तो भी रिस्क नहीं है ना तो कई बार रिसर्च के लिए पूरा खुला लैंड ले लेते लेकिन उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है या लैंड में जो तुमने पैसा डाला है वो पैसा तो पूरा वापस आ जाएगा क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट होता है कि अप्रिशिएट अप्रिशिएट होता है ना अप्रिशिएट होता है लैंड तो लैंड में अगर तुमने दस करोड़ भी डाला है तो पैसे तो पूरे वापस आ जाएंगे और जब तुमने लैंड में पैसा डाला है वापस आ जाएगा तो उसको हम खर्चा ही नहीं गिनेंगे ना गिनेंगे उसको खर्चा ना मिलेगा उसका डिडक्शन डिडक्शन तो खर्चों का मिलता है और खर्चा मतलब मनी स्पेंट लॉस्ट लेकिन लैंड में क्या होता है मनी स्पेंट बट इट इज़ नॉट लॉस्ट इट इज़ ब्लॉक्ड यू विल गेट बैक योर मनी बट गेट बैक कब होगा जब लैंड को बेचेंगे अरे लैंड में ऐसी कला है ना कि जिस दिन तू लैंड को बेचेगा एक एक रुपया तेरा वापस आएगा का ज़्यादा आएगा लैंड है ही जोरदार चीज़ चलो बिल्डिंग भी होती है ना तो टूटी फूटी बीमार हो जाती तो पैसे कम भी आते लेकिन लैंड जितना पैसा डाला पूरा वापस आएगा तो गवर्नमेंट बोलती है लैंड को हम खर्चा ही नहीं मानते इससे लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा बाकी सब मिलता है ये देखो इधर रूल है लुक लुकियर जो दिखा वही देखना चार्ट देखो ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर खर्चा हुआ है तो रेवेन्यू खर्चे तो अलाउड है रेवेन्यू मतलब कोई साइंटिस्ट को सैलरी वैलरी दे दिया अलाउड है इक्विपमेंट सॉरी रेवेन्यू मतलब लाइट का बिल हो गया लेबोरेटरी का मतलब जो भी छोटे मोटे खर्चे हो तो अलाउड है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड नॉट अलाउड बाकी सबका फुल कॉस्ट अलाउड और एक बार पूरा कॉस्ट माइनस हो गया ना फिर डेप्रेशन की इच्छा मत रखो अरे डेप्रेशन तो बहाना है कॉस्ट को घटाना है और तूने पूरा कॉस्ट ही माइनस कर लिया ये सब कहाँ माइनस हो रहा है सब स्टेटमेंट में ये देखो अपना स्टेटमेंट कैसा होता है ये देखो ऐसा ये स्टेटमेंट में माइनस करने का बात कर रहा हूँ तो कितना माइनस होगा फुल कॉस्ट लेकिन लैंड नहीं होगा ओके बट सी ये तो ड्यूरिंग द कोर्स हुआ ना बेस्ट ऐसे यार लैंड को छोड़ के सब माइनस कर देंगे बट बिफोर कमेंसमेंट में देखो ऐसा होता है ये देखो मतलब ऐसे इमेजिन करो मैंने पांच साल तक धूमधाम से रिसर्च की और मेरी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई तो छठे साल में मैंने बिजनेस चालू कर दिया तो इधर प्रॉब्लम क्या हुई थी जब मैंने रिसर्च की थी ना जब मैंने खर्चे किए थे उनको मैं माइनस नहीं कर पाया था क्यों नहीं माइनस कर पाया क्योंकि पहले मेरा बिजनेस ऑपरेशनल नहीं था अरे बिजनेस छठे साल में चालू किया ना तो शुरुआत के पाँच सालों में बिकॉज मेरा धंधा चालू ही नहीं था तो मैं स्टेटमेंट बनाता नहीं था तो मैंने डिडक्शन लिया ही नहीं था तो गवर्नमेंट क्या बोलती कोई बात नहीं बेटा तूने जो खर्चा किया ना तेरा खर्चा वेस्ट नहीं जाएगा तूने उन दिनों में माइनस नहीं किया होगा लेकिन जब तू बिजनेस चालू करेगा जब तू पहली पहली बार अपना स्टेटमेंट बनाएगा तब तुझे हम सारे खर्चे माइनस करने देंगे लेकिन मैक्सिमम पिछले तीन साल के खाली तीन साल का उसके पहले का खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा और कोई बोले नहीं नहीं ये गलत और गलत नहीं ये तेरे को माइनस करने दिया ना वो भी तो एहसान समझ नहीं तो हम लोग सीधा बोल सकते थे कि ये खर्चा तूने कब किया था ये तो तब किया था तब तो तेरा धंधे का नामो निशान नहीं था तो फेंक दे खर्चा मीन्स एक्चुअली तो मालूम है खर्चा माइनस करने का हक कब जता सकते जब ना धंधा चल रहा होता है ना तब खर्चा माइनस करना हक है लेकिन इन दिनों में, में मेरा धंधा चल रहा था नहीं चल रहा था तो ये सब खर्चा एक्चुअली मेरा माइनस करने का हक भी नहीं है फिर भी गवर्नमेंट ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या बोला चल तीन साल का दे देंगे अभी उंगली दी तो हाथ मत पकड़ कि तीन साल ही क्यों अरे तीन साल का मिला ना वो भी एहसान समझ नहीं तो हम लोग सीधा ये सब खर्चे को भाव भी नहीं देते एक्चुअली रूल है बिजनेस चल रहा होता है ना तो ही खर्चा माइनस करने का अपना अधिकार है लेकिन ये तो पहले के खर्चे वो माइनस भी नहीं होने चाहिए बट फिर भी गवर्नमेंट ने तीन साल का दिया तो ये देखो मैंने ये क्रॉस किया है ना मतलब ये मिलेगा नहीं एक ये क्या बनाया मैंने ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस बनाते हैं ना ये स्टेटमेंट छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया है लेकिन ऐसा फील करो ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट बनाना चालू ही कब होगा ईयर सिक्स में और तब अपने को प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स का डिडक्शन मिलेगा इन शॉर्ट सी जिन लोग ने भी धंधा चालू करने के पहले रिसर्च किए उनको पहले ही बोल दो देख तू रिसर्च भले दस साल से कर रहा होगा लेकिन देखो डिडक्शन सिर्फ पिछले तीन सालों का ही मिलेगा ओके okay? अब सुनो ये तीन साल का मिलेगा वो तो पक्की बात होगी लेकिन इन तीन साल में खर्चे क्या हुए होंगे कुछ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए होंगे कुछ तो कैपिटल वो होंगे तो सुनो इन तीन साल में देखना इधर इन तीन साल में अगर तेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है ना तो रूल है लैंड को छोड़ के सब कुछ माइनस कर ले रूल वही है लेकिन माइनस में छठे साल में करूँगा छठे साल में लेकिन लैंड को छोड़ के सब कुछ माइनस कर ले। लेकिन इन तीन साल में अगर तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ना तो सिर्फ सैलरी और मटेरियल का डिडक्शन मिलेगा सैलरी पेड टू द साइंटिस्ट एंड मटेरियल्स यूज फॉर द रिसर्च सिर्फ दो ही चीज़ माइनस करने मिलेगी और कोई खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा और सैलरी भी है ना साइंटिस्ट को जो दिया ना वो एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट एक कंपनी अपने साइंटिस्ट के ऊपर पैसा उड़ाती है बहुत पगार भी देती है परक्यूजिट भी देती है लेकिन उसको जो परक्यूजिट दिया है ना वो भी कंपनी का खर्चा है लेकिन वो अलाउड नहीं है परक्यूजिट छोड़ के उसको जो मेन सैलरी दिया है ना वो माइनस करने मिलेगा अरे मतलब मैं क्या बता रहा हूँ ये तीन साल में जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं रेवेन्यू वो सब अलाउड है कि खाली दो ही खाली दो चीज सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स और मटेरियल सिर्फ दो चीज़ अलाउड है वो भी तेरे को सर्टिफाई करवा के लाना पड़ेगा कहाँ से गवर्नमेंट का रिसर्च का डिपार्टमेंट है वो लोग से सर्टिफाई करवाओ क्योंकि ये साल में जो खर्चा किया है ना इन दिनों में तेरा धंधा नहीं था तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्स विल हिसाब किताब नहीं था ना तो तुझे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा क्या कि हमारा इतना सैलरी का खर्चा हुआ इतना मटेरियल का ये सर्टिफाइड होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मशीन मशीन आंखों से दिखती है ना तो उसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता है तो सुनो मैंने क्या क्या बोल दिया बताओ कभी भी बिजनेस चालू करने के पहले रिसर्च होती तो रूल क्या है पहले तो दस दस साल रिसर्च किए तो दसों साल का अलाउड है कि तीन साल का तीन साल का और वो तीन साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुए तो लैंड को छोड़ के सब अलाउड पूरा अलाउड फुल कॉस्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो सिर्फ दो चीज अलाउड सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स और मटेरियल वो भी सर्टिफाइड बाय प्रिस्ट अथॉरिटी हुआ तो ओके सर्टिफाइड नहीं दिया तो अज्यूम कर लो सर्टिफाइड है और वो अलाउड है अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड ओके सी गवर्नमेंट इतना नाटक क्यों कर रही है क्योंकि ये सब खर्चा है ना आइडियली तो माइनस भी नहीं होना चाहिए फिर भी गवर्नमेंट ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ चीज माइनस करने दे एक तो तीन साल का ही दिया उसमें भी जो जरूर जरूरी 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 है वो ही दिया है ये देखो इसका मैंने चार्ट बना के रखा है लुक केयर कुछ नया नहीं है सेम ही चीज जो मैंने बोली वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या अलाउड है सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूज मटीरियल अदर रेवेन्यू एक्सपेंसिस नॉट अलाउड ओके और इसमें भी कंडीशन क्या है इट शुड बी सर्टिफाइड प्रेस अथॉरिटी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ दे बाकी सबका फुल कॉस्ट अलाउड लेकिन ये कब अलाउ होगा जब बिजनेस चालू होगा फर्स्ट ईयर में ओके खर्चा तो पहले कर लिया था वो भी पहले का खाली तीन साल का ये देखो अपनी ये दोनों थियोरी खत्म हो गई है ना अब क्या है डोनेशन अब डोनेशन मतलब हमने खुद रिसर्च नहीं की है डोनेशन दिया है अब रिसर्च के लिए डोनेशन देते ना एक्चुअली तो इसका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि दान धर्म अच्छा होता है लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं है ना और रूल क्या बोलता है कोई भी खर्चा बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी है वही अलाउड होता है और एक्चुअली डोनेशन देना कोई बिजनेस चलाने की जरूरी थोड़ी है आज मुझे मेरी कोचिंग क्लासेस चलानी है तो लाइट बिल भरना पड़ेगा है ना भाड़ा भरना पड़ेगा जगह का डोनेशन देना थोड़ी जरूरी है तो डोनेशन एक्चुअली बिजनेस चलाने का खर्चा है ही नहीं बट फिर भी गवर्नमेंट ने बोला चल ना डोनेशन भी माइनस कर ले क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग रिसर्च के लिए डोनेशन देवे रिसर्च के लिए डोनेशन लोग देवे ना इसलिए डोनेशन का भी डिडक्शन मिलता है तो ये देखो मान लो ये मैं कोचिंग क्लास वाला हूं और मैंने रिसर्च के लिए एक लाख का डोनेशन दिया है तो एक्चुअली ये बिजनेस का खर्चा नहीं है फिर भी गवर्नमेंट अपने को माइनस करने देगी कहाँ माइनस होगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेकिन सी कोई भी आलतू फालतू को डोनेशन मत देना किसको देने का नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन देने का आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर रुचि को डोनेशन दो रुचि मतलब रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट अरे आर यूसी फुल आर यूसी का रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट बट वो भी गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए लोग बोलेंगे कोई अप्रूव्ड कॉलेज में दिया अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में दिया तो चलेगा सी ये सब आईआईटी जैसे लोग ही है जैसे आईआईटी है ना भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग की कॉलेज है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स है बिट्स पिलानी तो ऐसे कोई भी कॉलेज है इंजीनियरिंग वाले हाँ वो गवर्नमेंट अप्रूवड होने चाहिए तो उधर डोनेशन दिया तो भी चलेगा या फिर ऐसी इंडियन कंपनी को दो जो दिन रात आरएनडी करती है अरे कोई कोई कंपनियों ने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को धंधा ही बना दिया है जैसे मेरा धंधा है पढ़ाना ना वैसे कोई कोई कंपनी का धंधा ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना उनको भी डोनेशन दो तो चलेगा तो कहाँ कहाँ डोनेशन देना है नेशनल लेबोरेटरी आई आई टी अप्रूव रुचि रुचि मतलब रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट बट कोई अप्रूव जगह होनी चाहिए फिर इंडियन कंपनी एंगेज इन आर एंड डी इनको डोनेशन दिया ना तो अपने को डिडक्शन मिलेगा सी एक लाख मैंने ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल दिया है कि मान लो एक लाख दिया तो एक लाख माइनस हो जाएगा तो ये डोनेशन की थियोरी थी डोनेशन की थियोरी हो गई ना तो ये अपना सेक्शन थर्टी फाइव हो गया तो सुनो बिजनेस इनकम मैंने कौन से कौन सेक्शन करवा दिए पहले मैंने सेक्शन थर्टी करवाया था रेंट रिपेयर्स टैक्स इंश्योरेंस और बिल्डिंग फिर थर्टी वन था रिपेयर्स इंश्योरेंस और प्लांट एनस फर्नीचर फिर डेप्रिसिएशन रहा उसकी थियोरी दस पार्ट में थी फिर सेक्शन थर्टी फाइव साइंटिफिक रिसर्च उसका थियरी ऐसा था तीन पार्ट में पहले ड्यूरिंग फिर बिफोर फिर डोनेशन फिर थर्टी फाइव के बाद सेक्शन आता है थर्टी फाइव ई डी सेक्शन थर्टी फाइव ई डी में पता है क्या बोला है कि अगर तू ये चौदह धंधा करेगा ना तो तुझे गवर्नमेंट ने वरदान दिया है कि तेरे धंधे में जब कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना तो उसका तुझे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा लेकिन तेरा इन चौदह में से कोई धंधा होना चाहिए तो पता इस सेक्शन में विचित्र बात क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसमें अक्सर हम लोग डेप्रीसीशन माइनस करते लेकिन इधर फिक्स्ड एसेट की पूरी की पूरी कॉस्ट एक झटके में माइनस हो रही है ये विचित्र चीज़ है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट इन धंधों को प्रमोट करना चाह रही है और प्रमोट करने के लिए क्या बोला कि भाई तुम्हारे धंधे में तो बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हुए ना कर लो पूरा माइनस और इतना भारी डिडक्शन मिलेगा ना तो क्या होगा अपना ये फाइनल आंसर एकदम चोट आएगा अरे चोटा तो क्या कई बार लॉस आएगा और पता है लॉसेस को हम लोग आठ साल कैरीफोर्ड कर सकते इनको तो जिंदगी भर कैरीफोर्ड करने दिया है क्योंकि इनका लॉस भी जोरदार आएगा क्यों मालूम है क्योंकि ये सब बहुत महंगे धंधे हैं और इतने बड़े बड़े कॉस्टली धंधे चालू करोगे तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जोरदार होगा और इतना जोरदार तू माइनस कर लेगा ना तो तेरा लॉस तो छोड़ भारी लॉस आएगा और इतना भारी लॉस को कैरी कैरीफोर्ड करने के लिए शायद आठ साल कम पड़ेंगे तो गवर्नमेंट ने बोला आठ साल की दीवार हमने हटा दी तेरे लिए ज़िंदगी भर तू ये लॉस को कैरी कैरीफोड कर सी लॉस कैरी अफोर्ड होता तो फ़ायदा क्या है ये लॉस मेरे अगले साल के प्रॉफिट में एडजस्ट तो मेरा टैक्स बच जाएगा और इस तरह से मुझे ना जिंदगी भर कैरी कैरीफोड करने मिलेगा सी ये सेक्शन बहुत रावण जैसा है लेकिन इसमें दो ही विशेष बात है बताओ क्या एक तो डेप्रिशिएशन के बोले पूरा कॉस्ट माइनस होता है दूसरा जहां लॉसेस को आठ साल कैरी कैरीफोर्ड करने मिलता है इनको जिंदगी भर कैरी फोर्ड करने दिया ये दो ही चीज़ है लेकिन ये सेक्शन इतना बड़ा लगता है ना लोग डर जाते हैं ये थोर्टी फाइव इडियस उनके फटती है अरे कुछ भी नहीं है सेक्शन लेकिन रूल के नाम पे दो ही चीज पढ़ दे क्या एक तो इनके धंधे में जो फिक्स एसेट्स होते उसका डेप्रिसिएशन नहीं लेते फुल कॉस्ट माइनस और इनको जो लॉस होता है वो लॉस बाकी लोग तो क्या है आठ साल तक ही कैरी अफोर्ड कर सकते लेकिन इनको जिंदगी भर कैरी कैरीफोर्ड करने दिया है ओके okay? बाकी नॉर्मल धंधे मालूम है ना लॉस को मैं नेक्स्ट ईयर कैरी कैरीफोड करूंगा नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो एक और साल फिर बाद में आप अरे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो अपने आगे खींचते जाते हैं ना लेकिन mm. आठ साल के आगे खींच नहीं सकते और आठ साल खींचने की नौबत क्यों आ रही मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है जैसे मैं क्लासेस चला रहा हूँ मुझे लॉस हो रहा है हर साल लॉस ही हो रहा है तो इस लॉस को मैं खींच खींच के आठ साल लेके गया लेकिन मेरा लॉस एडजस्ट ही नहीं हो पाया क्योंकि मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो आठ साल के बाद लॉस लैप्स लॉस लैप्स लेकिन थर्टी फाइव वालों का तो क्या है लॉस जिंदगी भर कैरी फोर्ड कर कभी ना कभी तो प्रॉफ़िट होगा जब प्रॉफिट होगा तो ये लॉस को एडजस्ट कर देना और एडजस्ट करके नेट अमाउंट पे टैक्स भरना तो ये थर्टी फाइव डी लेकिन सी इसमें शर्त क्या है तुझे इन चौदह में से कोई एक धंधा चालू करना पड़ेगा तो सी ये चौदह धंधे कौन से मानो ये देखो लुक लुकियर चौदह धंधे में देखते हो भी लिस्ट बना रहा हूं पहला धंधा है कोल्ड चेन फैसिलिटी का कोल्ड चेन फैसिलिटी का धंधा हुआ तो उसमें थर्टी फाइव ई डी वाला रूल लगता है कौन सा धंधा कोल्ड चेन फैसिलिटी ओके जो कोल्ड स्टोरेज में जो चीज़ें सड़ जाती है ना उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि बड़े बड़े चीज़ बासी ना हो जाए उसको प्रिजर्व करना कोल्ड चेन वाले फिर वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डब्ल्यू के है देखते जाओ पहले कोल्ड चेन था फिर वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब खेतों के बाजू में जाके वेयर हाउस बनाओ और किसानों को फसल स्टोर करने की जगह दो और हम किसानों से पैसा लेंगे वो मेरी कमाई होगी लेकिन वेयरहाउस बनाने का जो खर्चा है ना फुल कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी तो वेयरहाउसिंग का धंधा है फिर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये देखो इसका मतलब क्या होता है ये देखो लुक क्या बोला था धंधे का नाम क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस मतलब अपने ना ऐसे मोटे मोटे पाइप बनाएंगे ये देख रहा है मेरी ड्राइंग देखो कितनी मस्त है पाइप बनाए मैंने और ये पाइप के थ्रू है ना पेट्रोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है पता है पेट्रोल जमीन से निकलता है ना तो ये लोग क्या करते हैं जिस जमीन से पेट्रोल निकलता है ना उधर से पाइप बना देते हैं और पाइप का नेटवर्क है ना देश के कोने कोने तक तो जाता है और दूसरी कंट्री तक भी पाइप को पहुंचा देते हैं और दूसरी कंट्री तक क्यों पहुंचाना पड़ता है क्यों पेट्रोल की बहुत बार समस्या होती है कि भारत में पेट्रोल ही नहीं निकल रहा है तो अपने को गल्फ कंट्री से मंगाना पड़ता है अब गल्फ़ कंट्री से पेट्रोल मंगवाना है तो अपने मंगा तो लेंगे लेकिन आएगा कैसे तो पाइप बना के रखा है मतलब अपना पाइप कंट्री के अंदर घूमना चाहिए कि क्रॉस कंट्री क्रॉस कंट्री यही तो लिखा है क्रॉस कंट्री मतलब ऐसा पाइप का नेटवर्क है जो भारत से लेके दूसरे कंट्री तक कनेक्ट होना चाहिए ताकि मान लो भारत में पेट्रोल की समस्या है तो हम लोग दूसरे कंट्री से मंगा सकते हैं तो ऐसा पाइपलाइन का नेटवर्क बनाना है ओके अब ये नेटवर्क में मेरी इनकम क्या होगी गया में मेरे पाइप के द्वारा जो भी पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करेगा उससे मैं पैसा लूँगा मैं बोलूँगा तेरे को पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करना पैसा दे वो पैसा देगा ना तो वो मेरा इधर इनकम बन जाएगा और जो पाइपों के बड़े बड़े कॉस्ट है ना उसका 100% परसेंट डिडक्शन मिलेगा 35 फाइव में ओके तो ये कौन सा धंधा था क्रॉस कंट्री इधर देखो इधर पहुँचा था मैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फिर हॉस्पिटल बनाओ हॉस्पिटल के धंधे में भी थर्टी फाइव ईडी मिलता है लेकिन हॉस्पिटल कैसी मिनिमम हंड्रेड बेड्स वाले होने चाहिए ऐसी हॉस्पिटल जिसमें कम से कम सौ बेड होने चाहिए तो उसका भी डिरेक्शन मिलेगा फिर होटल बिजनेस मिनिमम टू स्टार कैटेगरी होना चाहिए ओके याद कर दे हो। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम मतलब झोपड़पट्टी तोड़ के बिल्डिंग बनाने वाला धंधा होना चाहिए अपना मतलब बिल्डर लोग को भी थर्टी फाइव मिलता है और बिल्डर लोग के लिए मालूम है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है सीमेंट मिक्सिंग की मशीन्स होती है वो सब पूरा डिडक्शन आएगा सी इन लोग क्या है थर्टी फाइव का ऐसा पूरा डिटेल्स हम नहीं बना सकते क्योंकि थर्टी फाइव ए जैसा धंधे करने वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं और अपने इंटर लेवल में तो क्या है एक इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर का सम आता है और सोल प्रोपराइटर लोग जैसे ऐसे बड़े बड़े धंधे थोड़ी करते हैं तो मतलब ये नॉलेज है ना तुमको छोटे मोटे क्वेश्चन भी काम आएगा थर्टी फाइव ए का वो तो पूरा कंपटीशन का जो समय आता है ना एग्जाम में वो थर्टी फाइव ए का आएगा उसके चांसेस थोड़े कम है और जो भी इसका नॉलेज चांसेस कम क्यों क्योंकि ये सब धंधे कौन करता है यार बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाकी भरोसा नहीं मेरे ऐसा सोल ट्रेडर भी धंधा चालू कर सकता है लेकिन चांसेस कम है ना इन शॉर्ट ये सब के फुल फ्लेज क्वेश्चन में नॉलेज कम काम आएगा छोटे मोटे क्वेश्चन में किधर भी नॉलेज काम आ सकता है बस नॉलेज होना चाहिए ये धंधों को मिलता है बस तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे एक हॉस्पिटल का धंधा था फिर होटल था फिर लास्ट क्या था हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम फिर एक और बिल्डर है ऐसा बिल्डर जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में बिल्डिंग बनाई है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मतलब बिल्डिंग बना के जो मैं फ्लैट बेचूंगा ना सस्ते में बेचने का पब्लिक को लूटने का नहीं और सस्ते में बेचने का मतलब फ्लैट्स के प्राइस कौन डिसाइड करेगा गवर्नमेंट मतलब इस प्रोजेक्ट में ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है जैसे मान लो रुस्तम जी वालों ने बिल्डिंग बनाई रुस्तम जी वालों को गवर्नमेंट क्या बोलेगी ये बिल्डिंग में फ़्लैट क्या प्राइस से बेचता हम लोग बताएंगे और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अलाउ किया ना रुस्तम जी वालों ने तो वो हो जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और गवर्नमेंट का मकसद क्या मालूम है उसमें इंटरफेयर करके प्राइजेस को कम रखेगी ताकि लोगों को फ्लैट मिल सके इसको बोलते अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हर बिल्डर को थर्टी फाइव डी नहीं मिलता है दो ही लोग को मिलता है स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम वाले और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम वाले ओके फिर फर्टिलाइज़र का धंधा ओके एफ फॉर फर्टिलाइजर एक से सुनो फर्टिलाइजर के पहले देखो तो अपना इधर तक हुआ था ना इसका मैंने देखो तो गाना बना के रखा है इसको ट्यून में याद रखो ये देखो ये जो चीज़ है ना इसका ट्यून ऐसा है कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग क्रॉस कंट्री हॉस्पिटल होटल हाउसिंग हाउसिंग अरे पहली बार अजीब लगता है लेकिन ट्यून मस्त है देखो कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग क्रॉस कंट्री हॉस्पिटल होटल हाउसिंग हाउसिंग सब पॉइंट आ गए कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग क्रॉस कंट्री हॉस्पिटल होटल हाउसिंग हाउसिंग फिर आगे का ट्यून सेम है लिरिक्स अलग है फर्टिलाइजर्स एफ फॉर फर्टिलाइजर्स फिर आई सुनो क्या होता है आई फॉर इनलैंड कंटेनर डेपो अप्रूव्ड बाय कस्टम्स एक्ट 1962 अब सी इनलैंड कंटेनर डेपो होता क्या है मैं एक्चुअली रेगुलर लेक्चर में तो क्या इसका पूरा मीनिंग बताता हूँ लेकिन सी इसका मीनिंग जान के क्या कर लोगे नॉलेज मिलता है नॉलेज होना चाहिए लेकिन रिविजन लेक्चर में अपने पास टाइम कम है तुम लोग खाली इसको रट लो क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे को दस मिनट डेडिकेट करना पड़ेगा किसका एक्सप्लेनेशन के वॉट इज़ इनलैंड कंटेनर डेपो रेगुलर लेक्चर में तो टाइम होता है तो मैं बता देता हूँ लेकिन अभी इस पर टाइम वेस्ट करूँगा तुम लोग को भी इरीटेट हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली अपने को खाली धंधे का नाम याद रखना है ये धंधा दिखा तो ये थर्टी फाइव का झंडा गाड़ दो और थर्टी फाइव में दो ही तो खास बात है एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा माइनस हो जाता है और जो लॉस बनता है अनलिमिटेड यस कैरी फॉर्ड होता है तो क्या था फर्टिलाइजर्स के बाद अगला कौन सा जो मैंने ऐसे बता दिया इनलैंड कंटेनर डेपो इनलैंड कंटेनर डेपो फिर बी कीपिंग का धंधा मधुमक्खियों को पालना पोषना फिर उससे शहद बनती है वैक्स बनता है वो धन बी कीपिंग फिर वेयर हाउसिंग फॉर शुगर मतलब शुगर को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बनाना मतलब क्वेश्चन में वेयर हाउसिंग फॉर शुगर बिजनेस दिखा तो थर्टी फाइवी आएगा सी तुम लोग खाली नाम याद रखो ताकि ये लोग कभी दिखे ना ये थर्टी फाइवी ऐसा याद आना चाहिए ओके तो वेयर हाउसिंग था फिर नेक्स्ट सुनो स्लरी पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन ओर स्लरी पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आयन और आयन और का मतलब क्या होता है रॉ आयन आयन है ना धरती के नीचे से निकलता है और जिस धरती से आयन निकलता है उधर से पाइप बना डलते ताकि आयन को हम ट्रांसपोर्ट कर सके लेकिन आयन गीला गीला नहीं होता सूखा होता है ना तो पाइप के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा पेट्रोल तो गीला है पाइप से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लेकिन आयन गीला गीला होता है कि सूखा 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 इसे पाइप के अंदर लिक्विड मिक्स करते हैं तो गीला गीला हो जाता है उसको बोलते स्लरी स्लरी का मतलब गीला गीला नाम सुन क्या था ये देख स्लरी पाइपलाइन फॉर आयन और डिस्ट्रीब्यूशन सी आयन एक लोखंड है यार तो पाइप के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होगा और धरती से आयन निकलता है ऐसा रोड जैसा नहीं होता है वो मिट्टी जैसा होता है लेकिन सूखी सूखी चीज पाइप के थ्रू बहेगी कैसे आगे इससे इन लोग लिक्विड डालते उसको बोलते स्लरी पाइपलाइन पेट्रोल में स्लरी वर्ड क्यों नहीं था क्यों पेट्रोल तो गीला है तो सीधा दो टाइप के पाइपलाइन है पेट्रोलियम का पाइपलाइन और आयन और का पाइपलाइन पेट्रोल तो गीला ही है तो उसको स्लरी नहीं बोलते लेकिन ये सूखा सूखा होता है इसलिए स्लरी पाइपलाइन और पेट्रोल का तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाना चाहिए और आयन और का तो इंडिया के अंदर भी पाइप घूमेगा तो चलेगा तो दो दो पाइपलाइन धन दें ओके तो ये था स्लरी पाइपलाइन फॉर और ट्रांसपोर्टेशन अगला सुनो क्या है सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग वेफर मतलब ये आलू के चिप्स बनाना चिप्स नहीं है सिलिकॉन की चिप है सिलिकॉन चिप होती है ना जो मोबाइल में लगती है लैपटॉप में लगती है मोबाइल कैसा जोरदार परफॉर्म आज मोबाइल में मैं ऐसे कुछ टच करू फट रिस्पॉन्स आता है ना कितना मजा आता है क्यों सिलिकॉन की चिप होती है तो सिलिकॉन की चिप बनाओ और चिप क्या है खाली बनाना चिप्स ही चिप्स नहीं होती है सिलिकॉन की भी चिप्स होती है और कभी भी चिप्स बनता है तो उसको क्या बोलते हैं वेफर्स तो ये कौन सा वेफर है आलू के चिप्स है केले के चिप्स है कि सिलिकॉन चिप्स है सिलिकॉन चिप्स ये मैन्युफैक्चर करना अपने को तो होता क्या इनको अरे ये कर धंधा फिर बाद में क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपने को हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा एंड फिर बाद में लॉस आया तो जिंदगी भर कैरी फॉर्ड करने मिलेगा तो मैं किधर पहुंचा सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चर मतलब सिलिकॉन चिप्स फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का धंधा मेट्रो बनाओ रोड बनाओ हाईवे बनाओ सीलिंग बनाओ कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का धंधा करो सी इंफ्रास्ट्रक्चर के धंधे में ना लुक जो कमाई होती है वो तो ऊपर आ जाएगी मेट्रो चलती है तो मेट्रो में इनकम आती है ना वो ऊपर आ जाएगी लेकिन जो बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इधर माइनस हो जाता है ओके okay? तो अपना लास्ट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का था तो ये देखो पूरी लिस्ट एक बार में याद कर लेना देखो ये गाना है ना तीन पैराग्राफ पे और कोई भी गाने में क्या दो दो तीन तीन पैराग्राफ होता है ट्यून सेम रहता है तो सी मेरा ट्यून कैसा देखो पहले ये वाला पैरा देखो कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग क्रॉस कंट्री हॉस्पिटल होटल हाउसिंग हाउसिंग फिर बाद में बोला चाहिए फर्टिलाइजर्स आईसीडी आईसीडी मतलब इनलैंड कंटेनर डेपो फर्टिलाइजर्स आईसीडी बी कीपिंग वेयर हाउसिंग स्लरी स्लरी सेमी सेमी मतलब एक स्लरी पाइपलाइन और का और एक सेमी कंडक्टर वेफर फेफर मैन्युफैक्चरिंग को क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर वेफर इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं इसलिए सेमी है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का धंधा है तो ये सब धंधे कभी भी सब में दिखे तो थर्टी फाइव से धंधे बहुत है लेकिन रूल सरल है इनको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा और लॉस बना तो जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड होगा ओके अब सुनो ये सब धंधों के लिए एक शर्त है कि बिजनेस ये डेट के बाद चालू होना चाहिए जिनका धंधा ये डेट के बाद चालू हुआ है तो ही डिडेक्शन मिलता है जैसे लुक इयर कोल्ड चेन के नीचे क्या लिखा हुआ है 2009 ना तो ये देखो ड्राइंग देखो ना समझेगा कोल्ड चेन वालों का अगर फर्स्ट अप्रैल 2009 के पहले बिजनेस चालू हुआ ना तो देखो मैंने क्या लिखा थर्टी फाइव डी नहीं मिलेगा क्योंकि 2009 के बजट में अनाउंस हुआ था और 2009 के बजट में गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि अभी जो धंधा चालू करेगा अभी मतलब पहले से जो चालू कर बैठा है उन लोग के लिए नहीं है अभी और अभी मतलब वो 2009 के बजट में अनाउंसमेंट हुई थी ना तो मतलब जिन लोग ने फर्स्ट अप्रैल 2009 या फिर उसके बाद बिजनेस चालू किया ना उन्हीं लोगों को थर्टी फाइव मिलेगा तो टेल मी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है किसी का ओल्डिन बिजनेस है फर्स्ट तो अप्रैल 2009 के पहले से चल रहा था तो क्या अरे पहले से चल रहा था मतलब उसको थर्टी फाइव नहीं मिलेगा अरे नहीं मिलेगा तो क्या होगा फिर वो अगर कोई एसेट खरीदेगा ना तो उस पर फुल कॉस्ट नहीं मिलेगा फुल का फुल कॉस्ट माइनस करना है तो धंधा फर्स्ट अप्रैल 2009 या फिर उसके बाद होना चाहिए ओके okay? क्योंकि सी गवर्नमेंट ने जब बजट में अनाउंस किया तो क्या बोला था कमान कोल्ड चेन का धंधा चालू करो लेकिन कमान की ज़रूरत किसको लिए? है जिसने वो धंधा चालू नहीं किया उसके लिए ना जो उस धंधे में ऑलरेडी है उसको गवर्नमेंट क्यों भाव देवे तो गवर्नमेंट भी शाणी है जो कोल्ड चेन का धंधा पहले से कर रहा था उसको तो गवर्नमेंट वो तुम लोग कोल्ड चेन का धंधा पहले से कर रहे हो गुड बॉय हाँ गुड बॉय बस गुड बॉय बोल दिया उन लोग के लिए हंड्रेड परसेंट नहीं रखा है लेकिन बजट के बाद गवर्नमेंट ने जिनको जिनको चढ़ाया चल कोल्ड चेन का धंधा कर कर और फिर बहकावे में आके जिन लोगों ने धंधा चालू किया उन लोगों के लिए तो ये डेट याद रखनी पड़ेगी 149 लेकिन 149 कोल्ड चेन के लिए है और वेयरहाउसिंग के लिए और क्रॉस कंट्री के लिए अरे इन तीनों धंधों की डेट सेम है कोल्ड चेन वेयरहाउसिंग क्रॉस कंट्री तीनों के लिए रूल क्या है अगर बिजनेस फर्स्ट अप्रैल 2009 या फिर उसके बाद चालू हुआ तो फुल कॉस्ट डिडक्शन मिलेगा डैट मीन्स अगर पहले चालू हुआ ना तो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा सी इन लोग को मैंने 35 फाइव मना किया है लेकिन 35 फाइव नहीं मिलेगा तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना लेकिन इन लोग को तो फुल कॉस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा ओके okay? फिर लुक और ये तीनों का डेट 2009 हजार नौ क्यों ना क्यों दो के बजट में तीन बिजनेस को लेके सेक्शन चालू हुआ था फिर 2010 के बजट में तीन और धंधे जुड़ गए कौन से हॉस्पिटल होटल और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट तीन लोग का डेट क्या है फर्स्ट अप्रैल 2010 या फिर बाद में चालू किया तो मिलेगा पहले तो नहीं मिलेगा अरे इस तरह से सबकी डेट याद रखनी पड़ेगी और डेट देखो मस्त ऐसे याद रखने तीन तीन की जोड़ी में देखो नाइन 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 टेन 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 एवन हाँ लेवन दो की जोड़ी में ना अरे इलेवन की जोड़ी दो है अरे सब तीन तीन का जोड़ा है ना लेकिन इलेवन दो की जोड़ी में क्यों इलेवन में डंडी भी दो आती है ऐसे याद रख इलेवन कैसे लेते हैं वन और वन लेवन तो दो डंडी है ना तो उसकी जोड़ी भी दो की है तो देखो नाइन 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 टेन 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 एलेवन लेवन ट्वेल्व 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 फोर्टीन फोर्टीन सेवनटीन फोर्टीन फोर्टीन क्या सीधा सेवनटीन बीच में थर्टीन नहीं है अरे तो इसको पहले तो ये ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग क्रॉस कंट्री हॉस्पिटल होटल, हाउसिंग हाउसिंग फर्टिलाइजर्स आईसीडी मतलब इनलैंड कंटेनर डेपो बी कीपिंग वेयर हाउसिंग स्लरी स्लरी सेमी सेमी स्लरी मतलब आयन और वाला था वो सेमी कंडक्टर मतलब वेफर वाला सिलिकॉन से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यही लाइन में याद वो डेट कैसा था नाइन 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 टेन 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 लेवे लेवेन ट्वेल्थ ट्वेल्व ट्वेल्व भी थर्टीन नहीं है फोर्टीन फोर्टीन सेवनटीन ये डेट के बाद धंधा चालू हुआ तो ही थर्टी फाइव मिलेगा उसके पहले तो थर्टी फाइव तो नहीं लेकिन जो भी एसेट्स उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एक्चुअली सी सेक्शन थर्टी फाइव ई में बच्चों को है ना तीन पार्ट में पढ़ाना पड़ता है चौदह बिजनेस वो मैंने पढ़ा दिए चार कंडीशंस और पांच नोट्स होती है ओके तो सी मैंने चौदह बिजनेस तो तुमको बता दिए ना लेकिन ये चार कंडीशंस की थियोरी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सी वो पूरा थियोरिटिकल है और इन लोग को सीधा सीधा ऐसा थियोरी नहीं पूछेंगे तो चार कंडीशन की थियोरी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इससे मैं लिमिटेड टाइम में मुझे करवाना है तो इसमें मैं टाइम नहीं डालूंगा ओके तो इसके बाद सीधा अपना क्या आ जाएगा फाइन नोट्स लेकिन फाइन नोट्स की थियरी को अभी टच करना पॉसिबल नहीं है अभी एक बार टाइम अप हो गया तो बंद करना पड़ेगा ना तो इंस्टल अपना थर्टी फाइव डी खत्म हो गया चल रहा है अभी भी चल रहा है उसमें चौदह बिजनेस की थियोरी होगी इसको तो मैं स्किप कर रहा हूँ पांच नोट्स में कल पढ़ाऊंगा ओके तो कल मिलेंगे इधर तक का पूरा थरो कर लेना आज ये बिजनेस का जितना भी मैंने करा इतना है पूरा थरो कर लेना ओके रिवाइज एंड कम प्लीज रिवाइज एंड कम साथ साथ प्लीज सुन लो पढ़ते रहो अभी जो टाइम बचा है ना पूरी जान डाल के मेहनत करो जरा भी चीटिंग मत करना तू जरा भी चोरी करेगा ना इंस्टीट्यूट ऐसा है ना रिजल्ट में दिखाएगा तेरे को अगर तेरे को ईमानदारी से पास होना है ना ईमानदारी से मेहनत भी करनी पड़ेगी तू सोचेगा किसको मालूम है टाइम पास करो अरे किसी को नहीं मालूम भगवान देख रहे हैं चौबीस घंटा तेरे को ट्वेंटी फोर बाय सेवन भगवान देख रहा है ऑनेस्टली पढ़ाई कर भगवान देखेगा भगवान आईसीआई को मैसेज देगा पास कर दे इसको ओके okay? तुम लोगों को सुनने में थोड़ा फनी लग